दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज हम हमारा जो कॉस्ट काउंटिंग का सब्जेक्ट है उसमें सीएमए इंस्टीट्यूट ने कुछ बिट क्वेश्चन की बुकलेट इश्यू करी हुई है वो आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं ये बुकलेट अगर आपको चाहिए तो आप डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू डॉट आई डॉट इन पे वेबसाइट पर जाके सीएमए की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको किसी भी तरीके की डाउनलोडिंग वगैरह में प्रॉब्लम आती है आप हमसे भी इसकी डिमांड कर सकते हो ये बुकलेट इश्यू किसने की है आईसीएम आई इंस्टीट्यूट ने इश्यू करी है पेपर नंबर एट कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड और इसको नाम दिया इन्होंने बिट क्वेश्चंस। बिट क्वेश्चंस का मतलब है यहां पे इसके अंदर आपको एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग देखने को मिलेंगे मिट क्वेश्चन का मतलब है छोटे क्वेश्चन जो कि ये अपने एग्जाम में एमसी क्यू फिल्लैंक्स मैथ्स द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स इस फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर वन इन प्रोसेस कन्वर्जन कॉस्ट मीन्स देखो कन्वर्जन कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो आप स्टडी नोट नंबर वन जब हम थियोरिटिकल पढ़ते हैं वहीं पे आपको कन्वर्जन कॉस्ट देखने को मिल जाता है कन्वर्जन कॉस्ट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो खर्चे लगते हैं दैट इज नॉन एज कन्वर्जन कॉस्ट और उसके अंदर डायरेक्ट लेबर कवर होता है डायरेक्ट अदर एक्सपेंस आप कवर कर सकते हो और उसके अंदर आप फैक्ट्री ओवरहेड कवर कर सकते हो डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट अदर एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे हम उसमें कवर कर सकते हैं ऑप्शन क्या है ऑप्शन ए है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस कन्वर्जन कॉस्ट में कभी भी डायरेक्ट मटेरियल कवर नहीं होता डायरेक्ट लेबर कवर हो सकता है डायरेक्ट एक्सपेंस कवर हो सकता है बट डायरेक्ट मटेरियल कवर नहीं होता तो ए तो आंसर नहीं होगा बी डायरेक्ट लेबर हो सकता है डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंस कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर भी कवर होता है डायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है फैक्ट्री ओवरहेड भी होता है और फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल भी कवर होता है इनडायरेक्ट लेबर भी होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है जो है वो है वो करेक्ट आंसर सी अगर मैं पढ़ता हूं तो प्राइम प्राइम कॉस्ट कॉस्ट प्लस फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरहेड सर में कर देते हैं तो वो तो फैक्ट्री कॉस्ट बन जाता है और ओल कॉस्ट अप टू द प्रोडक्ट रीचिंग द कंज्यूमर कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते तो एडमिन ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड काफी सारे खर्चे आ जाते हैं जो का पार्ट नहीं होता इनडायरेक्ट मटीरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट क्वेश्चन को एनालाइज करना है और वो आप तभी कर पाओगे जब आपने रिवीजन कर लिया होगा सेकंड एट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी लेवल द फॉलोइंग इज ट्रू ई क्यू की डेफिनेशन अगर मैं आपको याद कराऊं तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें ये बताता है कि एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी परचेज करके लाऊ ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम आए सर कौन सी कॉस्ट तो कॉस्ट होती है टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट इसका जो समप है वो कम से कम आए इंडिविजुअली दोनों नहीं इसका जो एडिशन है टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कॉस्ट प्लस टोटल एनुअल कैरिंग इसका समअप करें एडिशन करें तो वो कॉस्ट मिनिमम आए और साथ में EOQ की स्पेशलिटी ये भी है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लेवल पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट इक्वल भी आपको हमेशा देखने को मिलती है ऑप्शन ए है ऑर्डरिंग कॉस्ट इज मिनिमम सर ऐसा तो जरूरी नहीं है कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम सर ऐसा भी जरूरी नहीं है हाँ इन दोनों का एडिशन जरूर मिनिमम होता है द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू द कैरिंग कॉस्ट दिस इज द करेक्ट आंसर परचेज प्राइस मिनिमम होता है ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है डिस्काउंट के केस में आप देखते हो परचेज प्राइस आपका ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है परचेज प्राइस मिनिमम हुआ है ऐसा जरूरी नहीं है डिस्काउंट में और भी आपको कम देखने को मिल जाता है सी विल बी द फाइनल आंसर सर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट एट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल पॉइंट का आंसर है सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हेन ए डायरेक्ट वर्कर इज पेड ऑन ए मंथली फिक्स्ड सैलरी बेसिस कहते मान लो एक डायरेक्ट वर्कर है और उसको आप मंथली बेसिस पे फिक्स्ड सैलरी पे कर रहे हो मतलब एक वर्कर है डायरेक्ट वर्कर आपने उसको बोल दिया से एग्जांपल बीस हजार रुपए पर मंथ कि हम आपको बीस हजार रुपए पर मंथ देंगे तो बीस हजार रुपए पर मंथ ही देंगे सिंपल सी बात है तो the following is true, तो चार स्टेटमेंट गिवन है हमें बताना है इसमें से कौन सा ठीक है कहते है, there is no idle time lost. बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है देयर इज नो आइडल टाइम लॉस्ट नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं है कहते हैं आइडल टाइम लॉस्ट नहीं होगा सर बिल्कुल हो सकता है आइडल टाइम क्यों नहीं लॉस होगा ऐसा तोड़ने कि वर्कर अगर फिक्स्ड बेसिस पे है तो आप उसको अगर no द्यांसे, बहुत द्यांसे पढ़ना है। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया पहले और दूसरे में देयर इज नो आइडल टाइम लॉस्ट कहते हैं आइडल टाइम लॉस्ट नहीं होता मतलब टाइम खराब नहीं होता तो टाइम क्यों नहीं खराब हो सकता अगर आप बंदे को आपने फिक्स्ड बेसिस पे मंथली सैलरी पे कर रहे हो तो क्या वो टाइम वेस्ट नहीं कर सकता सर बिल्कुल कर सकता है लेकिन कोई आइडल टाइम कॉस्ट नहीं होती क्यों नहीं होती सर क्योंकि आपको तो उसको बीस हजार रुपए ही पे करने हैं तो कि फिक्स है मतलब वो खाली बैठे काम करे कुछ भी हो आपको तो बीस हजार रुपए इन इनकेस देना ही देना था तो आइडल टाइम मतलब वो खाली बैठा है उसके लिए मुझे अलग से कोई कॉस्ट इनकर् नहीं करनी पड़ रही बीस हजार रुपए उसकी सैलरी क्या है फिक्स है जबकि यही अगर मैं कहूं कि मंथली नहीं होकर उसको आवरली बेसिस पे आप पे आप कर रहे होते और मान लो बजे बजे से लेकर तक वो अपने फैक्ट्री में बैठा हुआ है और दो घंटे वो किसी वजह से काम नहीं कर रहा हमारी गलती मान लो पावर फेलियर हो गया इस वजह से उन दो घंटों के लिए भी आपको पेमेंट करना पड़ता है अलग से उन दो घंटों के लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है छह घंटे बंदे ने काम करा दो घंटे खाली बैठा फिर भी आपको छ प्लस दो आठ घंटों के लिए पे करना पड़ता है लेकिन फिक्स्ड है तो उसके लिए आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करना तो फाइनल आंसर तो बी ही होगा बाकी भी ऑप्शन पढ़ देता हूं आइडल टाइम कॉस्ट इज सेपरेटेड एंड ट्रीटेड एज ओवरहेड सर ऐसा नहीं है अगर डायरेक्ट वर्कर है तो आइडल टाइम की कॉस्ट भी डायरेक्ट वेजिस का ही पार्ट होती है द सैलरी इज फुल्ली ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट नहीं सर ऐसा भी नहीं है डायरेक्ट वर्कर है तो आप पूरी की पूरी सैलरी को ओवरहेड में कैसे डाल सकते हो उसकी वेजेस तो डायरेक्ट वेजेस कहलाएगी फाइनल आंसर होगा थर्ड का बी अगर एक वर्कर जो कि डायरेक्ट नेचर का है फिक्स्ड आप उसको मंथली सैलरी पे करते हो तो इस सिचुएशन में आइडल टाइम कॉस्ट आपकी नहीं होती बीस हजार रुपए आपको डायरेक्ट वेजेस में ही फिक्स्ड हर महीने शो करते हुए चलना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेन कौन सा है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का और जब हम सी एस टेन पढ़ते हैं तो वहां पर डायरेक्ट एक्सपेंस के काफी सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं यहां पे चार एग्जाम्पल्स गिवन है और हमें ये बताना है इनमें से कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जाम्पल है वो भी एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेन पॉइंट नंबर ए स्पेशल रॉ मटीरियल विच इज ए सबस्टेंशियल पार्ट ऑफ द प्राइम कॉस्ट सर वो डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं वो रॉ मटीरियल में ही कवर होता है so, तो सी एस टेन के अकॉर्डिंगलीगाम्पल्स को पढ़ता हूं तो वहां पर स्पेसिफिकली डायरेक्ट एक्सपेंसिस में ट्रेवलिंग एक्सपेंस टू साइट लिखा हुआ है तो so, बी आपका फाइनल आंसर होगा बट आगे के ऑप्शन भी पढ़ देता हूं ओवर टाइम चार्जेज पेड टू डायरेक्ट वर्कर टू कंप्लीट वर्क बिफोर टाइम ऐसा भी कहीं सी एस टेन में नहीं है कैटेलॉग ऑफ प्राइस ऑफ फिनिश सर ऐसा नहीं है तो सी एस टेन अगर आप हाँ तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसिस एक्सपेंस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेन आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का फाइनल आंसर होगा बी ट्रेवलिंग एक्सपेंस टू साइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज ए मैन्युफैक्चरिंग ओवर हम जब कॉस्ट शीट का टॉपिक पढ़ते हैं तो हम वहां पे मैन्युफैक्चरिंग ओवरइड के काफी सारे एग्जांपल्स देखते हैं तो हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा मैन्युफैक्चरिंग ओवरइड का पार्ट नहीं होता दुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग ओवर में कवर होता है कॉटन वेस्ट भी मैन्युफैक्चरिंग ओवर में कवर होता है अपोर्शन एडमिन ओवर नाइट शिफ्ट अलाउेंस फैक्ट्री वर्कर ड्यू टू जनरल वर्क प्रेशर अब यहां पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती कर जाते हैं और फाइनल आंसर दे देते हैं सी लेकिन इस सी का मतलब समझो पहले क्या है सी का मतलब है अपोर्शन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को बांट देना और जब बांटने की बात आती है तो मैं बताऊं तो एडमिन ओवर को दो जगह बांटा जा सकता है सर इट मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ओवर हेड ट में तो तो हो सकता है तो सर यहां पर स्पेसिफिकली कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं तो अपोर्शन मानूंगा में। कि अगर एडमिन ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग ओवर में बांटा जाता है क्या वो मैन्युफेक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट नहीं होता सर होता है बिल्कुल होता है तो सी जो है इसमें कई बार बच्चे एडमिन ओवरहेड पढ़ के बस इसको लिख देते हैं कि सर ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट नहीं होता बट ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट हो सकता है हाँ, डी जो है है ये ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट नहीं होता क्यों क्योंकि लिखा हुआ नाइट शिफ्ट अलाउंस आप कर रहे हो वो भी फैक्ट्री वर्कर को सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है सर फैक्ट्री वर्कर की जो वेजेज होती है वो कहलाती है डायरेक्ट वेजेस अब आप नाइट शिफ्ट अलाउंस क्यों पे कर रहे हो सर ये ड्यू टू जनरल वर्क प्रेशर है और अगर जनरल वर्क प्रेशर की वजह से नाइट शिफ्ट अलाउंस पे किया जाता है दिस इज ए पार्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस दिस इज ए पार्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस अकॉर्डिंगली इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्वेश्चन ने कहा कौन सा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट नहीं है तो डी जो है नाइट शिफ्ट अलाउंस पेड टू ए फैक्ट्री वर्कर ड्यू टू जनरल वर्क प्रेशर इट इज नॉट द पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंसंट्रेट करना है थोड़ा सा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका आंसर गलत कर देते हैं सी कर देते हैं जो कि गलत हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स वेन यू अटेम्प्ट ए रिकॉन्सिलियेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट क्वेश्चन को पढ़ते ही आइडिया लग गया आपको सर रिकॉन्सिलियशन का क्वेश्चन है ते हम रिकॉन्सिलियशन कर रहे हैं प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट और प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट का द फॉलोइंग इज डन तो इसमें से क्या ठीक है मतलब क्या हम करते हैं जब हम रिकॉन्सिलियन करते हैं तो द फॉलोइंग इज डन हम इसमें से क्या करते हैं कहता है एड द अंडर ऑब्जॉर्न ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको अंडर ऑब्जॉर्पन देखने को मिल रहा है कहते हम उसको एड करते हैं प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट ध्यान देना थोड़ा सा हम जब रिकॉन्सिलेशन पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग से और जब हम प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग से स्टार्ट करते हैं तो अंडर एब्जॉर्प्शन माइनस होता है अगर मैं यही कहूं कि मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से स्टार्ट करूंगा क्योंकि यह कहते हैं इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट तो उस सिचुएशन में अंडर एबजॉप्शन प्लस होगा तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है लेकिन मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है और ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने यहां पे गलत फॉर्म किया है कैसे और ऑप्शन भी पढ़ता हूं ये तो बिल्कुल ठीक है इस सर अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से स्टार्ट करता हूं ऊपर से तो अंडर ऑप्शन उसमें प्लस हो जाता है अंडर अब्ज ऑप्शन कॉस्ट अकाउंटिंग वाला उसमें प्लस हो जाता है पी कहता है एड द अंडर ऑब्जॉर्बन ऑफ ओवर हेड इन कॉस्ट अकाउंट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट सर ये तो गलत है क्योंकि जब मैं स्टार्ट करता हूं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से तो अंडर ऑब्जॉर्ब इन कॉस्ट अकाउंटिंग माइनस होता है ये तो ठीक है मतलब गलत है हमें तो बताना द फॉलोविंग इज डन हम क्या करते हैं इसमें से सर बी तो नहीं करते ए करते हैं टी एट दब्जॉर्बेशन ऑफ ओवर इन कॉस्ट अकाउंट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगेन याद करो जब हम स्टार्टिंग में लिखते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट तो कोई भी ओवर ऑब्जॉर्न होता है cost accounting का, तो हम उसको एड करते हैं लेकिन यह कह रहे हैं हम स्टार्ट अगर करें फाइनेंशियल अकाउंट से तो ऐड करते हैं तो सर ऐसा तो हम नहीं करते भी करेक्ट नहीं होगा ठीक है एड द ओवर ऑब्जॉर्न ऑफ ओवर एड इन कॉस्ट अकाउंट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट अगर मैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से स्टार्ट करूं अगर मैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से स्टार्ट करूं तो उसमें गलती है स्टेटमेंट तो ए तो जो है वो भी हम करते हैं तो डी स्टेटमेंट है वो भी हम करते हैं मेरी उम्मीद इंस्टीट्यूट से यह है कि अगर एग्जाम में आप इस तरीके का क्वेश्चन पूछें तो प्लीज इस तरीके के दो ऑप्शन आप सही ना दें आप इसमें से एक ही ऑप्शन सही दें ताकि बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो हालांकि यहां पे मैं आपको बता रहा हूं क्लियरली ए और डी दोनों ही स्टेटमेंट सही है आप अगर रिकॉन्सिलेशन का टॉपिक रिवाइज करेंगे आप इस चीज को बहुत इजीली एनालाइज कर सकते सिक्स का आंसर ए और डी दोनों है अगर मैं करेक्ट की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन बैच कॉस्टिंग इज अप्लाइड इफेक्टिवली इन द फॉलोइंग सिचुएशन बैच कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग सर चार मेरे पास ऑप्शन गिवन है कहां पे अप्लाई होता है पेपर मैन्युफैक्चरिंग में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में डिजाइनर क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग में या ऑयल रिफाइनिंग में तो अगर आप बैच कॉस्टिंग को रिवाइज करेंगे तो आप एनालाइज करोगे कि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में पैच कॉस्टिंग का एप्लीकेशन होता है और आप इसको बहुत इजीली प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड भी कर सकते हो सिंपल सी बात यह है जब भी हम मार्केट से कोई ड्रग परचेज करके लाते हैं ड्रग का मतलब क्या होता है मेडिशन जब भी हम मार्केट से कोई मेडिशन परचेज करके लाते हैं टैबलेट्स वगैरह परचेज करके लाते हैं कोई भी सिरप वगैरह परचेज करके लाते हैं आप देखोगे हर एक पे बैच कोड लिखा हुआ होता है उसका मतलब ये होता है कि हमने ये जो सिरप बनाई है या ये जो टैबलेट की स्ट्रिप्स बनाई है वो इस बैच कोड में बनाई है मान लो एक स्ट्रिप में स्ट्रिप बोलते हैं पत्ता जिसमें काफी सारी टैबलेट्स आती है मान लो एक स्ट्रिप में टेन टैबलेट्स आती है और मैंने दो परचेज करी और जो शॉपकीपर है उसने वो दोनों स्ट्रिप मुझे एक ही बॉक्स में से एक ही डब्बे में से निकाल के दिए तो आप देखोगे उस उसपे बैच कोड सेम पड़ा हुआ होगा उस पर बैच कोड सेम पड़ा हुआ होगा लेकिन अगर आप एक महीने बाद दोबारा परचेज करने जाएंगे जरूरी नहीं है आपको सेम बैच कोड का ही टैबलेट मेडिशन मिले कारण क्या है सर वो अलग अलग बैचेज में प्रोडक्शन हो सकती है लेकिन एक साथ परचेज करके ला रो एक बॉक्स में एक ही बैच कोड के आइटम डाले जाते हैं अलग अलग बैचेज के आइटम एक सिंगल बॉक्स में कभी भी नहीं डाले जाते तो बैच कॉस्टिंग कहां पे अप्लाई होता है इफेक्टिवली सर तो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में बैच कॉस्टिंग अप्लाई होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कहते हैं जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की बात करें तो वर्क कंप्लीटेड एंड नॉट येट सर्टिफाइड मतलब बात चल रही है वर्क अनसर्टिफाइड की आपको याद होगा आई थिंक वन इज वर्क सर्टिफाइड एंड वन इज वर्क अनसर्टिफाइड हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में वर्क इन प्रोग्रेस की एडिंग डालते हैं बाई वर्क इन प्रोग्रेस और उसमें दो आइटम लिखते हैं वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड इन द कंटेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वर्क कंप्लीटेड एंड नॉट सर्टिफाइड मतलब वर्क अनसर्टिफाइड विल बी शोन एट कॉस्ट प्लस टू थर्ड ऑफ द नॉशनल प्रॉफिट अंडर कंप्लीटेड वर्क सर अनसर्टिफाइड को कंप्लीटेड वर्क में आप नहीं दिखा सकते और उसमें किसी भी तरीके का कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता तो ए इज द रॉन्ग ऑप्शन भी कहता है इट कॉस्ट प्लस नॉशनल प्रॉफिट सिंपल सी मैं बात करूं वर्क अनसर्टिफाइड में किसी तरीके का कोई प्रॉफिट होता ही नहीं है लेस रिटेंशन मनी अंडर कंप्लीटेड वर्क और वो कंप्लीट भी नहीं होता बी इज ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन सी कहता है इट कॉस्ट अंडर कंप्लीटेड वर्क एट कॉस्ट तो ठीक लिखा है बट वर्क अनसर्टिफाइड जो है वो कभी भी कंप्लीटेड वर्क में कवर नहीं होता एट कॉस्ट अंडर डब्ल्यू आई पी अकाउंट दिस इज द करेक्ट आंसर कि वर्क अनसर्टिफाइड को हम डब्ल्यू अकाउंट में शो करते हैं और वो भी कॉस्ट बेसिस पे शो करते हैं तो वर्क अनसर्टिफाइड से रिलेटेड आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है सर एक तो उसको कभी भी कंप्लीटेड में में नहीं दिखा सकते WIP में शो किया जाता है और दूसरा उस पर आप कभी भी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते क्यों क्योंकि आर्किटेक्ट ने उसको सर्टिफाई नहीं किया हुआ होता जिसकी वजह से वो कॉस्ट बेसिस पे शो किया जाता है डब्ल्यू अकाउंट में शो किया जाता है दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर एट फाइनल आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर एट का डी नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर नाइन जो है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है ए सर्टन प्रोसेस नीडेड स्टैंडर्ड लेबर ऑफ ट्वेंटी फोर स्किल्ड लेबर आवर्स एंड थर्टी स्किल्ड लेबर आवर्स प्रोसेस हमें करनी है और स्टैंडर्ड ये सेट किया गया है कि स्किल्ड लेबर के 24 फोर आवर्स और अनस्किल्ड लेबर के 30 आवर्स लगेंगे At rupees, 60 and 40 as the, labor rates. और स्टैंडर्ड रेट्स भी आपको बताए हुए हैं कि स्किल्ड लेबर का सिक्सटी पर आवर का रेट होगा और अनस्किल्ड का फोर्टी पर आवर का रेट होगा एक्चुअली एक्चुअल actual में क्या हुआ ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फाइव लेबर आवर्स वर यूज ट्वेंटी फोर की जगह आपने ट्वेंटी यूज किए थर्टी की, की जगह आपने ट्वेंटी फाइव यूज किए एट द रेट ऑफ रुपी फिफ्टी एंड रुपी फिफ्टी रेस्पेक्टिवली और सिक्सटी फोर्टी की जगह आपने दोनों को ही फिफ्टी फिफ्टी पे किया देन क्वेश्चन जानना चाह रहे लेबर मिक्स वेरियंस विल बी लेबर का मिक्स वेरियंस क्या होगा तो देखो लेबर का मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपको एक्चुअल हमें कैलकुलेट करने होते हैं तो मैं यहीं पे आपको रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स की कैलकुलेशन करवा देता हूं दो तरीके के वर्कर है स्किल्ड और अनस्किल्ड ये स्किल्ड और ये अनस्किल्ड रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स याद करो कैसे कैलकुलेट करते थे सर रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब होता है टोटल जो एक्चुअल आवर्स हैं टोटल एक्चुअल कितने हैं और फोर्टी फाइव टोटल जो आवर्स हैं फोर्टी फाइव आवर्स उनको स्टैंडर्ड रेशियो में डिवाइड किया जाता है स्टैंडर्ड रेशियो का मतलब है सर ट्वेंटी फोर आवर्स और थर्टी आवर्स इसके रेशियो में डिवाइड किया जाता है अगर मैं इसका रेशियो देखूं तो दिस रेशियो इज फोर इंस टू फाइव का रेशियो है सिक्स से आप दोनों को डिवाइड कर सकते हो फोर इंस टू फाइव का रेशियो है तो सर फोर्टी फाइव को फोर इंस टू फाइव के रेशियो में डिवाइड कर दो फोर और फाइव नाइन तो फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई नाइन मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी एक सेकेंड चेक कर लेता हूं फोर्टी फाइव है ना ये

वो आएगा सी जीरो आपका आंसर आएगा सी जीरो अगर आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करना चाहें तो स्टेटमेंट ऑफ लेबर वेरियाज बना के भी कर सकते हो बट एस एच ही जरूरत है रिवाइज ट्रेंड वो आप इजिली कैलकुलेट करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो दैट विल बी जीरो फाइनल आंसर आएगा सी जीरो दैट इज कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑफ वन मार्क्स इन एग्जाम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर टेन अगेन थियोरिटिकल इजेशन ओल द रिसोर्सेज कहते मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास सारे के सारे रिसोर्सेज हो इट नीड्स फॉर प्रोडक्शन प्रोडक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए होता है प्रोडक्शन के लिए मुझे मेनली अगर मैं बात करूं रॉ मटेरियल चाहिए लेबर चाहिए मशीनरी चाहिए अगर यह सब मेरे पास है तो मेरे पास इसका मतलब प्रोडक्शन के लिए सारे रिसोर्सेज है प्रिंसिपल बजट फैक्टर प्रिंसिपल बजट फैक्टर इज नथिंग जो आप की फैक्टर जिसको बोलते हो जिसको आप लिमिटिंग फैक्टर बोलते हो जिसको आप क्रिटिकल फैक्टर बोलते हो बस ये नाम है आप क्रिटिकल फैक्टर कह दो लिमिटिंग फैक्टर कह दो की फैक्टर कह दो प्रिंसिपल बजट फैक्टर कह दो एक ही बात है कहते हैं अगर मैं कहूं कि मेरे पास प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है तो उस सिचुएशन में प्रिंसिपल बजट फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू बी तो इस सिचुएशन में मेरा की फैक्टर क्या हो सकता है नॉन एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग का मतलब क्या की फैक्टर होगा ही नहीं उस सिचुएशन में सेल डिमांड सर क्या मेरे पास प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे रिसोर्सेज हैं तो क्या मेरी सेल की डिमांड पे कॉन्स्टेंट या फिर की फैक्टर नहीं हो सकता आंसर इज यस हो सकता है तो नॉन एग्जिस्टिंग तो नहीं होगा क्योंकि आंसर में बी बी रॉ मटेरियल लेबर सप्लाई जैसा कि मैंने कहा ये तो प्रोडक्शन से रिलेटेड रिसोर्सेज है तो इसका आपके पास रॉ मटेरियल भी पूरा है लेबर की सप्लाई भी पूरी है सेल डिमांड इस सिचुएशन में आपका प्रिंसिपल बजट फैक्टर हो सकता है क्योंकि मेरे पास प्रोडक्शन से रिलेटेड तो सारे रिसोर्सेज हैं बट सेल को रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन है या नहीं ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब सेल डिमांड इस सिचुएशन में आपका की फैक्टर होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं फाइनल आंसर विल बी बी कि अगर आप कहते हो सर प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे रिसोर्सेज हैं तो सेल डिमांड आपका की फैक्टर हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन सिंपल क्वेश्चन है कॉस्ट यूनिट बतानी है आपको वो भी हॉस्पिटल इंडस्ट्री क्या हॉस्पिटल में टन अप्लाई होता है क्या एक पेशेंट जब जाता है तो उसका वजन करते हैं कि भाई सब कितने टन हो और उसके हिसाब से हम कॉस्ट इनकर करेंगे आंसर इज नो क्या हॉस्पिटल में स्टूडेंट जाते हैं सर कोई भी जा सकता है किलोवाट आवर्स पावर के लिए होता है पेशेंट डे हॉस्पिटल में एक पेशेंट से एक दिन में क्या कॉस्टिंग इनकर हो रही है पेशेंट के लिए उसके अकॉर्डिंगली चार्ज किए जाते हैं तो कॉस्ट यूनिट जो होती है हो हॉस्पिटल इंडस्ट्री की दैट इज पेशेंट डे फाइनल आंसर डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व नंबर फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल लॉस ऑफ मटीरियल हमें बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा मटीरियल का नॉर्मल लॉस होता है पहला है पिलफरेज पिलफिरेज का मतलब होता है चोरी होना है एक तरीके से छोटी मोटी चोरी लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन चोरी पहले से एज्यूम करके चलती है कि भाई इतना माल रखूंगा तो इतना तो चोरी हो ही जाएगा आंसर इज नो सर पिल अब नॉर्मल है

अब नॉर्मल सिचुएशन को इंडिकेट करता है तो इनमें से कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जो कि नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल का एग्जाम्पल हो फाइनल आंसर आपका डी होगा नन ऑफ दी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन आइडल टाइम इज टाइम स्पेंट बाय वर्कर्स इन फैक्ट्री आइडल टाइम की डेफिनेशन क्या होती है याद करो सर आइडल टाइम वो टाइम होता है जो वर्कर फैक्ट्री में तो दिखाई देता है लेकिन काम नहीं करता आइडल टाइम कौन सा टाइम है तो वर्कर फैक्ट्री में स्पेंड करता है हो सकता है टाइम स्पेंड वर्कर्स इन ऑफिस सर हो तो सकता है टाइम स्पेंड ज्यादा करेक्ट है क्योंकि वर्कर फैक्ट्री में ऑफिस में टाइम जो बिताता है उसमें आइडल टाइम के साथ साथ वर्किंग टाइम भी हो सकता है लेकिन आइडल टाइम स्पेसिफिकली वो टाइम है जिसमें वर्कर काम नहीं करता तो ऑफ का मतलब होता है तो वो काम नहीं कर रहा तो टाइम स्पेंड बाई वर्कर्स ऑफ दियर वर्क जब वर्कर काम नहीं करता उसको आइडल टाइम बोलते हैं टाइम स्पेंड वर्कर्स ऑन दियर जॉब जब जॉब पे लगा हुआ है तो उसको आइडल टाइम बोलने का तो मतलब बनता ही नहीं है ई विल बी फाइनल आंसर कि सर जब वर्कर काम नहीं करता दैट इज नॉन एज आइडल टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वेयर हाउस एक्सपेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ उस एक्सपेंस किसका एग्जाम्पल है सर वेयर हाउसेज में माल क्यों रखा जाता है ताकि हम वहां से माल को डिस्ट्रीब्यूट कर सके तो क्या ये प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट है आंसर इज नो क्या ये सेलिंग ओवरहेड का पार्ट है आंसर इज नो सर यहां से माल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इसकी वजह से आपका फाइनल आंसर सी होगा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ओवर हाउस एक्सपेंसिस को कवर किया जाता है तो डी नन ऑफ द अबाउ की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें करेक्ट आंसर मिल चुका है आंसर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टीट जब हम कॉस्टशीट बनाते हैं तो इनमें से कौन सा एक्सपेंसिजीट में नहीं आता कैरीज इनवर्ड आता है परचेज रिटर्न भी आ जाता है परचेज में से परचेज रिटर्न हम लेस कर सकते हैं सेल कमीशन भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर का पार्ट होता है सर इंटरेस्ट पेड जो होता है वो कॉस्टशीट में हम कहीं भी नहीं लिखते ना वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और ना ही वो किसी ओवर पार्ट होता है डी विल बी द फाइनल आंसर इंटरेस्ट पेड हम कॉस्टशीट में कहीं भी शो नहीं करते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल टू ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जो कि सर्विस इंडस्ट्री में अप्लाई होता है हॉस्पिटल्स

रुप सेल है नब्बे रुपए और मैं हमेशा बोलता हूं कि सेल में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है इसका मतलब सेल्स के दो पार्ट होते हैं एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और एक होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अगर वेरिएबल कॉस्ट पचहत्तर परसेंट है तो कंट्रीब्यूशन सेल का 25% परसेंट होगा अगर आप कहते हो सर वेरिएबल कॉस्ट सेल का 75% परसेंट है तो बचा हुआ जो कंट्रीब्यूशन वो परसेंट सेल का होगा नब्बे हजार है तो नब्बे हजार का है, परसेंट बाईस हजार पांच सौ रुपया आपका उसका कंट्रीब्यूशन होगा पी विल बी द करेक्ट आंसर बाकी आप मेहनत करना चाहो कर सकते हो कैसे सर पहले सेल्स है नब्बे ब्बे हजार का पचहत्तर परसेंट निकालोगे सिक्सटी सेवन फाइव हंड्रेड सेल में से सिक्सटी सेवन फाइव हंड्रेड माइनस करूंगा बाईस हजार पांच सौ मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा पैसे शो कर सकते हो चाहो तो चाहो तो डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हो आपकी मर्जी आंसर जो है वो बाईस हजार पांच सौ ही इन एनी केस आना चाहिए नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन पीवी रेशियो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो फॉर्मूला याद करो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इन टू हंड्रेड और कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इसका मतलब पीवी रेशियो पे इंपैक्ट केवल और केवल तभी आएगा जब सेल्स या फिर वेरिएबल कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट आए तो पीवी रेशियो विल इंक्रीज कहते हैं पीवी रेशियो कब इंक्रीज होता है तो सिंपल सी मैं बात करूं या तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट में इंक्रीज हो तो आपका पीवी रेशियो बढ़ेगा या फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में डिक्रीज हो मतलब पीवी रेशियो तभी इंपैक्ट होगा जब सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर इंपैक्ट आएगा बढ़ेगा कब जब बेनिफिट होगा बेनिफिट कब होगा जब सेलिंग प्राइस बढ़ेगा या फिर वेरिएबल कॉस्ट कम होगी तो पीवी रेशियो विल इंक्रीज इफ द देयर इज ए डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट सर पीवी रेशियो का फिक्स्ड कॉस्ट से कोई रिलेशन नहीं होता तो ए भी नहीं हो सकता देयर इज एन इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट बी भी नहीं हो सकता क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट से पीवी रेशियो को कोई मतलब ही नहीं है

तो इसका मतलब आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा जब आपका न्यूमरेटर बढ़ेगा तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर भी ज्यादा आएगा पीवी रेशियो विल इंक्रीज इफ देर इज ए डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइनल आंसर डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इज कोल्ड एज जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो हम वहां पर स्पेसिफिकली पढ़ते हैं कि डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इज एज वेस्टेज आंसर इज नो नो लॉस आंसर इज इज द करेक्ट आंसर प्रॉफिट इज द रॉन्ग आंसर डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इज कॉल्ड एज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेल्स बजट इज ए जब हम बजट पढ़ते हैं तो वहां पे हम कैपेसिटी वाइज फंक्शन वाइज टाइम वाइज मास्टर बजट ये सब देखते हैं तो क्वेश्चन यहां पे जानना चाहता है सेल्स बजट किसका पार्ट है तो अगर आप ध्यान से याद रखोगे तो जब हम फंक्शनल बजट देखते हैं तो हम कहते हैं सर प्रोडक्शन बजट रो मटेरियल कंजम्पशन बजट रॉ मटेरियल परचेज बजट सेल्स बजट मैन पावर बजट कैश बजट ये सब किसका पार्ट होते हैं फंक्शनल बजट का पार्ट होते हैं तो सेल्स बजट इज ए पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर बजट आंसर इज नो फंक्शनल बजट आंसर इज यस मास्टर बजट अपने आप में एक अलग बजट है टन ऑफ द अब की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर आंसर मिल चुका है तो सेल्स बजट इज ए फंक्शनल बजट थ्योरेटिकल है आपको अगर पता है तो आंसर ठीक लिखोगे नहीं पता तो गलत लिख सकते 21 डेप्रिसिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ तो डेप्रिसिएशन फिक्स्ड कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट या नॉन सर फिक्स्ड कॉस्ट होती है ऐसे कोई सोचने वाली बात नहीं कंटीन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज ए पार्ट ऑफ जब हम मटेरियल कॉस्टिंग का टॉपिक पढ़ते हैं

मे बी नॉर्मल और मे बी अब नॉर्मल और जब वहां पे हम अब नॉर्मल देखते हैं तो हम कहते हैं अगर हमारे पास रो मटेरियल की शॉर्टेज है रो मटेरियल नहीं है और उसकी वजह से अगर वर्कर खाली बैठा हुआ है तो दिस इज नॉट ए नॉर्मल सिचुएशन इट इज कंसिडर्ड एज अब नॉर्मल सिचुएशन इट इज द पार्ट ऑफ अब नॉर्मल आइडल टाइम और जो भी पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ही कॉन्सेप्ट है अगर आपकी किसी भी वजह से कोई भी अब नॉर्मल कॉस्ट अराइज हो रही है दैट शुड बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से जो आइडल टाइम होता है उसकी जो कॉस्ट होती है दैट इज कंसिडर्ड अब नॉर्मल एंड इट शुड बी चार्ज टू कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल आंसर ए होगा चार्ज टू फैक्ट्री ओवर आंसर इज नो रिकवर्ड बाई रेट आंसर इज नो इग्नोर करते हैं नोट इग्नोर्ड चार्ज कर लेते हैं कॉस्टिंग पीएल में हम अपना लॉस दिखा देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन फोर ओवर टाइम से रिलेटेड अगेन इंप्लॉई कॉस्ट से रिलेटेड सर ओवर टाइम इज ओवर टाइम क्या होता है नॉर्मल वर्किंग आवर्स से अगर ज्यादा वर्किंग की जाए तो उसको ओवर टाइम बोला जाता है तो एक्चुअल आवर्स मोर देन नॉर्मल टाइम अगर आप नॉर्मल टाइम से ज्यादा वर्किंग करोगे तो उसको ओवर टाइम बोलते हैं सर आंसर इज यस ए ही इसका करेक्ट आंसर है

जब हम ओवर का चैप्टर पढ़ते हैं तो हम वहां पे दो डेफिनेशन पढ़ते हैं एक होता है एलोकेशन और एक होता है अपोर्शनमेंट एलोकेशन में हम पढ़ते हैं कि अगर कोई खर्चा है जो केवल और केवल एक सिंगल डिपार्टमेंट से रिलेट करता है तो उसको बोला जाता है एलोकेशन और अगर कोई खर्चा एक से ज्यादा डिपार्टमेंट से रिलेट करता है तो दैट इज नॉन एज अपोर्शनमेंट ये कहता है सारा का सारा जो कॉस्ट है अलॉट कर देते हैं द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट तो उसको हम एलोकेशन बोलते हैं तो कॉस्ट कॉस्ट एलोकेशन इसको बोला जाता है ए विल बी द करेक्ट आंसर अपोर्शनमेंट में अलग अलग कई डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरा का पूरा आइटम एक जगह नहीं जाता और ओवर एड ऑब्जॉर्बन तो अब्जॉर्ब रेट का कॉन्सेप्ट आ गया मन ऑफ द अबव की जरूरत नहीं है क्योंकि ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स इन रिकॉन्सिलियन स्टेटमेंट जब हम रिकॉन्सिलियशन बनाते हैं एक्सपेंसिज शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स आर हम कहते हैं कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शो किए जाते हैं कहते हैं उनको क्या करते हैं हम एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट बिल्कुल अगर आपने कोई खर्चे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखा दिए तो उसकी वजह से आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट हो गया कम तो उसको वापस वापिस बैक कर लो तो ए तो करेक्ट आंसर है डक्ट करने का मतलब ही नहीं बनता इग्नोर क्यों करेंगे भाई एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट नहीं सर कॉस्टिंग के प्रॉफिट में से माइनस होता है करेक्ट तो जो आंसर है वो ये है कि अगर कोई खर्चे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखा चुके हो तो वो फाइनेंशियल के प्रॉफिट में आप एड बैक कर लोगे आपका रिकॉन्सिलेशन बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन टॉप कॉस्टिंग इज यूज इन जॉब कॉस्टिंग इनमें से कहां पे यूज होती है फर्नीचर मेकिंग में तर होती है मैं जाके बोलू दो बेड बना दो उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली बन जाता है चार चेयर बना दो बना देता है बंदा रिपेयर बिल्कुल मैं अगर अपनी गाड़ी रिपेयर करने जाता हूं तो मैं बताऊंगा उसके हिसाब से ही तो सामने वाला रिपेयर करता है वहां पे भी जॉब कॉस्टिंग चलता है प्रिंटिंग प्रेस मैं जो प्रिंट करवाऊंगा मैं अपना स्पेसिफिकेशन बताऊंगा तभी तो प्रिंटिंग वाला उसके अकॉर्डिंगली प्रिंट करके देगा यहां पे भी जॉब कॉस्टिंग चलता है तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर डी है ऑल ऑफ द अबव ऑप कॉस्टिंग फर्नीचर मेकिंग में भी अप्लाई होता है रिपेयर शॉप में भी चलता है और प्रिंटिंग प्रेस में भी चलता है और आगे पढ़ लेते हैं और आगे कंटिन्यू कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट थाउजेंड यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग ए पीरियड आठ हजार यूनिट्स आपने इंट्रोड्यूस करी ठीक है तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं यूनिट्स वो केवल और केवल इनपुट में लिखी जाती है फाइव परसेंट ऑफ इनपुट इज नॉर्मल लॉस तो आठ हजार यूनिट है उसमें से पांच परसेंट आपका नॉर्मल लॉस हो जाता है नॉर्मल लॉस की भी अगर मैं बात करूं तो हम आउटपुट में तो लिखते हैं बट नॉर्मल लॉस को हम पहले से ही एज्यूम करके चलते हैं कि इससे कोई यूनिट नहीं बनेगी तो मटीरियल लेबर ओवर की किसी भी तरीके की कोई यूनिट इससे जनरेट नहीं होती आठ हजार में से पांच परसेंट चार सौ यूनिट तो ये चली गई पच्चीस सेवेंटी सिक्स हंड्रेड यूनिट कहते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस

क्वेश्चन जानना चाहता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फॉर द पीरियड क्या होगा तो 7200 यूनिट्स विल बी द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इसके लिए आपको जो प्रोसेस कॉस्टिंग का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है वो अगर आपने रिवाइज किया हुआ है आप इसका आंसर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है फाइनल आंसर डी होगा 7200 यूनिट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 रूपी वन लैक फिफ्टी थाउजेंड सेल है डेढ़ लाख रुपए वेरिएबल कॉस्ट आपका पचास हजार रुपए है तो पीवी रेशियो क्या होगा डेढ़ लाख अगर हजार है तो कॉन्ट्रीब्यूशन आपका एक लाख है क्योंकि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स तो सर कॉन्ट्रीब्यूशन अगर एक लाख है और सेल अगर आपकी डेढ़ लाख है तो ये ट मेरा आंसर आएगा फाइनल आंसर आपका ए होगा सिक्सटी सिक्स पॉइंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो वही है कि आपने अगर रिवीजन किया हुआ है आपको चीजें याद है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो थ्योरिटिकल का ये है आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप इजीली थ्योरी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है सोलह स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरियंस क्या होगा सर मटेरियल कॉस्ट वेरियंस का फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल ही हुआ करता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट ही होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट है पंद्रह हजार और एक्चुअल कॉस्ट है अगर सोलह दो बारह सौ रुपए आपका नेगेटिव आएगा मतलब एडवर्स फाइनल आंसर होगा आपका बारह एडवर्स ए विल बी और करेक्ट आंसर बारह रुपए एडवर्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर ऑब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ रेट पर यूनिट देखो हम जब शीट वगैरह के क्वेश्चन करते हैं कई बार लिखा हुआ होता है कि सेलिंग ओवरहेड हमें दो रुपए पर यूनिट लिखना है मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पर यूनिट बेसिस पे हो सकते हैं परसेंटेज ऑन वर्क जब हम जॉब कॉस्टिंग वगैरह पढ़ते हैं तो हम वहां पे कहते हैं कि भाई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड या तो वर्क कॉस्ट का इतना परसेंट ले लेना या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का इतना परसेंट ले लेना मतलब परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट के बेसिस पे भी ये चार्ज किया जा सकता है परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट सर जब आप कॉस्टशीट ही पढ़ते हो तो कॉस्टशीट में भी आपको कई क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जहां पे लिखा हुआ होता है सेलिंग ओवरहेड आपको पंद्रह परसेंट ऑफ सेल्स लेना है पंद्रह परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस लेना है इसका मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सेलिंग प्राइस का भी परसेंटेज हो सकता है इसका मतलब तीनों ही हो सकते हैं तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो डी होगा एनी ऑफ द अबाउ सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पर यूनिट भी रेट हो सकता है वर्क कॉस्ट के परसेंटेज के तरीके से भी उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है और सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंगली भी उसको परसेंटेज में इंडिकेट किया जा सकता है एनी ऑफ द दी दंसर नेक्स्ट थर्टी टू थर्टी टू है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन वट एंट्री विल बी पास्ड अंडर इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर परचेज ऑफ स्टोर ऑन क्रेडिट जब हम परचेज करते हैं स्टोर स्टोर मतलब मटेरियल जब हम परचेज करते हैं तो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में क्या एंट्री होती है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश या तो क्रेटर्स करेक्ट एंट्री लिखी हुई है केवल स्टोर नहीं स्टोर लेजर होता है कंट्रोल अकाउंट ठीक है क्रेट तो क्रेटर्स ही होता है सभी में यही है परचेजेस नहीं लिखते सर स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेटर्स लिखते हैं और जो डी एंट्री है स्टोर लेजर टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ये नॉन इंटीग्रेटेड की एंट्री है अगर आपसे नॉन इंटीग्रेटेड पूछ लिया जाए तो डी होगा लेकिन यहां पे इंटीग्रेटेड है सर सी विल बी द करेक्ट आंसर आपको जस्ट एंट्री पता होनी चाहिए आप विद इन टेन सेकेंड इसका आंसर दे सकते नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री अगेन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इक्वेल एंड प्रोडक्शन का ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले कराया इन ए प्रोसेस 800 यूनिट्स आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग टू थाउजेंड सिक्सटीन सेवनटी तो आप यूनिट इंट्रोड्यूस करते हो वो तो इनपुट होती है अब कहते हैं फाइव परसेंट ऑफ इनपुट इज नॉर्मल लॉस अब आठ सौ में से पांच परसेंट मतलब चालीस यूनिट तो नॉर्मल लॉस है चालीस यूनिट तो चली गई बची 760 सिक्सटी यूनिट क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस सिक्सटी परसेंट कंप्लीट है सो यूनिट है तो सर 100 तो का 60 परसेंट साठ यूनिट तो ये है और 660 यूनिट आपने कंप्लीट करके आगे ट्रांसफर कर दी है सर ये हो गया 660 यूनिट 800 में से पांच परसेंट तो ये चला गया था बची थी 760, 760 में सो ये 660 ये तो टोटल 760 बन गया सर मेरा इक्विलेंट यूनिट कितनी आएगी 720. तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट और जो अभी अभी हमने किया है सेम क्वेश्चन है थर्टी थ्री और ट्वेंटी एट बस ट्वेंटी एट में एक हजार यूनिट आप वो आठ हजार यूनिट इंट्रोड्यूस थी उसके अकॉर्डिंगली डेटा दिया गया और थर्टी थ्री में बस एक एक जीरो कम करके आपको डेटा दे दिया ट्वेंटी एट में सेवेंटी टू हंड्रेड आंसर था तो थर्टी थ्री में सेवन ट्वेंटी आंसर आ गया बिल्कुल सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर ब्लैंक डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड हमें यह बताना है कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड से रिलेट करता है तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री होता है जो कि प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड के साथ डील करता है तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी सीएएस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो हमारा टॉपिक है उसमें आपको सारे के सारे सीएएस 1 से लेकर 24 तक नाम और नंबर याद होने चाहिए ताकि आप इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर दे सको सी एस थ्री रिलेटेड टू प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवर थर्टी फाइव देयर इज ए लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मतलब लॉस लिखा हुआ है एज पर फाइनेंशियल अकाउंट दस हजार छह सौ का ये लॉस लिखा हुआ है एज पर फाइनेंशियल अकाउंट दस हजार छ सौ का डोनेशन नॉट शोन इन कॉस्ट अकाउंट छ हजार डोनेशन जो कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में शो नहीं करा इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप लेस करके आए हो डोनेशन क्वेश्चन जानना चाहता है व्हाट वुड बी द प्रॉफिट और लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट तो हम रिकॉन्सिलियशन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग से प्रॉफिट और लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग पे पहुंचते हैं राइट right? तो पहुंचूंगा मैं सर ये डोनेशन जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैं लेस करके आया हूं तो अगर मैं इसको एड कर दूंगा ध्यान देना ये छह सौ मतलब है अगर मैं डोनेशन को वापस एड बैक कर दूंगा छह हजार को पॉजिटिव फिगर रखूंगा तो इसका मतलब लॉस बच जाएगा फोर्टी सिक्स हंड्रेड का तो आपका फाइनल आंसर होगा फोर्टी सिक्स हंड्रेड वो भी लॉस है कि लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट विल बी शॉन एज फोर्टी सिक्स हंड्रेड लॉस नेगेटिव है ये एक तरीके से लॉस कहलाएगा दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ़ थर्टी फाइव सी लॉस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स ए होटल हैविंग हंड्रेड रूम्स ऑफ विच एट्टी परसेंट आर नॉर्मली ऑक्युपाइड इन समर एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट इन विंटर मतलब समर सीजन में 100 so में से 80 रूम ऑक्यूपाइड रहते हैं और विंटर में 25 पीरियड ऑफ समर एंड विंटर भी टेकन है सिक्स मंथ ईच मतलब छह महीने का समर पीरियड मानो छह महीने का विंटर एंड नॉर्मल डेज इन ए मंथ अज्यूम टू बी 30 मतलब छह महीने में 180 दिन द टोटल ऑक्यूपाइड रूम डेज विल बी तो सर सिंपल सी बात है ये है समर ये है विंटर समर में 100 so रूम में से 80 ऑक्यूपाइड रहेंगे जबकि में केवल पच्चीस ऑक्यूपाइड रहेंगे ये तो हो गए रूम क्वेश्चन रूम डेज जानना चाह रहे तो डेज से मल्टीप्लाई कर लो सर एक सौ अस्सी दिन समर पीरियड के और एक सौ अस्सी दिन विंटर के कैसे छह छह महीने तीस तीस दिन तीस इंटू छो अस्सी एक सौ अस्सी सर मल्टीप्लाई करके इसका एडिशन कर लो एंटू वन एट्टी सर फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड और ट्वेंटी फाइव इंटू वन एट्टी फोर्टी फाइव हंड्रेड टोटल आ गया इसका एटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड रूम डेज विल बी योर फाइनल आंसर एटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड बी बी विल बी योर फाइनल आंसर कैलकुलेशन बेस्ड है कैलकुलेशन करो आंसर मिल जाएगा करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी सेवन ए फर्म हैज फिक्स्ड एक्सपेंसेस नाइन्टी थाउजेंड तेल है तीन लाख प्रॉफिट है साठ हजार का और क्वेश्चन आपसे पीवी वी रेशियो जानना चाह रहा है अगर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक अच्छे से रिवाइज किया हुआ है तो आप यहां पे इजीली दिमाग लगा सकते हो सर सेल का फॉर्मूला अप्लाई होगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेश मेरे पास गिवन है तीन लाख रुपए फिक्स्ड कॉस्ट है नाइन्टी थाउजेंड प्रॉफिट है सिक्सटी थाउजेंड तो सर यहां से पीवी रेशियो आपको पता चल गया तो कि फिफ्टी परसेंट आ रहा है रेशियो 50 परसेंट टी आपका फाइनल आंसर होगा इसके बाद फिर से <coughs> इसके बाद फिर से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। फॉलो द फॉलोइंग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मार्जिनल कॉस्टिंग में हम कॉस्ट को वेरिएबल फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल में क्लासिफाई करते हैं एंड इट इज ए पार्ट ऑफ बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन तो इसका जो आंसर है वो तो होता है सी बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन एलिमेंट वाइज होता है मटीरियल लेबर ओवर हेड फंक्शन वाइज कोई फैक्ट्री एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफिएबिलिटी वाइज करोगे तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं यहां आंसर होगा आपका सी बिहेवियर वाइज फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग ए बजट बजटरी कंट्रोल का पार्ट है कि हम जब यूज करते हैं, तो उसके काफी सारे बेनिफिट होते हैं ये चार में से कौन सा इसका बेनिफिट नहीं है वो हमें बताना है. क्या बजट बनाने से मैनेजर्स मोटिवेटेड होते हैं सर आंसर इज ये एनहांस्ड कॉर्डिनेशन ऑफ होम एक्टिविटीज सर ये कॉर्डिनेशन भी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में बेटर होता है इंप्रूवड इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन यस एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन भी बेटर होता है मोर एक्यूरेट एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट बनाने से तो हम प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं कहते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है क्योंकि बजट तो एस्टिमेशन बेसिस पे होता है और उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई रिलेशन भी नहीं है मोर एक्यूरेट एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट ए पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ बजट डी विल बी फाइनल नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ऑर्नामेंट के लिए ऑइल के, के लिए या फर्टिलाइजर के लिए अप्लीकेबल होता है क्योंकि क्रूड ऑयल वगैरह से पेट्रोल भी बनता है डीजल भी बनते हैं और ज्वाइंट कॉस्ट वहां पर अप्लाई किया जाता है जब एक प्रोसेस से हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना पाते हैं

मिल चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टाइम एंड मोशन स्टडी जो मेंटेन की जाती है बाय द ऑर्गेनाइजेशन कौन सा डिपार्टमेंट करता है सर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम है टाइम एंड मोशन स्टडी करना कि किस जॉब के लिए क्या टाइम अलॉट किया जाए किस पर्सन को क्या काम अलॉट किया जाए ताकि वो उसको कम से कम टाइम में कर सके तो दैट इज बेस्ट तरीका फाइंड आउट करना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ये काम होता है नेक्स्ट फोर्टी थ्री टाइम कीपिंग रेफर्स टू सर टाइम कीपिंग में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वर्कर ने कितना काम जॉब पे किया कितना वो खाली बैठा रहा ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं तो टाइम स्पेंट बाई वर्कर्स ऑन दियर जॉब हाँ जानने की कोशिश तो करते हैं टाइम स्पेंट बाई वर्कर्स इन ए फैक्ट्री हाँ ये भी जानने की कोशिश करते हैं टाइम स्पेंट बाई वर्कर्स विदाउट वर्क सर ये भी टाइम स्पेंट बाई वर्कर्स ऑन देर जॉब ए और डी तो सेम ही लिखा हुआ है बट हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो बी है वो कहता है टाइम स्पेंट बाय वर्कर्स इन फैक्ट्री अब फैक्ट्री में जो वो टाइम बिताता है वो या तो जॉब पे बिताता है या विदाउट वर्क तो जब हम वर्कर इन फैक्ट्री कवर कर लेंगे तो उसमें जॉब पे भी कवर हो जाएगा विदाउट वर्क भी कवर हो जाएगा तो यहां पे जो सूटेबल आंसर है वो बी होगा कि टाइम स्पेंड बाई वर्कर्स इन फैक्ट्री इज द टाइम कीपिंग का मतलब होता है इसमें हम ये भी पता कर लेते हैं वर्कर ने किस जॉब पे कितना काम किया साथ में ये भी पता कर लेते हैं कि वर्कर कितनी देर खाली बैठा रहा है कंप्लीट ही करा देता हूं तक के बाद आप रीड करके देख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉयल्टी पेड ऑन सेल एंड एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस रिलेटेड टू प्रोडक्ट ट्वेंटी क्वेश्चन डायरेक्ट एक्सपेंस जानना चाह रहा है सर रॉयल्टी पेड ऑन सेल भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस रिलेटेड टू प्रोडक्ट भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं बस दोनों का एडिशन कर लो एटी नाइन प्लस ट्वेंटी टू वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव डायरेक्ट दैट डज नॉट मीट द टेस्ट ऑफ मटीरियलिटी कहते हैं वो डायरेक्ट कि मटीरियलिटी टेस्ट को मीट नहीं करते मटीरियलिटी टेस्ट को मीट नहीं करने का मतलब एक नेग्लिजिबल फिगर होना मतलब कोई डायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा हो गया दो रुपए का पांच रुपए का और जो कि मेरे लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है कैन बी ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ ओवर एड कैन बी ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ ओवर एड ए विल बी योर फाइनल आंसर कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस जो एक नेग्लिजिबल अमाउंट है सिंपल सी बात करूं जो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है आप उसको ओवर एड ट्रीट कर सकते सिग्निफिकेंट होती है इंपॉर्टेंट होती है एक अच्छी अमाउंट होती है तो हम सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट करते हैं और उस रेट के थ्रू वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश्ड गुड्स कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में उसको ट्रांसफर करते हैं ट्रांसफरिंग टू कॉस्टिंग पीएल एंड आंसर इज नो ट्री आंसर इज येस कैरी ओवर एज डेफर चार्ज टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग नो रन ऑफ द अब की जरूरत नहीं है क्योंकि बी इज द करेक्ट आंसर जब अंडर और ओवर एब्जॉप सिग्निफिकेंट होते हैं सप्लीमेंट्री रेट निकाल के हम उसको डिस्पोज करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन चार्जिंग टू ए कॉस्ट सेंटर गोज ओवर हेड दैट रिजल्ट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दट कॉस्ट सेंटर अभी तो हमने पढ़ा एलोकेशन होता है अगर एक खर्चा एक ओवर एड का खर्चा केवल और केवल एक सिंगल सोलली मतलब एक सिंगल डिपार्टमेंट से कॉस्ट सेंटर से रिलेट करता है तो उसको एलोकेशन बोला जाता नेक्स्ट फोर्टी एट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एटी वन स्टैंड फॉर याद करो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 जो होता है वो क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड होता है कैपेसिटी डिटरमिनेशन कैपेसिटी डिटरमिनेशन नो जॉइंट कॉस्ट नो डायरेक्ट एक्सपेंस नो नन ऑफ दिस सर सीए 21 तो क्वालिटी कंट्रोल का होता है जो कि इसमें से कुछ भी नहीं है तो योर फाइनल आंसर विल बी डी नन ऑफ दीज हमें यहां पे सिलेक्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 स्टैंडर्ड्स डील्स विद डि ऑफ एवरेज और इक्वलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट याद करो सी एस फाइव होता है तो हमें एवरेज और इक्वलाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाता है पर इसका फाइनल जो आंसर है होगा सी एस फाइव सी एस फाइव विल बी द फाइनल आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी स्टैंडर्ड्स डी विद द डेशन एंड अमोर्टाइजेशन कॉस्ट सर सी एस सिक्सटीन होता है जो कि डेप्रीशियन एंड अमोर्टाइजेशन कॉस्ट से रिलेट होता है और final answer will be D, 16. Start करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन से क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन है इंटीग्रल अकाउंट्स मतलब इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग की बात चल रही है एलिमिनेट द नेटी ऑफ कहते हैं इंटीग्रेटेड अकाउंट्स जो होते हैं वो एलिमिनेट कर देते हैं किस चीज की नेसेसिटी ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट लेजर कंट्रोल ऑपरेटिंगउंट स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट ओवर एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर क्वेश्चन जानना चाहता है इनमें से कौन सा एलिमिनेट हो जाता है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में तो जब हम नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ते हैं

52. 1000 units, जो 60 है respect, 1000 है और अगर मैं कहूंटी कंप्लीट है तो सर सिंपली वन थाउजेंड का सिक्सटी परसेंट सिक्स हंड्रेड यूनिट आपकी इक्विवेलेंट कंप्लीटेड इक्वल मानी जाती है तो आपका आंसर होगा छह सौ सिंपल कैलकुलेशन अगर मैं कहूं तो सर एक हजार यूनिट जो कि सिक्सटी परसेंट कंप्लीट है इट विल बी कंसिडर्ड सिक्स हंड्रेड यूनिट कंप्लीटेड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटीरियल पर के जी इज ट्वेंटी आपको स्टैंडर्ड प्राइस बता दिया गया है बीस रुपए पर के जी है मटीरियल का स्टैंडर्ड यू पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज फाइव के जी और कहते हैं एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए स्टैंडर्ड में आप कह रहे हो कि पांच के जी रॉ मटेरियल लगेगा एक्चुअल हंड्रेड यूनिट इज फाइव ट्वेंटी आपने सौ यूनिट का प्रोडक्शन किया इसमें एक्चुअल में आपने material यूज किया है पांच सौ बीस के जी ऑल ऑफ विच वॉज परचेस्ड एट द रेट ऑफ रुपी ट्वेंटी टू पर के जी और आपने एक्चुअल में परचेज किया है इसको ट्वेंटी टू पर केजी के जी के अकॉर्डिंगली सिंपल कहूं तो स्टैंडर्ड प्राइस है 20 एक्चुअल प्राइस है 22 स्टैंडर्ड यूसेज है एक यूनिट को बनाने के लिए 5 केजी जबकि एक्चुअल में आपने 100 यूनिट बनाई है 520 केजी में क्वेश्चन क्या जानना चाहता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आई होप आप सबको पता होगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट के टाइम पे हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करते हैं यहां पे आप देखोगे सर, पांच के जी तो एक यूनिट के लिए है जबकि आपने एक्चुअल में यूनिट बनाई है तो आप कहोगे सर पांच के जी अगर एक यूनिट को बनाने के लिए लगना चाहिए तो सौ यूनिट के लिए पांच सौ के जी रॉ मटेरियल लगना चाहिए तो ये होगी तो स्टैंडर्ड क्वान्टिटी पांच सौ के जी और इसका रेट आपने स्टैंडर्ड में सेट किया हुआ था बीस रुपए ये तो हो गई स्टैंडर्ड कॉस्ट जबकि एक्चुअल कॉस्ट आपकी 520 सौ बीस आपने यूज किया है एट द रेट ऑफ 22 सर क्या आ गया दस हजार रुपए पांच सौ इंटू ट्वेंटी दस हजार माइनस ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी टू इलेवन थाउजेंड फोर फोर्टी सर डिफरेंस आ गया 1440 और नेगेटिव है मतलब एडवर्स आंसर विल बी 1440 एडवर्स Final answer जो होगा दैट विल बी फोर्टीन फोर्टी एडवर्स लिए काफी easy है. क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर ए गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज फिफ्टीन थाउजेंड कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट है पंद्रह हजार रुपए

एक्चुअल कॉस्ट सोलह हजार दो सौ सर बारह सो नेगेटिव है नेगेटिव को बोला जाता है एडवर्स ए विल बी योर फाइनल आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट इज दैट ए फिक्स्ड बजट जो होता है इज कंसर्न विद ए सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी यस फ्लेक्सिबल बजट इज प्रीपेड फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी है फ्लेक्सिबल बजट में भी वेरिएबल के साथ साथ फिक्स कॉस्ट सेमी वेरिएस्ट कंसिडर की जाती है फिक्स बजट इज फिक्स फ्लेक्सिबल बजट चेंजेस नहीं ऐसा भी नहीं है ए आपका सही आंसर है ज़रूरत नहीं है कि फ़िक्स्ड बजट जो है वो एक सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी पे बनाया जाता है लाइक फिफ्टी परसेंट मतलब 50%. जबकि की स्पेशलिटी यही है फिफ्टी परसेंट पे, पे क्या कॉस्ट प्रॉफिट होंगे हंड्रेड परसेंट पे क्या कॉस्ट प्रॉफिट होंगे अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी पे वो बनाए जाते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स

फार्मा इंडस्ट्री में बैच कॉस्टिंग यूज होता है फार्मा इंडस्ट्री कह दो ड्रग इंडस्ट्री कह दो एक ही बात है। question, question 57, क्या वाले पर पेशेंट डे सर हॉस्पिटल वालों को टन से स्टूडेंट से या किलोवाट आवर से कोई मतलब नहीं है वो पेशेंट डे के बेसिस पे अपनी कॉस्ट निकालते हैं और इसी बेसिस पे तो हॉस्पिटल वाले हमसे चार्ज भी करते हैं एक पेशेंट का एक दिन का ये खर्चा है नॉर्मली आप उनसे पूछोगे कि जनरली क्या खर्चा आता है तो वो आपको पर स्टूडेंट पर किलोवाट आवर पर टन नहीं बताएंगे वो आपको कहेंगे एक दिन का एक रूम का या एक दिन का एक पेशेंट पे ये खर्चा है ये हम आपसे चार्ज करेंगे नेक्स्ट कॉस्ट यूनिट ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कॉस्ट यूनिट होती है पर वेहीकल क्यूबिक मीटर बेड नाइट नंबर ऑफ कॉल नंबर ऑफ वहीकल

लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट की है अगर आपसे पूछ लिया जाए आपको करेक्ट आंसर देना है ए यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती क्या करते हैं ऑल ऑफ दीज लिख देते हैं देखो ऑल ऑफ दीज मोस्ट इंपॉर्टेंट केवल एक ही हो सकता है एक से ज्यादा नहीं हो सकता अगर क्वेश्चन पूछे कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कौन से हैं सर मटीरियल लेबर ओवर एड इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कौन से हैं सर तीनों ही है मटीरियल लेबर ओवर एड लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाए हमें वहां पे मटीरियल मेंशन करना है क्योंकि मटेरियल के बिना कहानी आगे बढ़ती ही नहीं है सबसे तो पहली जो कंडीशन है वो क्या है मटेरियल चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट मटेरियल इज ए क्या डायरेक्ट मटेरियल एक एडमिन कॉस्ट है क्या डायरेक्ट मटेरियल एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है क्या ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज तो सिंपल सी बात करूं डायरेक्ट मटेरियल ना तो एडमिन है ना सेलिंग है तो आपको आंसर देना पड़ेगा इसमें नन ऑफ दीज डायरेक्ट मटेरियल इसमें से तो

स्टॉक टेकिंग इज ए पार्ट ऑफ अगर किसी को याद हो लास्ट क्लास का तो परपीचुअल इन्वेंट नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एज अकाउंटिंग रिकॉर्ड सर ये भी क्वेश्चन लास्ट क्लास में आया था अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो होता है ना बिन कार्ड होता है ना बिल ऑफ मटेरियल होता है तो स्टोर लेजर जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है इसकी वजह से स्टोर लेजर को अकाउंटिंग रिकॉर्ड बोला जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर फॉलोइंग इंसेंटिव प्लान ऑफ पेमेंट बेजिस ऑन टाइम बेसिस आर नॉट है। आप जब हालसे पढ़ेंगे तो हालसे में आप देखोगे टाइम बेसिस पे गारंटीड होता है रोवान पढ़ोगे रोवान में भी टाइम बेसिस पे गारंटीड होता है, जो है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम ये पीस रेट के बेसिस पे होता है और इसमें टाइम रेट के बेसिस पे कुछ भी गारंटीड नहीं होता करेक्ट आंसर तो आपका सी है गांट टास्क एंड बोनस सिस्टम जो हंड्रेड परसेंट करेक्ट आंसर है टाइम बेसिस तो होता ही नहीं आप कितने भी घंटे काम क्यों ना करो टाइम बेसिस पे उसमें पेमेंट नहीं किया जाता सिक्सटी फोर का करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव अंडर द हाई वेज प्लान ए वर्कर इज पेड एट ए टाइम रेट हायर देन द यूजुअल रेट बिल्कुल ठीक है प्लान में क्या होता है एक वर्कर को तो नॉर्मल रेट है यूजुअल रेट जो है उससे ज्यादा रेट पे किया जाता है करेक्ट आंसर तो यही है बाकी भी रीड कर देता हूं अकॉर्डिंग टू इज एट ए डबल रेट फॉर ओवर टाइम नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस हाईवेज प्लान में अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिकली वहां पे टाइम रेट जो है आपको हायर मिलता है गारंटीड नहीं है डबल मिलेगा कितना भी ज्यादा हो सकता है ए विल बी और हंड्रेड परसेंट करेक्ट आंसर एट ए टाइम रेट हायर देन यूजुअल रेट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग अर्जेंट ऑर्डर ध्यान देना यहां पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कहते हैं अगर ओवर टाइम किया जाए वो भी किसी अर्जेंट ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए तो ओवर टाइम प्रीमियम शुड भी अब ध्यान देना यहां पे क्वेश्चन ने कहा ओवर टाइम हम कर तो रहे हैं अर्जेंट ऑर्डर को मीट आउट करने के लिए कर रहे हैं लेकिन कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ कस्टमर की रिक्वेस्ट पे कर रहे हैं अगर यहां पे लिखा हुआ हो कि कस्टमर की रिक्वेस्ट पे कर रहे हैं तो आप उस स्पेसिफिक जॉब से ओवरटाइम प्रीमियम चार्ज कर लोगे हाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती क्या करते हैं गलती करते हैं बच्चे चार्ज टू रेस्पेक्टिव जॉब लिख देते हैं तो लगता है है अर्जेंट ऑर्डर तो कस्टमर की रिक्वेस्ट पे होगा नहीं, ऐसा, नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कस्टमर रिक्वेस्ट नहीं कर रहा ऑर्डर को कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी मैं उस ऑर्डर को जल्दी कंप्लीट करने के लिए ओवर टाइम करवा रहा हूं कस्टमर नहीं कहता ओवर टाइम करवा के मेरा काम कंप्लीट कराओ मैं उस ऑर्डर को लेना चाहता हूं इस वजह से मैं उस अर्जेंट ऑर्डर को हिट आउट करने के लिए मैं ओवर टाइम करवा रहा हूं ये मेरी मर्जी है टास्ट टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट तो नहीं हो सकता क्योंकि ये कोई अब नॉर्मल सिचुएशन तो नहीं है इस तरीके के ऑर्डर आ सकते हैं अर्जेंट बेसिस पे कंप्लीट किए जा सकते हैं टास्ट टू ओवर एड कॉस्ट टास्ट टू रेस्पेक्टिव जॉब या इग्नोर इग्नोर का तो कोई मतलब है ही नहीं ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा

अगर हम ओवरटाइम करवा लेते हैं कभी कभी इरेगुलर सिचुएशन में तो कि ना तो अब नॉर्मल है ना कस्टमर की रिक्वेस्ट पे है तो इरेगुलर के केस में होता क्या है डायरेक्ट वेजेस तो वो नॉर्मल रेट तो एज ए डायरेक्ट वेजेस चार्ज किया जाता है और जो ओवर प्रीमियम होता है दैट विल बी चार्ज एज ओवर कॉस्ट फाइनल आंसर यहां पे बी होगा अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन वेजेज ए शीट शीट so, होती है कौन सा डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है टाइम so, की का काम है पेरोल तो शीट जो, जो होती है वो पेरोल डिपार्टमेंट बनाता है wages को आप पेरोल भी बोल सकते हो वेजेस बाई पेरोक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट टर्न ओवर से रिलेटेड क्वेश्चन है लेबर टर्न ओवर इज नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड पे ये ऑब्लिक है है मतलब डिवाइड नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स सर रिप्लेसमेंट मेथड में ये फॉर्मूला यूज किया जाता है B है नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट डिवाइडेड बाई नंबर इन द बिगिनिंग प्लस नंबर एट द एंड नंबर इन द बिगिनिंग प्लस नंबर एट द एंड से बात नहीं बनती यहां पे एवरेज करना होता है

नंबर लास्ट क्लास में भी आया था ओवर टाइम क्या होता है सर ओवर टाइम का मतलब होता है, है तो एक्चुअल आवर्स को स्टैंडर्ड टाइम से कंपेयर नहीं किया जाता स्टैंडर्ड टाइम को एक्चुअल आवर्स से कंपेयर नहीं किया जाता और ये उल्टा लिखा हुआ है एक्चुअल नहीं ओवर टाइम तो तब होगा ना जब आप नॉर्मल टाइम से ज्यादा काम करते हो अगर नॉर्मल वर्किंग आठ घंटे की और आप दस घंटे काम करोगे तो जो दो घंटे एडिशनल काम हुआ है वो ओवर टाइम ट्रीट किया जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसिस इंक्लूड इंप्यूटेड कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस शेल इंक्लूड इंप्यूटेड कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस शेल नॉट इंक्लूड इंप्यूटेड कॉस्ट या डायरेक्ट एक्सपेंस नन ऑफ दिस क्या डायरेक्ट एक्सपेंस में डायरेक्ट no. कवर नहीं होती बट एज ए नॉशनल बेसिस हम कॉस्ट अकाउंटिंग में चार्ज कर सकते हैं बट डायरेक्टली तो नहीं इनडायरेक्ट बेसिस पार्ट होता है डायरेक्ट एक्सपेंसिस इंप्यूटेड कॉस्ट फाइनल आंसर विल बी बी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जाम्पल क्या है रेंट रेंट इज नॉट ए डायरेक्ट एक्सपेंस रॉयल्टी रॉयल्टी इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस ओनस टू एम्प्लॉय इज ए इन डायरेक्ट रन ऑफ दीज की जरूरत नहीं है बी इज योर करेक्ट आंसर रॉयल्टी चार्ज टू प्रोडक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोड्यूस प्रोडक्ट पी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोडक्ट पी बनाती है रॉयल्टी पेड ऑन सेल इज डायरेक्ट एक्सपेंस है अभी अभी हमने बात की चाहे रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन हो चाहे रॉयल्टी पेड ऑन सेल्स हो बोथ आर द पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डिजाइन चार्जेस पेड फॉर द प्रोडक्ट इज फिफ्टीन हंड्रेड सर प्रोडक्ट के लिए जो डिजाइनिंग चार्जेस होते हैं इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस कंप्यूट द डायरेक्ट एक्सपेंस जस्ट आपने ऐड करना है ट्वेंटी थ्री फाइव हंड्रेड प्लस हंड्रेड पच्चीस हजार रुपए आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा ए विल बी योर करेक्ट आंसर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री पैकिंग कॉस्ट इज ए अब देखो पैकिंग कई तरीके की हो सकती है क्या ये प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट का पार्ट हो सकता है सर हो सकता है अगर यह प्राइमरी पैकिंग है तो इस सिचुएशन में प्रोडक्शन कॉस्ट का अगर कस्टमर केवल केवल को अट्रैक्ट करने से आप कोई पैकिंग कर रहे हो तो वह सेलिंग कॉस्ट का पार्ट होता है एडवर्टीजमेंट लाइक like माना जाता है क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट होता है हाँ हो सकता है अगर पैकिंग ट्रांसपोर्टेशन को बेटर बनाने के लिए तो पैकिंग कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट भी हो सकता है लिखा नहीं है 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 इट इट मे मे बी बी एनी एनी ऑफ ऑफ द द द द और नहीं ये तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा होगा वो डी हो कि पैकिंग कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट भी हो सकती है सेलिंग भी हो सकती है तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन सर वो पैकिंग कॉस्ट का पर्पज क्या है प्राइमरी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट सेलिंग है कब अगर वो एडवर्टीजमेंट अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से है ट्रांसपोर्टेशन को बेटर बनाने के लिए तो इट विल बी पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एंड एक्सपेंसेस फॉर्म ए पार्ट ऑफ डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन पे किया जाता है डायरेक्टर के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन से ओवरहेड का पार्ट है सर डायरेक्टर रिलेट करते हैं एडमिन से इस वजह से इट विल बी पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ड आंसर इज नो बी विल बी और करेक्ट आंसर एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हेड सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका आंसर नहीं होगा डायरेक्टर सेवेंटी फाइव चार्जिंग टू ए कॉस्ट सेंटर गोज ओवर हेड दट रिजल्ट सोलली क्लास में भी आया था फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट कॉन्ट सेंटर इज नॉन एज एलोकेशन अगर कोई खर्चा है तो केवल और केवल सोलली मतलब एक सिंगल डिपार्टमेंट से रिलेट करता है तो दैट एक्सपेंस को तो जब हम उस डिपार्टमेंट में शो करते हैं इज एलोकेशन नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने पूछा है सेवेंटी सिक्स में अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है सर अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कोई भी इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा प्रोडक्ट से रिकवर करना यहां पे ऑप्शन क्या है चार्जिंग और नहीं है ये ऑफ है चार्जिंग ऑफ ओवरहेड्स टू कॉस्ट सेंटर अगर हम किसी ओवरहेड को कॉस्ट सेंटर मतलब किसी डिपार्टमेंट से चार्ज करते हैं उसको उसको नहीं बोला जाता। उसको बोला जाता जाता है अपोर्शनमेंट चार्जिंग ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट सर यस कॉस्ट यूनिट के अंदर प्रोडक्ट कवर होता है कॉस्ट यूनिट की डेफिनेशन की क्या होती है सर इसमें कोई भी प्रोडक्ट कवर हो सकता है और चार्जिंग ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट नहीं सर डिपार्टमेंट से चार्ज करने को बोला जाता है अपोर्शनमेंट और कॉस्ट यूनिट दैट इज प्रोडक्ट से चार्ज करने को बोला जाता है अब्जॉर्प्शन ई विल बी और करेक्ट आंसर चार्जिंग ऑफ ओवर टू कॉस्ट यूनिट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन नंबर 77 सेवन विच मेथड ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ ए फैक्ट्री ओवर डू यू सजेस्ट इन ए कंसर्न विच प्रोड्यूसेज ओनली वन यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट और जब हम थियोरिटिकली कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन अगर एक ही तरीके का प्रोडक्ट बनाती है तो वहां पे आप के लिए तो यूनिट मेथड तो यूज कर सकते हो परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट लेबर मशीन आवर रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट सर तो यूनिट मेथड तो यूज किया जाता है रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट यूज किया जाता है डी विल बी और करेक्ट आंसर तब तो जब यूनिफॉर्म तो टाइप का प्रोडक्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट वेन द अमाउंट ऑफ अंडर और ओवर ऑब्जॉर्बेशन इज सिग्निफिकेंट लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन आया था जब अंडर या ओवर ऑब्जॉर्बेशन की अमाउंट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होती है तो इट शुड बी डिस्पोज ऑफ बाई एप्लीकेशन ऑफ सप्लीमेंट्री डेट इसका ट्रांसफरिंग टू कॉस्टिंग पीएल आंसर इज नो बी विल बी करेक्ट आंसर द यूज ऑफ सप्लीमेंट्री डेट कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत भी नहीं होती और नन ऑफ द अबव की जरूरत नहीं है द करेक्ट आंसर ही इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन वेन द अमाउंट ऑफ ओवरहेड एड ऑब्जॉर्ब इज लेस देन द अमाउंट ऑफ ओवरहेड इनकर्ड कहते हैं अगर अब्जॉर्ब्ड अमाउंट कम है

नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट्टी वेयर हाउस एक्सपेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लास्ट क्लास में भी आया था सर वेयर एग्जाम्पल एक्सपेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिस क्योंकि हम यहां से माल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कस्टमर तक इट विल बी द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवर इट आंसर इज नो सेलिंग ओवर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इट विल बी योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटी वन ओवरहेड आर ऑब्जॉर्ब बेसिस ऑफ जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड करते हैं किस बेसिस यूनिट परसेंटेज ऑन वर्क कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ इच यूनिट एनी ऑफ दीज करेक्ट आंसर इज डी जब हम कॉस्ट शीट ही बनाते हैं कई बार हम देखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दो रुपए पर यूनिट होता है मतलब रेट पर यूनिट कई बार क्वेश्चन हमें कहता है फैक्ट्री कॉस्ट का 20% लिख लेना परसेंटेज ऑन वर्क्स कॉस्ट हो गया कई बार क्वेश्चन कहता है 10% ऑफ सेलिंग प्राइस वो क्या हो गया परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस हो गया आपको तीनों चीजें कॉस्ट शीट के क्वेश्चंस करते वक्त देखने को मिल जाती है करेक्ट आंसर विल बी इन ऑफ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 CAAS 21 अ स्टैंड्स फॉर सर CAAS 21 जो है दैट इज रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल

नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 ये लास्ट क्लास में भी आया था अ स्टैंडर्ड डील विद डिटरमिनेशन ऑफ एवरेज और इक्वलाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सर सी एस फाइव हमें बताता है एवरेज और इक्वलाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे डिटरमाइन की जाती है करेक्ट आंसर विल बी सी ओ डी टी सी एस सिक्स की मैं बात करूं तो सी एस सिक्स मटीरियल कॉस्ट से रिलेट करता है सी एस ट्वेंटी टू मैनुफेक्चरिंग कॉस्ट का है सी एस नाइन जो है वो पैकिंग मटेरियल कॉस्ट का है फाइव इज रिलेटेड टू एवरेज और इक्वलाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ आपको जो है, से लेकर चाहिए कौन, कौन से कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या नाम है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स विच ऑफ दइटमलूडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिट कैरिज इन वर्ड आता है

नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी एट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट एक्सपेंस कहते इनमें से कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस है द कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन ड्रॉइंग और लेआउट सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है द हायर ऑफ टूल और इक्विपमेंट फॉर ए पर्टिकुलर जॉब अगर किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए आपने कोई टूल हायर किया है ये भी सी एस टेन के अकॉर्डिंगली डायरेक्ट एक्सपेंस होता है डायरेक्ट नहीं होता सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है rent rates and insurance of a factory, ये भी direct नहीं होता, factory part होता का है। पहला और दूसरा जो है वो है। नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट नहीं होती टी नहीं हो सकता क्योंकि रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री डायरेक्ट नहीं होते और डी तो हो ही नहीं सकता करेक्ट आंसर ए होगा वन एंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी नाइन वट इज प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट क्या है सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस का एडिशन प्राइम कॉस्ट होता है टोटल डायरेक्ट कॉस्ट ओनली ठीक है टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवर होता है टोटल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट सर ए विल बी द करेक्ट आंसर प्राइम कॉस्ट का मतलब है सारे के सारे डायरेक्ट नेचर के खर्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटी विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एलिमेंट ऑफ वर्क ओवर मतलब फैक्ट्री ओवर एड आपको बताना है इनमें से कौन सा फैक्ट्री ओवर नहीं है सेल्स मैनेजर की जो सैलरी होती है वो फैक्ट्री ओवर नहीं है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आंसर तो यही है प्लांट मैनेजर की सैलरी फैक्ट्री ओवर होता है फैक्ट्री रिपेयरमेंट की भी का पार्ट होता है प्रोडक्शन का जो इंस्पेक्टर होता है उसकी सैलरी बी फैक्ट्री ओवर होता है ए विल बी करेक्ट आंसर सेल्स मैनेजर सैलरी इज नॉट दार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवर एड वर्स ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइंटी वन इन रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक्सपेंसिज शोन ओनली इन फाइनेंशियल जब आप रिकॉन्सिलियन स्टेटमेंट बनाते हो अगर आपने कोई खर्चा केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखाया है का मतलब यह है फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका प्रॉफिट कम हो गया है एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट तो अगर आप उसको वापस फाइनेंशियल प्रॉफिट में बैक कर दोगे तो आपका प्रॉफिट कॉस्ट इक्वल हो जाएगा प्रॉफिटिंग बिल्कुल ठीक है डिडक्ट करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता वो तो ऑलरेडी एक्सपेंस है आपने ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया है इग्नोर क्यों करें एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट सर नहीं कोई खर्चा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखा दिया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में से लेस किया जाता है करेक्ट आंसर आपका ए होगा एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू इन रिकॉन्सिलियन स्टेटमेंट एक्सपेंसेस शॉन ओनली इन कॉस्ट अकाउंट आर अगर कोई खर्चा है तो आपने केवल और केवल कॉस्ट अकाउंटिंग में दिखा दिया है तो इसकी वजह से आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम हो गया तो एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट अगर ये खर्चा मैं ऐड कर दूंगा फाइनेंशियल प्रॉफिट में तो फाइनेंशियल प्रॉफिट तो और ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये तो और ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएंगे डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉफिट सर ठीक है यही आंसर है कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग में से तो माइनस करके आए हुए हो खर्चा अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट में से भी वो माइनस हो जाएगा तो दोनों का प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा इग्नोर करने की जरूरत है नहीं कॉस्टिंग प्रॉफिट में से डिडक्ट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि तो खर्चा आप पहले ही डिडक्ट कर चुके हो दोबारा से डिडक्ट कर दोगे तो वो तो आपका और प्रॉफिट कम हो जाएगा विल बी करेक्ट आंसर अगर कोई खर्चा मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में दिखाया है तो वो खर्चा अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट में भी दिखा दूंगा मतलब माइनस कर दूंगा वहां से दोनों तो क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे विल बी ऑर करेक्ट आंसर नेक्स्ट 93 इन रिकॉन्सिलियन स्टेटमेंट ट्रांसफर टू रिजर्व ट्रांसफर टू रिजर्व एक ऐसा खर्चा होता है जो केवल और केवल आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शो करते हो बाकी कहीं भी ये नहीं लिखा जाता तो ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड कर लो फाइनेंशियल प्रॉफिट में जैसे ही आप एड बैक करोगे वो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा डिडक्ट करने का मतलब नहीं है इग्नोर करने का मतलब नहीं है कॉस्टिंग प्रॉफिट में ऐड करने का कोई मतलब नहीं है सर ए विल बी और करेक्ट आंसर अगर आप ट्रांसफर टू रिजर्व वापिस ऐड कर लोगे फाइनेंशियल प्रॉफिट में फाइनेंशियल प्रॉफिट और कॉस्टिंग का प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर रिकॉन्सिलियेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सभी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इन रिकॉन्सिलियेशन स्टेटमेंट्स इनकम शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट अगर रिकॉन्सिलियेशन स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कोई इनकम जो है तो कि आपने केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखाई हुई है तो इसकी वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका प्रॉफिट बढ़ गया है कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट प्रॉफिट कम है फाइनेंशियल में ऐड करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि जैसा कि मैंने कहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट तो पहले से ही ज्यादा है डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉफिट यस सर कोई इनकम तो आपने फाइनेंशियल अकाउंट में दिखा दी है तो वो आप डिडक्ट कर दो जैसे ही वो वहां से डिडक्ट होगी आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट के इक्वल आ जाएगा इग्नोर तो करने की जरूरत नहीं है कॉस्टिंग प्रॉफिट में से डिडक्ट करने का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है विल बी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्टी फाइव इन रिकॉन्सिलियेशन स्टेटमेंट क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू इन फाइनेंशियल अकाउंट जैसा कि मैं आपको रिकॉन्सिलियशन जब करवाता हूं तब भी बताता हूं

आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट इन कंपेरिजन विद कॉस्ट अकाउंटिंग इक्वल हो जाएगा डिडक्ट करने का मतलब ही नहीं है वो वो पहले से ही कम है इग्नोर तो क्यों करें कॉस्टिंग प्रॉफिट में ऐड करने का कोई सवाल नहीं उठता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 इंटीग्रेटेड अकाउंट्स की बात चल रही है इंटीग्रल अकाउंट्स एलिमिनेट द नेसेसिटी ऑफ ऑपरेटिंग आज ही तो करा है सर हमने क्वेश्चन कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट की जरूरत नहीं होती इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर नाइनटी सेवन वट एंट्री विल बी पास इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स में जब हम पेमेंट करते हैं क्रेडिटर्स को उस केस में इंटीग्रेटेड अकाउंट में क्या एंट्री होती है सर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश होती है ए है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बी है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर और सी है नो no एंट्री सर ए विल बी करेक्ट आंसर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश किया जाता है पेमेंट टू क्रेडिटर्स के लिए इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग आप एंट्रीज रिवाइज करेंगे एंट्री इन इंटीग्रेटेड अकाउंट फिर से इंटीग्रेटेड अकाउंट की बात चल रही है sales. Sales को करने के लिए, में क्या एंट्री होती है कॉस्ट लेजर टू पीएल सेल्स अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट टू टू कैश सेल सर सिंपल एंट्री होती है सेल की कैश अकाउंट डेबिट टू सेल कॉस्ट लेजर तो होता ही नहीं है इंटीग्रेटेड अकाउंट में सेल्स अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट भी नहीं होता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सी की मैं बात करूं तो कैश अकाउंट डेबिट टू सर यही एंट्री है जो कि जनरल एक एंट्री है तो इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में हम सेल्स के लिए करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स

नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हंड्रेड टॉप कॉस्टिंग इज यूज इन लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन देखा था आपने फर्नीचर मेकिंग में यूज होता है रिपेयर शॉप्स में भी यूज होता है प्रिंटिंग प्रेस में भी यूज होता है फाइनल आंसर विल बी डी ऑल ऑफ द टॉप कॉस्टिंग इज यूज इन फर्नीचर रिपेयर प्रिंटिंग प्रेस सब में नेक्स्ट इन ए जॉब कॉस्ट सिस्टम कॉस्ट आर स्पेसिफिक जॉब मंथली बेसिस पे आंसर इज नो सर स्पेसिफिक जॉब हर एक जॉब के लिए अलग अलग जॉब कॉस्ट शीट बनाई जाती है तो जो भी कॉस्ट इनकर होती है जॉब कॉस्टिंग में वो तो एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड होती है उसी जॉब की जॉब कॉस्ट शीट बनाते वक्त हम लिख दिया करते हैं बाई डिपार्टमेंट और प्रोसेस नहीं होगा बाय काइंड ऑफ मटेरियल यूज नेक्स्ट वन जीरो टू द मोस्ट सुटेबल कॉस्ट सिस्टम वेयर द प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल एंड वर्क परफॉर्मड इज जॉब कॉस्टिंग कॉस्टिंग वो सिस्टम है जहां पे आप अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाते हो कस्टमर जैसा बोलता है उसके हिसाब से काम करके दे देते हो तो अलग अलग मटेरियल यूज होता है अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट वहां पे बनाए जाते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन जीरो थ्री कॉस्ट प्राइस इज नॉट इन केस ऑफ कहते हैं कॉस्ट प्राइस फिक्स नहीं होता इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं कॉस्ट प्राइस फिक्स नहीं होता कि उसमें क्या कहता है कॉन्ट्रेक्टी या कॉन्ट्रैक्टर दोनों के बीच में एग्रीमेंट क्या होता है कॉन्ट्रैक्टर कहता है जो हमारी कॉस्ट लगेगी हम उसमें कितना परसेंट प्रॉफिट मार्जिन लेकर प्राइस डिसाइड कर लेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज होता है वो फिक्स होता है पांच परसेंट दस परसेंट भी तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कॉस्ट प्राइस पहले से फिक्स नहीं होता क्योंकि उसमें हम कैलकुलेशन कर नहीं पाते हैं वजह तो से लास्ट में जो भी कॉस्ट इनकर हुई होती है उसमें प्रॉफिट ऐड करके डिसाइड कर लिया जाता है नेक्स्ट है वन जीरो फोर मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसिज आर डायरेक्ट इन टॉप कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग या नन ऑफ द वर्क सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो होता है कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हम बनाते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसिज होते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से 105 तो की गलत फॉर्म किया गया है क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रेक्ट लिखा हुआ है पहली बात तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा इज यूजुअली एंटर्ड इन टू कौन से में होते हैं वेयर कॉस्ट कैन बी बीजिली एस्टिमेटेड अभी तो मैंने कहा कि जहां पे कॉस्ट इजिली कैलकुलेट नहीं हो सकती वहां पे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये तो नहीं होगा सी कहते हैं कॉस्ट ऑफ सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड वर्क इसका क्या मतलब सी कहते हैं कॉस्ट ऑफ सर्टिफाइड वर्क कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस ठीक तो अगर मैं बात करूं ये जो तीन ऑप्शन है तो में से ही कोई भी ऑप्शन करेक्ट है नहीं और चौथा ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं मेरे हिसाब से यहाँ पे चौथा ऑप्शन लिखा हुआ होना चाहिए था और वो होना चाहिए था कॉस्ट कैन नॉट बी इजीली एस्टिमेट कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट वहां पे होते हैं वहां पे कॉस्ट को इजीली एस्टिमेट नहीं किया जा सकता तो तो भी होता है तो भी एक करके उसका प्राइस बाद में डिसाइड किया जाता है कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है गलत तरीके से फॉर्म किया गया है मेरा ये मानना है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा सही फॉर्मेशन के साथ ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वहां पे आपको एक ऑप्शन और मिलना चाहिए कॉस्ट कैन नॉट बी एस्टिमेट 106 कॉस्ट ऑफ़ सर्विस अंडर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कह दो सर्विस कॉस्टिंग एक ही बात है जब हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग दैट इज सर्विस कॉस्टिंग के चैप्टर में कॉस्ट ऑफ सर्विस कैलकुलेट करते हैं तो इज एस बाई प्रिपेयरिंग कॉस्टीट प्रोसेस अकाउंट, जॉब कॉस्ट शीट या प्रोडक्शन अकाउंट याद करो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आप कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हो सर ऑपरेटिंग प्रोसेस तो में बनता है प्रोडक्शन अकाउंट तो हम कहीं बना भी नहीं फाइनल आंसर विल बी ए कॉस्ट ऑफ सर्विस कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट बनती है अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट लिखा हुआ होता ज्यादा बेटर होता नहीं लिखा हुआ तो कॉस्ट शीट भी चलेगा नेक्स्ट 107 जीरो सेवन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल टू हॉस्पिटल सिनेमाज ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ऑल ऑफ द अब सर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड बनाया ही गया है स्पेसिफिकली फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स हॉस्पिटल सिनेमाज ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग तीनों ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपका आंसर होगा डी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग तीनों में ही अप्लाई होता है नेक्स्ट वन जीरो से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन है जो आई थिंक पहले भी आ चुका है वन से लेकर 50 तक जब हमने एमसीक्यू कवर किए थे उसमें ये क्वेश्चन आया था अगर आपकी सेल्स है नब्बे हजार रुपए और वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स मतलब सेल्स का सेवेंटी फाइव परसेंट वेरिएबल कॉस्ट है मैं हमेशा बोलता हूं कि सेल्स के दो पार्ट होते हैं वेरिएबल कॉस्ट और कॉन्ट्रीब्यूशन तो क्वेश्चन जानना चाहता है कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा सर अगर सेल्स का पचहत्तर परसेंट वेरियबल कॉस्ट है तो कॉन्ट्रीब्यूशन परसेंटेज टर्म में पच्चीस परसेंट ऑफ सेल्स होगा और अगर सेल्स आपकी नब्बे हजार है तो नब्बे हजार का पच्चीस परसेंट ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड विल बी कॉन्ट्रीब्यूशन आंसर विल बी बी बाईस हजार पांच सौ रुपए नेक्स्ट वन जीरो क्वेश्चन भी ऑलरेडी पहले कवर हो चुका है वेरिएबल कॉस्ट जो होती है टोटेलिटी में फिक्स नहीं रहती वेरिएबल कॉस्ट टोटेलिटी में चेंज होती रहती है इन प्रपोर्शन विद आउटपुट पी रिमेन फिक्सड पर यूनिट सर यस वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट फिक्स रहती है वेरी पर यूनिट नो नोर इंक्रीज और डिक्रीज सर ऐसा नहीं है बी विल बी और करेक्ट आंसर वेरिएबल कॉस्ट रिमेन फिक्सड पर यूनिट काफी बार पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन वन जीरो अगर हमारी सेल्स है पचास हजार तो अगर आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा एक लाख रुपए का क्वेश्चन जानना चाहता है पीवी रेशियो क्या होगा तो सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इन टू हंड्रेड अगर कॉन्ट्रीब्यूशन एक लाख है सेल आपकी वन लैख फिफ्टी थाउजेंड है परसेंटेज टर्म में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इट विल बी सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट फाइनल आंसर होगा आपका ए सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्रिपल वन ऑर्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो द फॉलोइंग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सर ये पहले भी आ चुका है बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन अप्लाई होता है मार्जिनल कॉस्टिंग में क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग अंडरस्टैंड करते हैं फाइनल आंसर जो है वो सी होगा बिहेवियर वाइज नंबर वन वन टू पी वी रेशियो विल इंक्रीज ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू टू हंड्रेड सेल तो अपने आप में सेल्स है ही कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इसका मतलब सेल्स दैट इज सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनमें अगर कोई चेंज होता है तो पी वी रेशियो में चेंज होता है पी वी रेशियो यहां पे बढ़ने की बात की जा रही है तो अगर सेलिंग प्राइस बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम होगी तो पी वी रेशियो बढ़ेगा तो सर ए और बी तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि फिक्स कॉस्ट की वजह से तो पी वी रेशियो पे कोई इंपैक्ट ही नहीं आता कहते हैं डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस सर सेलिंग प्राइस कम होगा तो पीवी रेशियो तो कम हो जाएगा विल बी करेक्ट आंसर कि अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होगा तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ेगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ेगा मतलब पीवी रेशियो भी आपका बढ़ेगा फाइनल आंसर डी पहले आ चुका है ये क्वेश्चन भी नेक्स्ट वन वन थ्री द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट इज अडॉप्टेड कब डिफरेंशियल कॉस्ट टेक्निक टेक्निक कब यूज यूज होती होती है? सिंपल तो सी बात करूं तो डिफरेंशियल कॉस्ट है डिसीजन मेकिंग के लिए क्या पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सर नहीं जरूरत अपने को करने के लिए की, cost, unit, या फिर जैसा कि मैंने कहा डिफरेंशियल कॉस्ट एक टेक्निक है डिसीजन मेकिंग के लिए यूज की जाती है तो जब हमें दो या दो से ज्यादा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हो और हमें ये डिसाइड करना हो कौन सा बेस्ट है तो हम डिफरेंशियल कॉस्ट यूज किया करते हैं हम मेनली क्या देख लेते हैं हम देख लेते हैं कि डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है डिफरेंशियल रेवेन्यू क्या आएगा अकॉर्डिंगली क्या हमें ऑप्शन को अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए डिसीजन so, मेकिंग के लिए डिफरेंशियल कॉस्ट को यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन वन फोर डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ टू ऑल्टरनेटिव दो ऑल्टरनेटिव मेरे पास गिवन है और उन दोनों की कॉस्ट में जो डिफरेंस है उसको क्या बोला जाता है उसी तो को तो डिफरेंशियल कॉस्ट बोला जाता है उसी को डिफरेंशियल कॉस्ट बोला जाता है तो अगर आपके सामने दो ऑल्टरनेटिव है तो दोनों में जो कॉस्ट इनको हो रही है उसका जो डिफरेंस है दैट इज नॉन एज डिफरेंशियल कॉस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन वन फाइव प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन है तीन लाख रुपए ठीक है सेल्स है पंद्रह लाख रुपए पीवी रेशियो क्या होगा सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इन टू हंड्रेड कॉन्ट्रीब्यूशन है तीन लाख सेल है पंद्रह लाख तो सर ट्वेंटी परसेंट विल बी पीवी रेशियो योर आंसर विल बी बी ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन वन सिक्स वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो इज फोर्टी परसेंट कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का चालीस परसेंट है सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कॉन्ट्रीब्यूशन आता है और पी वी रेशियो क्या कहता है पी वी रेशियो भी तो यही कहता है कि कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो सेल्स का कितना प्रपोर्शन है तो सर अगर चालीस परसेंट वेरिएबल कॉस्ट है तो कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज पी वी रेशियो विल बी बैलेंस सिक्सटी आंसर तो विल बी सिक्सटी परसेंट कोई कैलकुलेशन वगैरह की जरूरत नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 अगेन ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन सर फिक्स्ड कॉस्ट है 30000 पीवी रेशियो है 20% तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो सर अगर फिक्स्ड कॉस्ट 30000 हो और पीवी रेशियो अगर 20% हो तो ब्रेक इवन पॉइंट आपका 1.5 लाख आ जाएगा 150000 बी विल बी योर करेक्ट आंसर 1 लाख फिफ्टी थाउजेंड विल बी ब्रेक पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन वन एट एक्सेस ऑफ एक्चुअल है कहते हैं अगर एक्चुअल हो अगर मैंने स्टैंडर्ड सेट किया कि दस रुपए की कॉस्ट आएगी लेकिन एक्चुअल कॉस्ट आ गई ज्यादा बारह रुपए आ गई तो यह क्या है क्या ये अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस है अब नॉर्मल मतलब गेन और वो अब प्रोसेस कॉस्टिंग के टॉपिक में नहीं सर ये गेन तो है ही नहीं ये तो है तो नुकसान है अनफेवरेबल है यस एडवर्स वेरियंट कह सकते हो अनफेवरेबल वेरियां कह सकते हो एक ही बात है तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी सर सी तो नहीं हो सकता फेवरेबल तो नहीं है नन ऑफ दीज की जरूरत नहीं है अपने को क्योंकि बी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि अगर आपका स्टैंडर्ड से एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा आ जाए तो वो अनफेवरेबल सिचुएशन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए बी विल बी फाइनल आंसर नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन अ स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इज नॉन एज वेरियंस ना ये वेस्टेज कहलाता है ना ये लॉस कहलाता है ना प्रॉफिट तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट कहता है द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल इज नॉन एज वेरियांस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी स्टैंडर्ड कॉस्ट इज यूज स्टैंडर्ड कॉस्ट किस लिए यूज किया जाता है सिंपल सी मैं बात करूं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक है क्या इसमें ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं आंसर इज नो सर मार्जिनल कॉस्टिंग में ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट होता है टू कॉस्ट कॉस्ट वॉल्यूम वॉल्यूम प्रॉफिट प्रॉफिट रिलेशनशिप सर मतलब सीवीपी और सीवीपी का रिलेशन भी मार्जिनल कॉस्टिंग में इंडिकेट होता है एज ए बेसिस फॉर प्राइस फिक्सेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल थ्रू वेरियां किया जाता है कॉस्ट कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है अकॉर्डिंगली वहां पर प्राइस फिक्सेशन भी आप कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट सी विल बी ऑर करेक्ट आंसर फाइनल आंसर सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी वन स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटीरियल पर के जी ट्वेंटी है स्टैंडर्ड कंजम्पन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पांच के जी मतलब क्वेश्चन का कहना है भाई एक यूनिट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड सेट किया है कि पांच के जी मटेरियल लगेगा और बीस रुपए का प्राइस होगा क्वेश्चन जानना चाहता है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग हंड्रेड यूनिट कितना होगा अगर सौ यूनिट हम बनाए तो उसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगी तो सर सिंपल सी बात यह है कि पांच के जी रो मटीरियल सेट है बीस रुपए पर के जी मतलब एक यूनिट के लिए बीस इंटू पांच सौ रुपए का स्टैंडर्ड सेट है तो अगर आप सौ यूनिट बनाओगे सौ यूनिट के लिए दस हजार रुपए की कॉस्ट का स्टैंडर्ड होगा टेन थाउजेंड विल बी योर करेक्ट आंसर टी विल बी योर फाइनल आंसर टेन थाउजेंड कैसे कैलकुलेट हुआ है वो मैंने आपको बता ही दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 122 ट्वेंटी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर ए गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज 15000 ये लास्ट क्लास में भी आया था स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो 15000 है व्हाइल द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल दो 16200 है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट 15000 माइनस 16200

अगर हम मटेरियल प्राइस वेरियंस और मटेरियल यूसेज का एडिशन करके देखें तो इट शुड बी इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरियंस मटीरियल इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस प्लस मटेरियल यूसेज बी विल योर फाइनल आंसर मटेरियल प्राइस प्लस मटेरियल यूसेज वेरियंस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 124 कॉस्ट वेरियंस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट वेरियंस कैसे निकाल रहे हो आप

वो है बीस रुपए का स्टैंडर्ड यूसेज जो है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पांच के जी मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए पांच के जी रॉ मटेरियल लगेगा और उसका रेट होगा बीस रुपए ये स्टैंडर्ड सेट है एक्चुअल यूसेज ऑफ प्रोडक्शन हंड्रेड यूनिट इज फाइव ट्वेंटी के जी अब आपने एक्चुअल में सौ तो यूनिट बनाई जिसमें पांच सौ बीस के जी आपने मटेरियल कंज्यूम कर लिया

और अगर आपने बनाई सौ यूनिट पांच सौ के जी लगना चाहिए था ये हो गया पांच सौ के जी माइनस एक्चुअल में आपने यूज किया है पांच सौ बीस के जी और स्टैंडर्ड प्राइस आपका बीस रुपए कांड्रेड माइनस फाइव ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी फोर हंड्रेड नेगेटिव आ रहा है एडवर्स चार सौ एडवर्स आंसर फाइनल आंसर विल बी पी फोर हंड्रेड एडवर्स

एक्चुअल में आपने 100 यूनिट बनाई 520 केजी यूज किया और खरीदा है बाईस रुपए में कॉस्ट वेरियंस ये इस बारी सर मटेरियल कॉस्ट वेरियंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल और एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलती है सर एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने अभी अभी ऊपर निकाली थी 500 सौ स्टैंडर्ड प्राइस था क्वेश्चन में बीस रुपए एक्चुअल में आपने 520 केजी यूज किया और एक्चुअल में प्राइस रहा है आपका बाईस रुपए का तो सर इसका मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट दस हजार है और एक्चुअल कॉस्ट हमारी कितनी कर हुई है इलेवन फोर फोर्टी सर यह आ जाएगा आपका फोर्टीन फोर्टी और वो भी नेगेटिव है मतलब एडवर्स 1440 एडवर्स पी विल बी एडवर्स दैट विल बी योर फाइनल आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 127 क्वेश्चन नंबर 127 अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर वन यूनिट ऑफ आउटपुट इज 10 के जी एक यूनिट को बनाने के लिए 10 के जी रॉ मटीरियल लगेगा ऐसा स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड रेट है आठ रुपए पर केजी लेकिन एक्चुअल में आपने आउटपुट किया है 800 यूनिट का क्वेश्चन आपसे केवल और केवल स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जानना चाह रहा है तो सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका यह है कि अगर 10 के जी रो मटीरियल लगना था एक यूनिट को बनाने के लिए और अगर आपने बना ली 800 यूनिट 800 यूनिट के लिए आठ हजार के जी रो मटेरियल लगना चाहिए यह स्टैंडर्ड है फाइनल आंसर में भी एट थाउजेंड उजेंड के जी एट थाउजेंड के जी ने क्वेश्चन क्या बजट क्वालिटेटिव टर्म्स में होते हैं सर आंसर इज नो या तो वो क्वांटिटी टर्म्स में होते हैं या मॉनिटरी टर्म में होते हैं क्या वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में होते हैं सर यस? Yes. क्या वो मटीरियलिस्टिक होते हैं सर यस? Yes. मटीरियलिस्टिक किसी भी चीज को तब बोला जाता है जब उसकी कोई सिग्निफिकेंस हो क्या मैं कोई एक रुपए दो रुपए के लिए भी बजट बना लूंगा सर आंसर इज नो मैं एक मटीरियल फिगर के लिए मटीरियलिस्टिक आप मॉनिटरी टर्म में भी कह सकते एक हो एक तरीके से मटीरियल फिगर होगी तभी और तभी मैं उसका बजट बनाऊंगा अदरवाइज नहीं बनाऊंगा मटीरियलिस्टिक का मतलब इंपॉर्टेंट तो बजट जो है क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी हो सकते हैं और मटीरियलिस्टिक टर्म में भी होते हैं तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा बोथ बी एंड सी आप यहां पर मटीरियलिस्टिक को मॉनिटरी टर्म्स भी समझ सकते आप यहां पर मटीरियलिस्टिक को मॉनिट्री टर्म्स भी समझ सकते हो तो बजट क्वानिटेटिव भी होते हैं मॉनिटरी भी होते हैं दैट इज एज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मास्टर बजट इनमें से कौन सा मास्टर बजट का पार्ट नहीं होता मास्टर बजट में या तो प्रॉफिट एंड लॉस कवर होता है या बैलेंस शीट कवर होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट सर कवर हो जाता है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में फिक्स्ड एसेट्स वगैरह आती है 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 जो कि बैलेंस शीट का पार्ट होती प्रोडक्शन प्रोडक्शन शेड्यूल शेड्यूल मास्टर बजट को से तो तो कोई मतलब नहीं फाइनल आंसर तो वैसे तो बी ही होगा फिर भी पढ़ देता हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंस बजट सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आप दिखाते हो प्रॉफिट एंड लॉस में ऑल अब तो नहीं प्रोडक्शन शेड्यूल जो है वो मास्टर बजट का पार्ट नहीं होता है ड्यूल इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मास्टर बजट यूर फाइनल आंसर विल बी बी यूर फाइनल विच ऑफ दूसिंग ए बजट ये क्वेश्चन तो नया नहीं है यह क्वेश्चन पहले भी आया था कि इनमें से कौन सा बजट का बेनिफिट नहीं है क्या बजट से फॉर्म के बीच में फॉर्म की एक्टिविटीज में कॉर्डिनेशन बढ़ता है आंसर इज येस मोटिवेटेड मैनेजर मैनेजर में मोटिवेशन बढ़ता है सर यस इंप्रूव इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन यस एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन भी बेटर होता है और एक्यूरेट एक्सटर्नल मोर एक बजट बनाने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी सर ऐसा तो नहीं है बजट तो वैसे भी एस्टिमेटेड बेसिस पे डी विल बी ऑर फाइनल आंसर कि बजट का बेनिफिट कौन सा नहीं है

कैपिटल बजट जो होते हैं कैपिटल बजट जो होते हैं वो बनाए जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कि हमें क्या कैपिटल के खर्चे करने होंगे जैसे कि फिक्स्ड एसेट क्या खरीदूं क्योंकि तो कैपिटल कैपिटल बजट जो जो होते हैं तो आप एक्सपेंडिचर करते हो वो करते ही फ्यूचर बेनिफिट के लिए हो, जिसका आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट रिसीव होता है कैपिटल बजट जो है वो एक लॉन्ग टर्म बजट कंसिडर किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन मटेरियल बिकम की फैक्टर इफ रॉ मटीरियल है मटीरियल है कहते हैं वो की फैक्टर होगा तब हमें पता है की फैक्टर किसी भी एलिमेंट को तब बोला जाता है जब उस पर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन हो जब हमारे पास अवेलेबिलिटी कम हो और रिक्वायरमेंट ज्यादा हो तो एक कहता है कोटा रेस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट कोटा रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कोटा कोटा का मतलब क्वांटिटी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है कि मैं कहूँगी भाई पांच हजार के जी रॉ मटेरियल है मेरे पास

सर मटेरियल से रिलेटेड जब कोटा रेस्ट्रिक्शन होगी क्वांटिटी की रेस्ट्रिक्शन होगी तब हम मटेरियल को ई फैक्टर बोलते हैं सिग्निफिकेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोविंग बजट कौन सा बजट बनाते वक्त हम फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं सर फ्लेक्सिबल बजट होता है फिक्स्ड कॉस्ट अलग लिखी जाती है वेरिएबल कॉस्ट अलग इवन सेमी वेरिएबल अलग लिख सकते हो आप उसमें बी बी विल करेक्ट आंसर फ्लेक्सिबल मास्टर कैश और और कैपिटल बजट में फिक्स्ड वेरिएबल को अलग अलग नहीं लिखते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन थर्टी फोर द बजट दैट इज प्रिपेड फर्स्ट ऑफ ऑल इज य तीन चारों में से कौन सा बजट सबसे पहले बनाया जाता है मास्टर बजट तो सर सबसे लास्ट में बनता है बजट विद की फैक्टर ऑफकोर्स वो बजट सबसे पहले बनना चाहिए जिसमें कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन हो क्योंकि जिसकी रेस्ट्रिक्शन होगी वो सबसे कम बनेगा और उसके अकॉर्डिंगली हमें बाकी बजट्स भी प्लान कर लेने चाहिए सिंपल सी बात मैं कहूँ कि मेरे पास अगर मटेरियल की फैक्टर है मटेरियल की शॉर्टेज है और मैं उससे केवल एक यूनिट ही बना सकता हूं तो सिंपल सी बात है जब एक यूनिट ही बना पाऊंगा तो बाकी बजट भी उसी के हिसाब से बनाए जाने चाहिए लेबर की कितनी जरूरत होगी कैश की क्या जरूरत होगी कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करना पड़ेगा फाइनली मास्टर बजट कैसे बनेगा वो बजट सबसे पहले बनेगा जिसमें कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन हो मतलब बजट विद की फैक्टर सबसे पहले बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। सेल्स बजट क्या है सर सेल्स बजट इज ए पार्ट ऑफ फंक्शनल बजट बजट प्रोडक्शन बजट रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट रॉ मटेरियल परचेज बजट कैश बजट ये सारे के सारे फंक्शनल बजट का पार्ट होते हैं। हैं, 136, flexible budget requires a careful study of, flexible budget जब हम बनाते हैं, तो वहां पे हमें केयरफुल स्टडी करनी होती है फिक्स्ड सेमी वेरिएबल और वेरिएबल एक्सपेंसेस क्योंकि वो अलग अलग शो किए जाते हैं a will be पास्ट करंट से कोई मतलब नहीं है ओवर इट सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस रन ऑफ दिज सर विल बी फाइनल आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इन ए प्रोसेस यूनिट आपने इंट्रोड्यूस करी जिसमें से पांच परसेंट नॉर्मल लॉस है तो छह हजार का पांच परसेंट चला गया तीन सौ फिफ्टी सेवन हंड्रेड यूनिट बची फिफ्टी सेवन हंड्रेड का वाइफिकेशन क्या है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 800 यूनिट है जो 60% परसेंट कंप्लीट है वो 60% परसेंट कंप्लीट है मतलब ट्रांसफर कर दिया है तो 4900 कंप्लीटेड है ही क्वेश्चन जानना चाहता है प्रोडक्शन क्या होगा एट जीरो प्रोडक्शन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है प्रोसेस कॉस्टिंग इक्विल प्रोडक्शन का बहुत इजीली आप कैलकुलेशन कर सकते नहीं है तो आपको रिवाइज करने की जरूरत है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए फिक्स्ड कॉस्ट मतलब हमें ये बताना है कि ये जो चार डेफिनेशन है मींस कौन सी डेफिनेशन फिक्स्ड कॉस्ट की है इट मे चेंज इन टोटल कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज हो सकता है वेयर सच चेंज इज अनरिलेटेड टू चेंज इन प्रोडक्शन ठीक है देखो फिक्स्ड कॉस्ट हम कहते हैं कांस्टेंट रहती है बट हमेशा तो कांस्टेंट नहीं रहती हम मेनली ये कहना चाहते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट टोटेलिटी में कांस्टेंट रहती है और फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें अगर कोई चेंज आए भी तो प्रोडक्शन वॉल्यूम की वजह से नहीं आता ये नहीं कि आप एक यूनिट बना रहे हो तो फिक्स कॉस्ट दस रुपए है तो दो यूनिट बनाओगे तो वो पंद्रह रुपए या अठारह रुपए हो जाएगी नहीं आंसर इज नो सर पीरियड टू पीरियड वो वेरी कर सकते हैं जैसे हम सबको पता है कि रेंट जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है रेंट के एग्रीमेंट तो ग्यारह महीने के ही होते हैं ग्यारह महीने के बाद रेंट तो की टोटल इनकम टोटल एक्सपेंस में क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा यस yes, ए जो है वो है वो ठीक डेफिनेशन कि कॉस्ट में चेंज हो सकता है अगर वो प्रोडक्शन से रिलेट ना करे तो कहता है इट मे चेंज इन टोटल सर चेंज इज रिलेटेड टू इन प्रोडक्शन अगर प्रोडक्शन की वजह से चेंज है तो फिर वो फिक्स नहीं वेरिएबल कहलाती है इट इज कॉन्स्टेंट पर यूनिटिक्स पर यूनिट यूनिटेंट नहीं रहती वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कॉन्स्टेंट रहती है इट मे चेंज इन टोटल वेयर चेंज डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन प्रोडक्शन पे किसी की वजह से फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता ए करेक्ट आंसर है कि कॉस्ट में चेंज हो सकता है अगर वो प्रोडक्शन से रिलेट ना करे तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन थर्टी नाइन डेड लिमिटेड इज प्लानिंग टू सेल वन लैक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर रुपी ट्वेल्व पर यूनिट ठीक है एक लाख यूनिट

फिक्स्ड कॉस्ट दो लाख अस्सी हजार है प्रॉफिट अगर दो लाख होगा सर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन इस सिचुएशन कंट्रीब्यूशन आपका चार अस्सी होना चाहिए और यहां पे बैलेंसिंग फिगर में आप वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो सर सात लाख बीस हजार विल बी बी सेवन लैक ट्वेंटी थाउजेंड इस केस में आपको वेरिएबल कॉस्ट देखने को मिलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी स्टैंडील कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर जब आप सी एस की नंबरिंग विद नेम्स देखते हो तो सर सी एस थर्टीन होता है तो सर्विस कॉस्ट सेंटर के साथ डील करता है वो पैकिंग मटीरियल का है वो डेप्रीशियन एंड अमोटाइजेशन कॉस्ट है और सी एस ट्वेंटी टू जो है वो मैन्युफेक्चरिंग कॉस्ट का, का होता है, जो है वो सर्विस कॉस्ट सेंटर से रिलेट करता है नेक्स्ट वन फोर्टी वन द मोस्ट सुटेबल कॉस्ट सिस्टम वेर द प्रोडक्ट प्रोडक्ट डेफर इन टाइप ऑफ मटीरियल एंड वर्क परफॉर्म लास्ट क्लास में भी हमने देखा था सर जॉब कॉस्टिंग होता है इसमें प्रोडक्ट अलग अलग तरीके का होता है तो अलग अलग तरीके का मटीरियल भी वहां पर यूज होता है नेक्स्ट वन फोर्टी टू इन ए प्रोसेस टेन थाउजेंड यूनिट वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ठीक है टेन परसेंट ऑफ इनपुट इज नॉर्मल लॉस अगर दस हजार में से दस परसेंट नॉर्मल लॉस हो जाएगा तो नौ हजार यूनिट बचती है और उस नौ हजार यूनिट का क्या है कहते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस सत्तर परसेंट कंप्लीट है पंद्रह सौ यूनिट सर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में पंद्रह सौ यूनिट है जो कि सत्तर परसेंट कंप्लीट है एक हजार पचास पचहत्तर तो सौ यूनिट जो बच गई वो आपने कंप्लीट करके नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दी तो यूनिट पहले से ही कंप्लीट है तो सर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होगा

कहते हैं जब सेल डेढ़ लाख रुपए है तो प्रॉफिट बीस हजार है और यही सेल जब वन लाख सेवेंटी थाउजेंड होती है तो प्रॉफिट पच्चीस हजार है सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला होगा यहां पे चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स और ये परसेंटेज में इंडिकेट किया जाता है जिसकी वजह से मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड भी कर लेंगे प्रॉफिट आपका ट्वेंटी थाउजेंड से ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हो गया मतलब फाइव थाउजेंड इनक्रीज हो गया तेल आपकी वन फिफ्टी से वन सेवेंटी हो गई मतलब ट्वेंटी थाउजेंड इंक्रीज हो गई परसेंट फाइनल आंसर विल बी सी ट्वेंटी फाइव परसेंट नेक्स्ट वन फोर्टी फोर स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटीरियल फॉर वन यूनिट ऑफ आउटपुट इज टेन के जी एट द रेट ऑफ एट पर के जी एक यूनिट को बनाने के लिए दस के जी रो मटेरियल लगेगा ये स्टैंडर्ड है जबकि आपने एक्चुअल में आउटपुट बना लिया है छ सौ यूनिट का और क्वेश्चन आपसे केवल और केवल जानना चाहता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कितना होगा सर अगर दस के जी रो मटीरियल लगेगा एक के लिए आपने छह सौ बनाई सिक्स थाउजेंड के बी योर आंसर विल बी योर सिक्स थाउजेंड के जी फी विल बी योर फाइनल आंसर सिक्स थाउजेंड क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी फाइव विच ऑफ टर्म बजट सर अभी तो देखा कैपिटल बजट लॉन्ग टर्म बजट होता है नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी काफी जगह हम देख चुके हैं मेन परपज अगर आपसे पूछा जाए कॉस्ट अकाउंटिंग का तो टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग टू द मैनेजमेंट सर डी विल बी योर फाइनल आंसर बाकी भी ऑप्शन होते हैं बाकी भी परपज होते हैं अगर मेन पूछ लिया गया टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग वन फोर्टी सेवन रिकॉन्सिलियन से रिलेटेड यह भी लास्ट क्लास में आया था कि अगर हम रिकॉन्सिलियन स्टेटमेंट की बात करें तो एक्सपेंसिस शॉन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट जब आप केवल और केवल एक्सपेंस फाइनेंशियल अकाउंट में दिखाते हो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट हो जाता है कम तो उसको कॉस्ट अकाउंटिंग इक्वल आने के लिए बढ़ाना पड़ता है तो एड करना पड़ता है

सी रिसीविंग डिपार्टमेंट का काम है मटेरियल को रिसीव करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजना तो ये एज ए इंटरमीडिएटर सर्विस डिपार्टमेंट का काम करता है सी विल बी योर फाइनल आंसर रिसीविंग डिपार्टमेंट 149 लास्ट क्लास में आया था ये क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट कॉस्ट शीट में इनमें से कौन सा आइटम नहीं आता परचेज रिटर्न आता है कैरीज इनवर्ड भी आता है सेल कमीशन भी आता है सर इंटरेस्ट पेड नहीं आता क्स्ट क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी इन जॉब कॉस्टिंग टू रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ डायरेक्ट मटीरियल टू ए जॉब विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज यूज परचेज ऑर्डर सर नहीं फूड रिसीप्ड नोट ये तो मटीरियल को रिसीव करते वक्त यूज होता है मटीरियल रिक्विजिशन नोट होता है जब मटीरियल इश्यू किया जाता है स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जॉब के लिए ियल रिक्विजिशन नोट इश्यू किया जाता है इंट्रोड्यूस तो करसेंट अगर इसमें नॉर्मल लॉस है तो दो सौ चली गई थर्टी एट हंड्रेड यूनिट बची थर्टी एट हंड्रेड का बाइफिकेशन यह है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में पांच सौ यूनिट है जो साठ परसेंट कंप्लीट है तो सर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 500 यूनिट 60 परसेंट कंप्लीट है हो गई 300 और 3300 यूनिट्स आपकी कंप्लीट है इक्वेल प्रोडक्शन में आपका छत्तीस यूनिट आएगा पी विल बी और फाइनल आंसर इक्वेल प्रोडक्शन थर्टी इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपका प्रैक्टिकल अगर क्लियर है एक एक मिनट के आंसर है प्रोडक्ट ए जनरेट ए कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो 40 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो इज नथिंग पीवी रेशियो को बोला जाता है फिक्स्ड कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ए साठ हजार रुपए की फिक्स कॉस्ट है सेल्स रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू अचीव ए प्रॉफिट ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड अगर हमें प्रॉफिट कमाना हो पंद्रह हजार का तो सेल कितनी करूं सर सेल का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन मे पीवी रेशियो फिक्स्ड कॉस्ट अगर साठ हजार है हमें कमाना है पंद्रह हजार का प्रॉफिट और पीवी रेशियो अगर चालीस परसेंट है आंसर आएगा वन एटी सेवन फाइव हंड्रेड सेवेंटी फाइव एटी सेवन फाइव हंड्रेड विल बी फाइनल आंसर फाइनलिंग ए पीरियडी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड लेबर आवर्स वर्क स्टैंडर्ड रेट है आठ रुपए पर आवर तेरह हजार छह सौ घंटे एक्चुअल आवर्स है स्टैंडर्ड रेट है आठ रुपए का डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इन्होंने कैलकुलेट किया 8800 एडवर्स आया क्वेश्चन जानना चाहता है हाउ मेनी स्टैंडर्ड आवर्स पर प्रोड्यूस एफिशिएंसी वेरिएंस के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो सर फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स 8800 मतलब माइनस में 8800 है स्टैंडर्ड आवर्स मुझे निकालना है मैंने एक्स लिख लिया एक्चुअल में आपने तेरह हजार छ सौ घंटे काम किया है और स्टैंडर्ड रेट है आठ रुपए का सर माइनस एटी एट एत हंड्रेड इज इक्वल टू तो एट एक्स माइनस थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इन एट वन लाख एट थाउजेंड एट हंड्रेड सर ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ये इधर जाके प्लस फिगर हो गई एक लाख आठ हजार आठ सौ माइनस एटी एट हंड्रेड सर एक लाख डिवाइडेड बाई एट बारह आपका आंसर आएगा बारह हजार पांच सौ बी विल बी और फाइनल आंसर आपको लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए बस नेक्स्ट 154 कैश बजट ऑफ एबीसी लिमिटेड फोर वे शॉर्ट टर्म सरप्लस कहते हैं एबीसी लिमिटेड ने कैश बजट बनाया और उसमें मुझे शॉर्ट टर्म सरप्लस दिखाई दे रहा है मतलब कैश सरप्लस है मेरे पास है तो क्या करू वो भी शॉर्ट टर्म क्या मैं सर, में तो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट हो जाता है, मेरे पास तो है। नहीं कर सकता लॉन्ग टर्म लोन सर अगेन इसके लिए भी तो लॉन्ग टर्म फंड यूज करते हैं ये लॉन्ग टर्म नहीं है राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये तो कोई कॉन्सेप्ट दिखाई नहीं दे रहा अर्ली टू ऑपटेन ए कैश डिस्काउंट ठीक है सर कैश डिस्काउंट अगर मिल जाए तो क्रेटर्स को थोड़ा जल्दी पे कर दो हमें बेनिफिट हो जाएगा टी जो है वो बेटर है क्योंकि क्रेडर्स जो है वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है शॉर्ट टर्म सरप्लस है तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी पे करने के लिए यूज कर लो बेनिफिट भी हो जाएगा कैश डिस्काउंट आपको मिल जाएगा सी जो है दैट इज द अप्रोप्रिएट एक्शन इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म सरप्लस अगर आपके पास अवेलेबल है तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी फाइव कॉस्ट विच आर एसर्टेड आफ्टर हैव बीन इनकर्ड तो हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं इनको हो जाती है उसके बाद दिस इज सिस्टम ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में ऐसा होता है सी विल बी फाइनल हिस्टोरिकल कॉस्ट 156 प्राइम कॉस्ट में अगर वेरिएबल ओवर लिए जाए प्राइम तो कॉस्ट में वेरिएबल ओवर कर लोगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी इज नॉन एज फैक्ट्री कॉस्ट नो मार्जिनल कॉस्ट येस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नोट

का मतलब आप यूज कर रहे हो स्टैंडर्ड प्राइस मेथड बी विल बी योर फाइनल आंसर द स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में रेट पहले से ही डिसाइडेड होता है किस रेट पे हमें इश्यू शो करना है। नेक्स्ट फॉर रिड्यूसिंग लेबर कॉस्ट पर यूनिट आपकी लेबर कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा आ रही है ध्यान देना पर यूनिट ज्यादा आ रही है और हम उसको करना चाह रहे हैं कम क्या करें विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजेस का रेट कम कर दें नहीं लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी हायर इनपुट आउटपुट रेशियो क्योंकि लेबर कॉस्ट पर यूनिट कम करनी है तो अगर इनपुट आउटपुट रेशियो ज्यादा होगा मतलब इनपुट कम करना पड़े आउटपुट ज्यादा मिले तो ऑफकोर्स पर यूनिट आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी सी विल बी योर फाइनल आंसर हायर इनपुट आउटपुट रेशियो 159 मैक्सिमम पॉसिबल ोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट नो ऑपरेटिंग टाइम इज लॉस्ट इसी तरीके का नुकसान नहीं होता मतलब तो का टाइम काम कर लूंगा पॉसिबल प्रोडक्टिव कैपेसिटी एक ऑर्गेम कैपेसिटी होती है उसको क्या बोला जाता है थियोरिटिकल तो कैपेसिटी होती है जो मैक्सिम कैपेसिटी को इंडिकेट करती है कैपेसिटी बेस्ड ऑन सेल्स एक्सपेंडि सी होगा कैपेसिटी जो होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की मैक्सिमम कैपेसिटी को इंडिकेट करती है 160 इन जॉब कॉस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ डायरेक्ट मटीरियल टू ए जॉब सर अभी तो आया था मटीरियल रिक्वेजिशन नोट वन सिक्सटी वन द मेन पर्पज ऑफ अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट की जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसके पीछे मेन पर्पज क्या है ट्रेटर द प्रॉफिट और लॉस ऑन ईच प्रोडक्ट लाइन सर यस हम हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग प्रॉफिट जानना चाहते हैं इसकी वजह से हम चाहते हैं कि जो जॉइंट कॉस्ट आई है उसको अलग अलग करें ट्रेटर द सेलिंग प्राइस नो कंप्लाई विथ स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऐसा तो कुछ भी नहीं है आइडेंटिफाई द कॉस्ट एंड लोड इट ऑन द मेन प्रोडक्ट नहीं बाई प्रोडक्ट पे भी तो हम कॉस्टिंग डाल देते हैं डेटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑन ईच प्रोडक्ट लाइन इसके लिए जेपीबीपी अकाउंटिंग की जाती है टू फाइव सिक्स जीरो सात रुपए का और एफिशियर कैलकुलेट किया आठ सौ पच्चीस एडवर्स आया हाउ मेनी स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस अभी-अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू अ स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय अ स्टैंडर्ड रेट सर तो एफिशिएंसी वेरिएंस माइनस में 825 है स्टैंडर्ड आवर्स निकालने हैं तो एक्स लिख लिया एक्चुअल आवर्स 2560 अ स्टैंडर्ड रेट 7.5 रुपए लेना माइनस 825 ये 7.5x हो गया 2560 7.5 फाइव सिक्स जीरो इंटू सेवन पॉइंट को सॉल्व कर लोगे तो एक्स आ जाएगा आपका टू फोर फाइव जीरो विल बी आ फाइनल आंसर बी विल बी योर फाइनल आंसर टू फोर फाइव जीरो वन सिक्सटी थ्री सिंगल इट सेल्स फॉर रूपी फोर्टी सेलिंग प्राइस है साठ हजार रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो है चालीस परसेंट पीवी रेशियो है चालीस परसेंट ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में बताना है सर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन में कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट फिक्सड कॉस्ट है साठ हजार कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर सेलिंग प्राइस 40 है पीवी रेशियो 40% है तो 16 तो 60000 16 3750 यूनिट विल बी और ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में फाइनल आंसर विल बी सी 3750 लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू द फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट क्लासिफिकेशन है ए स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ सर अभी तो आया था फ्लेक्सीबल बजट में इसकी रेलिवेंसी होती है इसके बाद मैथ्स द फॉलोविंग गिवन है हमारे एग्जाम में मैथ्स लाइक क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैथ्स द फॉलोइंग इन कॉलम वन विद द अप्रोप्रिएट इन कॉलम टू यहां पे हमारे पास ट्वेंटी टू मैथ्स द फॉलोविंग इस तरीके से गिवन है तो हमें ये कवर करने की आज कोशिश करनी है और इसी सीक्वेंस में बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करूंगा पॉइंट नंबर क्या होता है हमारे पास कुछ कॉलम वन में है, कह सकते हो, या है. और कॉलम टू के साथ हमें मैच करना है इसको हाई इनवेंट्री टर्न ओवर रेशियो सर हाई इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो क्या वर्क्स ओवर का पार्ट होता है Sir, से इसका कोई रिलेशन नहीं होता क्या ये कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है सर इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो कोई कॉस्ट नहीं होती क्या इसका कोई को प्रोडक्ट को प्रोडक्ट मतलब कंबाइंड प्रोडक्ट ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में जो आप देखते हो सर हाई इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो का वहां पर भी ऐसा कोई यूज नहीं है क्या ये सेल्स एंड प्रोडक्शन बजट का पार्ट है आंसर इज नो क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवर पार्ट है आंसर इज नो क्या इसका प्रॉफिट एंड लॉस बजट से कोई रिलेशन है सर नो प्रॉफिट एंड लॉस बजट इज द पार्ट ऑफ मास्टर बजट Rationality in wage structure. Wage structure कैसे decide किया जाए क्या इसमें high turnover ratio help करता है है हमें बताता कि एक स्पेसिफाइड पीरियड में हमारी इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री कितनी बारी यूज हो गई अगर ये इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो हाई है इसका मतलब यह है कि आप अपने एवरेज रॉ मटेरियल को काफी ज्यादा एफिशिएंटली यूज करते हो मतलब बार 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 वो चेंज होता रहता है इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो की प्रॉपर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो चेंज इन इन्वेंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड और इसको नंबर ऑफ टाइम्स में इंडिकेट किया जाता है तो ये इंडिकेट करता है कितनी बारी हमारी इन्वेंट्री कितनी बारी हमारी एवरेज इन्वेंट्री पूरे साल में चेंज हो गई जितनी ज्यादा बार चेंज हो जाती है इसका मतलब हम अपने स्टॉक को एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एच दैट इज ट यूज ऑफ स्टॉक हाई इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो का मतलब होता है एफिसियंट यूज ऑफ स्टॉक सेकेंड है सर आंसर इज नो क्या जॉब इवेल्युएट करना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पार्ट होता है आंसर इज नो सिंपल मैं बात करूं जॉब इवेल्युएशन में क्या किया जाता है एक जॉब को इवेल्युएट किया जाता है कि ये जॉब किस तरीके की है कि किस वर्कर को देनी चाहिए और उसके लिए क्या वेजेस पे की जानी चाहिए यह डिसाइड करना जॉब इवेल्युएशन का काम है जॉब इवेल्युएशन का, का, से का पार्ट है आंसर इज नो क्या ये सेल्स एंड प्रोडक्शन बजट में होता है आंसर इज नो क्या इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर से कोई रिलेशन है नो क्या ये पीएल बजट का पार्ट है आंसर इज नो रैशनलिटी इन स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर क्या हो इसमें रैशनलिटी मतलब समझदारी से डिसाइड करना सर यस जॉब इवेल्युएशन का मतलब ही होता है वेज स्ट्रक्चर को डिसाइड करना विद रैशनल मतलब किस जॉब के लिए किस पर्सन को काम दिया जाए उसके लिए क्या वेजेस होनी चाहिए तो सेकंड जो जॉब इवेल्युएशन है दैट इज रिलेटेड विद डी सैलरी ऑफ प्रोडक्ट डिजाइनर जो प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं उनको जो सैलरी पे की जाती है क्या ये वर्क्स ओवर का पार्ट होता है सर आंसर इज यस जब हम कॉस्ट शीट पढ़ते हैं तो अगर सैलरी ऑफ प्रोडक्ट डिजाइनर हो तो हम उसको वर्क ओवर में शो किया करते हैं तो इसका आंसर होगा ए बाई प्रोडक्ट सर याद करो जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट कंबाइंड प्रोडक्ट तो बाई प्रोडक्ट और कंबाइंड प्रोडक्ट का रिलेशन होता है दैट विल बी सी इसका आंसर ये जो बुकलेट है इसमें गलत दिवा गिवन है प्रोडक्ट वैल्यू को इन्होंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेट किया जो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी को प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट कंबाइंड प्रोडक्ट ये रिलेशन होते हैं जेपीबीपी में और मास्टर बजट में दो तरीके के बजट बनते हैं एक प्रॉफिट एंड लॉस और एक हम बैलेंस शीट बनाते हैं मास्टर बजट का डायरेक्ट रिलेशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस बजट के साथ इट इज रिलेटेड टू एफ हाई इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो एच जॉब इवेल्यूएशन डी सैलरी ऑफ प्रोडक्ट डिजाइनर ए बाई प्रोडक्ट वैल्यू सी मास्टर रेशनिटी सैलरी ऑफ प्रोडक्ट डिजाइनर इज द पार्ट ऑफ वर्क ओवर हेड बाई प्रोडक्ट वैल्यू इज रिलेटेड टू को प्रोडक्ट मास्टर बजट इंक्लूड प्रॉफिट एंड लॉस बजट मैथ फॉलोविंग में हो सकता है मीनिंग गिवन ओ हो सकता है रिलेशन गिवन ओ तो अपने को बस ये देखना है कि क्या मेरे पास जो लेफ्ट साइड में आइटम गिवन है ट्रांजेक्शन गिवन है स्टेटमेंट गिवन है उसका राइट right साइड में जो स्टेटमेंट गिवन है उससे क्या कोई भी तरीके का है? अगर यस yes, तो मैच मैं करके दिखाना है आगे बढ़ूंगा सेकंड मैच द फॉलोइंग पे मूव करूंगा सेकंड मैच द फॉलोइंग सेकंड कॉलम वन में लिखा हुआ जॉब टिकट जॉब टिकट का मतलब होता है टिकट क्या होता है टिकट का मतलब एक कार्ड टाइप होता है जॉब टिकट का मतलब एक जॉब के अंदर लिख लिया जाता है कि किस वर्कर ने कितना कितना इस जॉब पे काम किया एस्केलेशन क्लोज एस्केलेशन क्लोज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कवर होता है ई. डी एनालिसिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, कन्वर्जन कॉस्ट सर जॉब टिकट क्या ये इन्वेंट्री कंट्रोल टिकट टेक्निक आंसर इज नो क्या ये बीईपी चार्ट से रिलेट करता है नो no. क्या जॉब टिकट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में कवर होती है आंसर इज नो क्या जॉब टिकट का लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरिज से कोई रिलेशन आंसर इज नो सर जॉब टिकट क्या है, है. एक है तो वन का आंसर होगा ई e. जॉब टिकट जो है वो एक मेथड है टाइम बुकिंग की इसमें टाइम बुक किया जाता है कि किस वर्कर ने कितना टाइम इस जॉब पे दिया है नेक्स्ट है एस्केलेशन क्लोज एस्केलेशन क्लोज इज कवर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो सर इट विल बी रिलेटेड टू सी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पीई एनालिसिस पीई एनालिसिस हम देखते हैं मटेरियल कॉस्टिंग के टॉपिक में इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक होती है इट विल बी रिलेटेड टू ए टेक्निक ऑफ टेक्निक्री कंट्रोल ए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कवर्ड इन ब्रेक इवन पॉइंट चार्ट इट विल बी रिलेटेड टू बी और कन्वर्जन कॉस्ट का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री तो लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री सर डी तो जॉब टिकट ए मेथड ऑफ टाइम बुकिंग एस्केलेशन क्लोज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पीडी एनालिसिस ए टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल एंगल ऑफ इंसिडेंस पीईपी चार्ट से रिलेट करता है कन्वर्जन कॉस्ट लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड होता है सिंपल था सेकंड तो नेक्स्ट थर्ड द फॉलोइंग कॉलम वन में लिखा हुआ है प्राइम कॉस्ट अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑपरेटिंग कॉस्ट जॉइंट कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सर प्राइम कॉस्ट क्या होती है क्या प्राइम कॉस्ट का सी एस नाइनटीन से कोई रिलेशन है आंसर इज नो सर सी एस नाइनटीन है जॉइंट कॉस्ट का क्या प्राइम कॉस्ट का पैसेंजर पर किलोमीटर से रिलेशन है सर पैसेंजर पर किलोमीटर सर्विस कॉस्टिंग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में कवर होता है क्या प्राइम कॉस्ट का डायरेक्ट कॉस्ट के साथ रिलेशन होता है सर आंसर इज यस प्राइम कॉस्ट का मीनिंग ही डायरेक्ट कॉस्ट होता है सारे के सारे जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उन सबका टोटल कहलाता है प्राइम कॉस्ट आंसर विल बी सी डायरेक्ट कॉस्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या सी एस नाइनटीन से इसका कोई रिलेशन है ज्वाइंट कॉस्ट से आंसर इज नो पैसेंजर पर किलोमीटर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का पार्ट है डायरेक्ट कॉस्ट चला गया क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉन्स्टेंट रहता है सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है एंगल ऑफ इंसिडेंस किस चीज को इंडिकेट करता है सर ये प्रॉफिटेबिलिटी रेट को इंडिकेट करता है तो इसका आंसर होगा ई एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रॉफिटेबिलिटी रेट को इंडिकेट करता है ऑपरेटिंग कॉस्ट जैसा कि मैंने कहा ऑपरेटिंग कॉस्ट में पैसेंजर पर किलोमीटर एज ए कॉस्ट यूनिट यूज की जाती है बी जॉइंट कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है ए और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो होती है वो कांस्टेंट रहती है तो डी प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रॉफिटेबिलिटी रेट को इंडिकेट करता है ऑपरेटिंग कॉस्ट में एज ए कॉस्ट यूनिट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग जो कि पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है लाइक बसेज रेलवेज मेट्रोज पैसेंजर पर किलोमीटर यूज करती है जॉइंट कॉस्ट सी एस नाइनटीन का नाम है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कॉन्स्टेंट रहती है नेक्स्ट मैज द फॉलोइंग पे मूव करूंगा फोर्थ मैच द फॉलोइंग कॉलम वन में लिखा हुआ है संक कॉस्ट अगेन वीईडी एनालिसिस रेलिवेंट कॉस्ट एफ एस एन एनालिसिस और एफ डब्ल्यू टेलर संक कॉस्ट सर कॉस्ट अफेक्टेड बाय डिसीजन मेकिंग नहीं संक कॉस्ट तो पास कॉस्ट होती है तो डिसीजन मेकिंग में किसी तरीके के लिए रेलिवेंट होती ही नहीं है इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन एंड कंट्रोल संक कॉस्ट का इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन में कोई रोल नहीं है

एनालिसिस yes, जो है वो कंट्रोल की एक टेक्निक है। तो एनालिसिस e, रिलेटेड e, जो हमने पहले भी देखा था। रेलिवेंट कॉस्ट जो होती है वो हमेशा डिसीजन मेकिंग के फास्ट स्लो एंड नॉन मूविंग इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन भी करता है और इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक भी है एफडब्ल्यू टेलर जो है जब हम लेबर का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम भी पढ़ते हैं तो टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है टेलर का पूरा नाम है एफ डब्ल्यू टेलर ये एक लेबर इंसेंटिव मेथड है आंसर विल बी डी तो सर संक कॉस्ट का मीनिंग होता है नॉट रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग पीई एनालिसिस एक इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक है रेलिवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि डिसीजन मेकिंग से अफेक्ट होती है एफ एस एन एनालिस इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक भी और क्लासिफिकेशन भी करती है ये फास्ट मूविंग स्लो मूविंग और नॉन मूविंग मटीरियल का और एफ डब्ल्यू टेलर हमें लेबर इंसेंटिव मेथड बताते नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग नंबर फाइव कॉलम वन में लिखा है रोवान अगर आपको याद हो तो हम जब

क्या रोवान एक सिंगल रेट ऑफ ओवरहेड है सर रोवान का ओवरहेड से कोई मतलब नहीं है लेबर से रिलेटेड है क्या रोवान हमें लेबर टर्न ओवर का कोई तरीका बताता है सर नहीं कैपिटल स्ट्रक्चर बोनस प्लान रोवान हमें बोनस प्लान बताते हैं रोवान हमें बोनस प्लान बताते हैं कि बोनस कैलकुलेट करना हो तो टाइम सेव्ड अपॉन में टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट फॉर्मुला अप्लाई करके आप बोनस कैलकुलेट कर सकते

तो ब्लैंकेट ओवर एड का मतलब है सिंगल रेट ऑफ ओवर एड ए ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूंगा मैं अभी आपके साथ सेपरेशन मेथड मेथड इज इज ए ऑफ लेबर दैट रिलेटेड टू बी तो ट्रेडिशनल अप्रोच का आंसर तो कैपिटल स्ट्रक्चर है सी लेकिन इंस्टीट्यूट की ये गलती है कि इनको कॉस्ट अकाउंटिंग जो ग्रुप वन का है उसमें ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच एक अप्रोच है कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने की बट वो कॉस्ट अकाउंटिंग है, 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 है तो इंस्टीट्यूट की बिट क्वेश्चन की बुकलेट बनाते वक्त तो ये मिस्टेक है कि उनको ये यहाँ पे नहीं देना चाहिए और मेरी ये उम्मीद है इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट इस तरीके का पॉइंट एग्जाम में आपको नहीं देगा क्योंकि इंस्टीट्यूट का कोई हक नहीं है कि वो ये एक्सपेक्ट करके चले कि आप हो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर देने और इंस्टीट्यूट आपसे एफ का एप्लीकेशन करवा ले मेरी उम्मीद है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है सिंपली मैंने आपको आंसर बता दिया ट्रेडिशनल अप्रोच इज रिलेटेड टू तो कैपिटल स्ट्रक्चर लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होता है नेक्स्ट मूव करेंगे सिक्स्थ मैच द फॉलोइंग कॉलम में लिखा हुआ है पॉइंट रेटिंग सिस्टम सर पॉइंट रेटिंग सिस्टम जहां तक मुझे याद है जॉब इवेल्यूएशन के मेथड्स में कवर होता है जस्ट इन टाइम सिस्टम अभी थोड़ी देर पहले ही आया था नॉर्मल वेस्ट ऑपरेटिंग इनकम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो चलिए जी मैच करते हैं पॉइंट रेटिंग सिस्टम क्या अब्जॉर्ब इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते वक्त आप कहीं पॉइंट रेटिंग सिस्टम लिखते हो सर आंसर इज नो पॉइंट रेटिंग सिस्टम जो है वो एक जॉब इवेल्यूएशन का मेथड है तो पॉइंट रेटिंग सिस्टम इज रिलेटेड टू बी जॉब इवेल्यूएशन जस्ट इन टाइम सिस्टम क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई कॉस्ट होती है जस्ट इन टाइम सर आंसर इज नो जॉब इवेल्यूएशन निकल गया ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स नो सर इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक है बार बार जस्ट इन टाइम सिस्टम आ रहा है और हमें पता है कि ये इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक है नॉर्मल पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग एक ही है कि कोई भी नॉर्मल नुकसान होता है तो वो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्टिंग के टॉपिक में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लिया करते हैं हालांकि मेरा फिर भी ये सजेशन है इंस्टीट्यूट को बेनिफिट कॉस्ट रेशियो जो है ये दोनों ही कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट नहीं है एक बार चलो ऑपरेटिंग इनकम आप कवर कर लो मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से हम कहते हैं सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स इज इक्वल टू जो प्रॉफिट कैलकुलेट होके आता है बस उसी प्रॉफिट को को ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग इनकम इनकम बोला जाता है और उस को हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोल देते हैं तो वैसे इसका आंसर सी है बट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है वो तो किसी भी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है ही नहीं अगेन ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड होता है कैपिटल बस्टिंग का टॉपिक होता है वहां पे जहां पे कैपिटल जो हमारा मेथड होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स उसी का दूसरा नाम होता है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो तो इसको अगर मैच करना हो तो मैं मैच कर देता हूं डी से बट अगेन मैं कहूंगा इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रुप मन तो सर पॉइंट रेटिंग सिस्टम तो एक मेथड है जॉब इवेल्युएशन का जस्ट इन टाइम सिस्टम एक इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक है नॉर्मल वेस्ट हमेशा ऑब्सॉर्ब किया जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऑपरेटिंग इनकम इज ऑल्सो नॉन एज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स शॉर्ट में ईबीआईटी एंड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इज ऑल्सो नॉन एज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स नेक्स्ट सेवंथ मैच द फॉलोइंग सैलरी ऑफ डायरेक्टर्स आलसे प्लान टॉन बर विलियम्स ग्रुप बोनस प्लान रोवान प्लान कॉस्ट ऑफ न्यू स्पेयर्स नेट कॉस्ट ऑफ रिकंडीशनिंग ओल्ड स्पेयर्स सैलरी ऑफ डायरेक्टर्स सर क्या इसका सी एस इलेवन से रिलेशन है सर यस कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड इलेवन जो है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ओवर इट और सैलरी ऑफ डायरेक्टर इज ए पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवर इट सैलरी ऑफ डायरेक्टर इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इलेवन सर इसका आंसर ए ही होगा हालसे प्लान हालसे प्लान सी एस इलेवन निकल गया हाल से हाल से अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हाल से प्लान हम लेबर इंप्लॉई कॉस्ट के चैप्टर में पढ़ते हैं क्या ये हमें कोई डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है सर आंसर इज नो क्या ये कोई वेस्ट रिडक्शन इंसेंटिव स्कीम आंसर इज नो क्या ये थर्टी थ्री वन थर्ड परसेंट ऑफ टाइम सेव सर नहीं हाल से तो फिफ्टी परसेंट ऑफ टाइम सेव्ड की बात करते हैं क्या ये कोई इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है नो बेस्ड ऑन टाइम सेव्ड यस आलसे प्लान जो है दैट इज बेस्ड ऑन टाइम सेव्ड वो कहते हैं 50 परसेंट ऑफ टाइम सेव्ड वर्कर को बोनस मिलना चाहिए तो so, हालसे प्लान विल बी रिलेटेड टू मैच विद एफ बेस्ड ऑन टाइम सेव्ड नेक्स्ट है जोन बर विलियम्स इसकी मैं बाद में आपके साथ बात करूंगा इसके बाद ग्रुप बोनस प्लान रोवान प्लान कॉस्ट ऑफ न्यू स्पेयर नेट कॉस्ट ऑफ रिकंडीशनिंग ओल्ड स्पेयर इसके लिए ग्रुप बोनस प्लान की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप बोनस प्लान होते हैं वेस्ट रिडक्शन इंसेंटिव स्कीम कि जो वेस्टेज हो रहा है उसको कम करने के लिए जो इंसेंटिव प्लान लाए जाते हैं उनको ग्रुप बोनस प्लान बोला जाता है इट विल बी रिलेटेड टू सी सर रोवान प्लान की मैं बात करूं तो ए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इलेवन निकल गया रोन भी इंप्लॉई कॉस्ट लेबर कॉस्ट टॉपिक का ही पार्ट है से तो रिलेट कर गया प्रपोर्शन ऑफ टाइम सेव टू टाइम अलाउड यस रोवान कहते हैं टाइम सेव्ड अपॉन में टाइम अलाउड का जो प्रपोर्शन है उसको मल्टीप्लाई करो टाइम टेकन से उसको मल्टीप्लाई करो रेट से बोनस की कैलकुलेशन के लिए तो रोवान प्लान इज रिलेटेड टू जी बेस्ड ऑन प्रपोर्शन ऑफ टाइम सेव टू टाइम अलाउड नेक्स्ट है कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ऑफ न्यू स्पेयर स्पेयर नेट ओल्ड नए स्पेयर को जब हम लगाते हैं या फिर मैं कहूं कि ओल्ड स्पेयर की रिकंडीशनिंग करते हैं तो वो कहलाता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इट इज रिलेटेड टू एच कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेल्व मैंने एक छोड़ दिया दैट इज जॉन पर विलियम्स एक्चुअल में जॉन पर विलियम्स जो है ये आपको डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल बताते हैं जॉन पर विलियम हमें एक डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल बताते हैं लेकिन फिर से मैं कहूंगा डिविडेंट डिस्काउंट मॉडल जो है कॉस्ट अकाउंटिंग में कहा से आया अगेन डिविडेंट डिस्काउंट मॉडल जो है इट इज दार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सेकंड ग्रुप में है तो जॉन बर्विलियम का आंसर तो बी होगा लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है तो मैं से करता हूं कि में इस तरीके का ना पूछे ऑफ डायरेक्टर सी एस इलेवन क्योंकि सी एस इलेवन एडमिन बेस्ड ऑन टाइम सेवन बरविलियम हमें डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल बताते हैं ग्रुप बोनस प्लान वेस्ट रिडक्शन इंसेंटिव प्लान होते हैं

लेकिन कॉलम टू में आप देख सकते हो दस थे लेकिन जब हमने सेकंड देखा थर्ड देखा फोर्थ देखा फिफ्थ देखा सेम थे दोनों लेफ्ट और राइट right में क्वांटिटी नंबरिंग सिक्स में भी सेम था सेवंथ में फिर से अलग अलग है तो जरूरी नहीं है कि अगर लेफ्ट साइड में पांच से आइटम गिवन होंगे तो राइट right साइड में भी पांच गिवन हो जितने लेफ्ट साइड में होंगे कम तो से कम उतने तो राइट right साइड में होंगे बट राइट right साइड में आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा आइटम गिवन हो सकते हैं नेक्स्ट मैच फॉलोइंग नंबर एट पे मूव करेंगे कॉलम वन लेफ्ट साइड में लिखा हुआ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी संक कॉस्ट डायरेक्ट वर्कर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पी एफ टाइम एंड मोशन स्टडी प्राइमरी पैकिंग मटीरियल टेलीफोन और एंगल ऑफ इंसिडेंस कई बार आ गया सर ईओ क्यू को रिलेट करना है क्या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डायरेक्ट लेबर है सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें ये बताता है एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी परचेज करके लाए ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम आए क्या यह इन्वेंट्री मैनेजमेंट का तरीका है इन्वेंटरी मैनेजमेंट किया जाता है कि एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी परचेज करके लाऊं ताकि हमारी कॉस्टिंग कम से कम आए और यह एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का तरीका होता है तो डायरेक्ट लेबर से कोई रिलेशन नो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया कॉस्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेट को इंडिकेट करता है आंसर इज नो पहले ही मैं एक रिलेट कर देता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी रेट ये ऑलरेडी आप देख चुके हो पीछे कॉस्ट का डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के साथ कोई रिलेशन सर नो संक एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट सर यस जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं सर संक पास्ट कॉस्ट होती है जिसका डिसीजन मेकिंग से कोई रिलेशन नहीं होता तो संक कॉस्ट को कॉस्ट में इंक्लूड ही नहीं किया जाता तो इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट आंसर विल बी ई संक कॉस्ट इज रिलेटेड टू ई डायरेक्ट वर्कर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पी एफ अगर वर्कर डायरेक्ट है और तो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन टू पी एफ है दैट विल बी पार्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर सर ए से रिलेट करेगा टाइम एंड मोशन स्टडी सर डायरेक्ट लेबर हो गया इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया प्रॉफिटेबिलिटी रेट हो गया क्या टाइम एंड मोशन स्टडी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है सर नो no. एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट हो गया लेबर इंसेंटिव स्कीम सर टाइम एंड मोशन स्टडी जो है वो ये डिसाइड करने में मदद करता है कि वर्कर को अगर हमें इंसेंटिव देना है तो कौन सी मेथड के अकॉर्डिंगली हमें इंसेंटिव उनको देना चाहिए टाइम एंड मोशन स्टडी इज रिलेटेड टू एफ प्राइमरी पैकिंग मटेरियल जो होता है वो डायरेक्ट मटेरियल होता है तो डी टेलीफोन का जो खर्चा होता है वो अगर हमें डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो उसका जो बेसिस होता है वो होता है नंबर ऑफ एक्सटेंशन इन ए डिपार्टमेंट सर जी और एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने पहले ही रिलेट कर दिया प्रॉफिटेबिलिटी रेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का तरीका है संक कॉस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट कॉस्ट में कवर नहीं होता डायरेक्ट वर्कर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन टू पी है तो सर वो डायरेक्ट लेबर है टाइम एंड मोशन स्टडी हमें लेबर इंसेंटिव स्कीम डिसाइड करने में मदद करता है प्राइमरी पैकिंग मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट होती है टेलीफोन के खर्चे को जब डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो नंबर ऑफ एक्सटेंशन इन ए डिपार्टमेंट के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रॉफिटेबिलिटी रेट को इंडिकेट करता है नेक्स्ट मैच फॉलोइंग नंबर नाइन कॉलम वन में तीन ही आइटम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस डॉप टिकट जो पहले भी आ चुका है स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवर से रिलेट करता है सर नो टी एस टेन यस टीएस टेन का नाम ही है डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर बी डॉप टिकट क्या ओवर से रिलेट करता है नो ए मेथड ऑफ टाइम बुकिंग सर यस पहले भी हम बात कर चुके हैं स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ओवर का पार्ट है जब हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आप वहां पे डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड रिपीटेड रिडिट्रीब्यूशन मेथड ट्रायल एंड एरर मेथड्स ये मेथड्स देखते हो ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करने का मेथड है स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड डायरेक्ट एक्सपेंस सी एस टेन का नाम है जॉब टिकट एक मेथड है टाइम बुकिंग की और स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक मेथड है ये एक छोटा मैच द फॉलोविंग इन्होंने हमें दिया नेक्स्ट मैच द फॉलोविंग नंबर टेन कॉलम वन में लिखा हुआ sheet, है कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट शीट ठीक है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ओके पी एस वन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का होता है इक्वल इन प्रोडक्शन प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेट करता है डी मेरिट ऑफ ए सेंट्रलाइज्ड परचेज ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट शीट कॉस्ट शीट के कंपोनेंट की मैं बात करूं क्या हाई इनिशियल कॉस्ट सर आंसर इज नो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट तो सी वन का नाम है इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटेड यूनिट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को बोला जाता है रेफरेंस टू द जॉब द जॉब से रिलेटेड कोई भी जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट शीट का पार्ट होती है इसका आंसर होगा डी कॉस्ट शीट में कौन से कंपोनेंट होते हैं सर जो जॉब से रिलेट करते हैं

कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट शीट रेफरेंस टू द जॉब ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग सी एस वन का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटेड यूनिट और सेंट्रलाइज परचेज ऑर्गेनाइजेशन का डी है हाई इनिशियल कॉस्ट नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग नंबर इलेवन कॉलम वन में लिखा हुआ पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट जॉइंट कॉस्ट कैपेसिटी डिटर्मिनेशन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट और कॉलम टू में सी एस नंबरिंग क्वेश्चन सिंपली आपसे जानना चाहता है कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस नंबर का है पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट है सर सी एस फोर्टीन सी एस फोर्टीन डी जॉइंट कॉस्ट है सीएस नाइनटीन ई कैपेसिटी डिटर्मिनेशन है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू बी डायरेक्ट एक्सपेंस है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर टेन सी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है नाम क्या है सी एस एटीन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट सी एस टू है कैपेसिटी डिटर्मिनेशन का सी एस टेन है डायरेक्ट एक्सपेंसिस सी एस फोर्टीन है पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट एंड सी एस नाइनटीन है जॉइंट कॉस्ट सिंपल अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर विद नेम्स याद है तो नेक्स्ट जो है मैच द फॉलोइंग नंबर ट्वेल्व उसमें इंस्टीट्यूट ने क्या किया जो पांच अभी, अभी अभी आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम थे सबसे पहले तो वही लिख दिए सर पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट सी एस फोर्टीन है हमें पता है डी आ जाएगा जॉइंट कॉस्ट सी एस नाइनटीन है ई आ जाएगा कैपेसिटी डिटरमिनेशन सी एस टू है बी आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस सी एस टेन है आ जाएगा, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसिज कॉस्ट जो है सी एस एटीन है ए आ जाएगा तो ये तो आप मान लो कि गलती से इन्होंने शायद कॉपी पेस्ट कर दिया हो क्योंकि आंसर भी उसी तरीके से बन रहा है डीईबीसी फिर और इसमें ऐड कर दिया इन्होंने कहते हैं डोनेशंस नोशनल रेंट चार्ज टू द मेथड विच इज फॉलोड फॉर इवेल्युएशन ऑफ इक्वेलन प्रोडक्शन व्हेन प्राइसेस आर फ्लक्चुएटिंग डिफरेंस पॉइंट इन यूनिट का फॉर्मूला और जीरो so, तो हटा दिए मैंने एक तरीके से ठीक है? बस इनको देखते हैं, donation. Sir, donation क्या डोनेशन क्या no. का कोई फॉर्मूला होता है इस तरीके का डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट अपने पर यूनिट सर आंसर इज नो क्या डोनेशन कोई एवरेस्ट प्राइस मेथड है सर नहीं क्या डोनेशन एक्सपेंस डेबिट ओनली इन कॉस्ट अकाउंट क्या डोनेशन ऐसे एक्सपेंस जो केवल कॉस्ट अकाउंटिंग में आते हैं तो donation तो डोनेशन कॉस्ट अकाउंटिंग में आता ही नहीं है एप्रोप्रिएशन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट सर यस डोनेशन एक ऐसा खर्चा है जो केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है तो आंसर होगा जी मोशनल रेंट जो होता है वो तो आप केवल और केवल कॉस्ट अकाउंटिंग में दिखा सकते हो तो आंसर होगा आपका आई द मेथड विच इज फॉलोड फॉर इवेल्युएशन ऑफ इक्वल प्रोडक्शन अगर प्राइसेस बार बार फ्लक्चुएट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन एवरेज मेथड यूज करती है आंसर होगा एच इन डिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करने का फॉर्मुला होता है डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट अपॉन में डिफरेंस इन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आंसर होगा जी और जीरो बेस बस्टिंग एक डिसीजन पैकेज होता है पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट सी एस फोर्टीन है ज्वाइंट कॉस्ट सीएस नाइनटीन है डिटर्मिनेशन सी एस टू है डायरेक्ट एक्सपेंसिजीएस टेन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट सी एस एटीन है डोनेशन केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है नॉशनल रेंट केवल और केवल कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है वो मेथड जो कि जब बार बार प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं यूज किया जाता है एवरेज प्राइस मेथड होता है इन डिफरेंस पॉइंट का फॉर्मुला होता है डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट अपॉन में डिफरेंस इन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट और जीरो बेस बेस्टिंग एक डिसीजन पैकेज है नेक्स्ट थर्टीन नंबर मैच द फॉलोइंग कॉलम वन में लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट क्रेडिट एंड कलेक्शन वेयरहाउस हाउस रेंट रॉयल्टीज डेट्स ट्रांजिट इंश्योरेंस ट्रांजिट इंश्योरेंस सर ट्रांजिट इंश्योरेंस क्या वैल्यू ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट से रिलेट करता है सर यस कि आपका जो ट्रांजिट में गुड्स चल रहा है उसकी क्या वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंगली तो ट्रांजिट इंश्योरेंस का प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है ट्रांजिट इंश्योरेंस का आंसर होगा ए पैड डट्स पैड डट्स क्या है क्या ये फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड से रिलेटेड है क्या ये परसेंटेज ऑफ कैश कलेक्शन होता है सर यस पैड डट्स जो है वो हमेशा एक परसेंटेज टर्म में होता है दो परसेंट पांच परसेंट कुछ इस तरीके से सी विल बी द करेक्ट आंसर रॉयल्टी एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो यू कैन से डायरेक्ट एलोकेशन किया जाता है इसका आंसर होगा एफ वेयर हाउस का रेंट है रेंट जहां पे भी दिख जाए सर रेंट हमेशा एरिया के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बी विल बी योर आंसर क्रेडिट एंड कलेक्शन और एक बच गया एडवर्टीजमेंट देखो एडवर्टीजमेंट जो है एडवर्टीजमेंट से आपकी सेल्स वैल्यू जो है वो इंपैक्ट होती है और नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी कम या ज्यादा हो सकते हैं लेकिन फिर भी अगर बेटर क्लासिफिकेशन करना हो तो सर जो क्रेडिट एंड कलेक्शन है क्रेडिट एंड कलेक्शन है वो ज्यादा डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे और एडवर्टीजमेंट पे आपकी सेल वैल्यू डिपेंड करती है तो एडवर्टीजमेंट विल बी रिलेटेड टू ई

नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग नंबर फोर्टीन कॉलम वन में दस आइटम गिवन है प्राइमरी पैकिंग मटेरियल कंज्यूम्ड सर तो हमें पता है डायरेक्ट मटेरियल होता है कैप्टिव पावर प्लांट एक्सपेंस कैप्टिव पावर प्लांट एक्सपेंस का मतलब होता है अगर आप कोई भी मटेरियल प्लांट वगैरह बनाते हो तो आप खुद ही फर्दर आगे प्रोडक्शन के लिए यूज करते हो तो उसको कैप्टिव पावर प्लांट बोला जाता है पे पावर प्लांट की बात चल रही है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने एक पावर प्लांट बनाया लेकिन उस पावर प्लांट से जो बिजली वगैरह जनरेट होगी वो आप खुद ही अपनी फैक्ट्रीज वगैरह में यूज करते हो कैश डिस्काउंट अलाउड नॉर्मली कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होता स्क्रैप वैल्यू ऑफ अब नॉर्मल लॉस ऑफ फिनिश्ड आउटपुट फिनिश्ड आउटपुट अब नॉर्मल लॉस हुआ बेचा स्क्रैप रेट जनरेट हुआ कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल ऑफ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सर एडवर्टीजमेंट के लिए आप ऐसा करते हो On computer purchased for ऑन कंप्यूटर office फॉर office overhead, admin ऑफिस ओवर पार्ट है डोनेशन केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग का खर्चा है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन भी केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही आता है नॉशनल रेंट केवल और केवल कॉस्ट अकाउंटिंग में शो किया जाता है और नॉशनल इंटरेस्ट भी केवल और केवल कॉस्ट अकाउंटिंग में ही शो किया जाता है <laughs> अब देखते हैं किस तरीके से इसको रिलेट किया जा सकता है सबसे पहले है प्राइमरी पैकिंग consumed, कंज्यूम नॉट in इन sheet बट डेबिटेड टू पीएल में तो आता है ये फॉर्म पार्ट ऑफ ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस सर प्राइमरी पैकिंग ऑफिस एडमिन का पार्ट नहीं होता फॉर्म पार्ट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस सर प्राइमरी पैकिंग है केवल केवल और पैकिंग होता तो फिर भी सेलिंग का पार्ट हो सकता था बट प्राइमरी पैकिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सेलिंग ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसिस प्राइमरी पैकिंग मटेरियल कंज्यूम जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है इट विल बी रिलेटेड टू ई

तो कॉस्टिंग में तो नहीं आता अब देख लेते हैं कहां पे है नॉट शोन इन कॉस्ट शीट बट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट सर हो तो सकता है कैश डिस्काउंट जो है वो आप पीएल में दिखाते हो बट कॉस्ट शीट में नहीं दिखाते आगे देख लेते हैं और कोई आइटम फॉर्म्स पार्ट ऑफ ऑफिस एंड एडमिन सर नहीं फॉर्म पार्ट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस सर डिस्काउंट अलाउड तो आता है बट कैश डिस्काउंट तो नहीं देखा मैंने कभी प्रिटेड एज पार्ट ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंस चला गया ट्रीडेडेज डायरेक्ट एक्सपेंस ये भी खत्म है नॉट शोन इन कॉस्ट शीट बट क्रेडिटेड टू पीएल एक्सपेंस डेबिटेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट हो सकता है अप्रोप्रिएशन फाइनेंशियल अकाउंट से ये तो डोनेशन का पार्ट है तो डोनेशन के साथ मैं लिख देता हूं अप्रोप्रिएशन इन फाइनेंशियल अकाउंट एच अभी देखा था हमने एक्सपेंस डेबिटेड ओनली इन कॉस्ट अकाउंट

On sir, ये admin का पार्ट होता, आप इसके साथ भी लिख सकते हो फ्री सैंपल जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर है, है, वो केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखा जाता है एक्सपेंस डेबिट ऑनल फाइनेंशियल अकाउंट सर जी हो जाएगा इसके साथ नॉशनल इंटरेस्ट ऑन ऑनर कैपिटल सर इनकम कैरेक्टेड ऑनलाइन कॉस्ट अकाउंट होता है इसके साथ जे आ जाएगा क्या बच गया स्क्रैप वैल्यू ऑफ अब नॉर्मल लॉस ऑफ फिनिश्ड आउटपुट और साथ में ए हो गया बी हो गया सी डी ई एफ बचा हुआ है सर नॉट शोन इन कॉस्ट शीट बिल्कुल बट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल ठीक है एफ होगा क्योंकि अब नॉर्मल लॉस के कोई स्क्रैप वैल्यू हमें जनरेट हुई है अब नॉर्मल लॉस से ध्यान देना नॉर्मल लॉस से जनरेट होता है तो कॉस्ट शीट में आ जाता है बट अब नॉर्मल लॉस से होता है तो कॉस्ट शीट में नहीं आता इनकम है तो सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो आप एज ए इनकम शो कर ही लेते हो नेक्स्ट मैच द नंबर्स नंबर फिफ्टीन वन है द कॉन्ट्रैक्ट विच प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट प्लस एन एग्रीड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक्चुअल कॉस्ट प्लस साथ में एक एग्रीड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे किया जाता है सर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है तो so, अगर मैं कॉलम टू में देखूंगा तो ई e मुझे दिखाई देगा कॉस्ट प्लस लिखा हुआ है तो आंसर विल बी ई कॉस्ट कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट 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 इन कॉस्टिंग यूनिट क्या होती है सर हर एक अलग अलग माना जाता है और हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग कॉस्ट और प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट so, कॉस्टिंग में कॉस्ट यूनिट पर कॉन्ट्रैक्ट ही होता है तो so, अगर मैं कॉलम टू में देखूंगा तो जी मुझे दिखाई दे रहा है पर कॉन्ट्रैक्ट अब नॉर्मल लॉस इज ट्रांसफर टू पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अब नॉर्मल लॉस इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो सर आई जो है यूज किया जाता है एवरेज प्राइस मेथड किलो वॉट जॉब कॉस्टिंग सर जॉब कॉस्टिंग तो लिखा हुआ है नॉर्मल आउटपुट कॉस्ट प्लस पर बेड पर कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमोबाइल गैरेजेज में जॉब कॉस्टिंग यूज किया जाता है क्योंकि ऑटोमोबाइल गैरेज में आप जाके बताओगे कि भाई आपके व्हीकल में क्या दिक्कत है अकॉर्डिंगली ही तो वो क्या करेंगे जो भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जरूरत होती है करते हैं अंडर जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम ईच जॉब इज असाइंड वन आइडेंटिफाइंग जॉब ये किसकी डेफिनेशन है तो ये जॉब कॉस्टिंग की डेफिनेशन आंसर विल बी सी कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस इज बॉर्न बाय नॉर्मल लॉस जो होता है वो हम नॉर्मल आउटपुट से चार्ज कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से चार्ज कर लेते हैं यहां पे आपको डी दिखाई दे रहा है नॉर्मल आउटपुट इनहेरेंट फीचर ऑफ प्रोसेस इंडस्ट्री इज प्रोसेस इंडस्ट्री में आपको वर्क इन प्रोग्रेस देखने को मिलता ही मिलता है तो यहां पे जो जे है दैट विल बी द आंसर ऑफ पॉइंट नंबर सेवन कि प्रोसेस इंडस्ट्री की एक इनहेरेंट फीचर है कि आपको वहां पे वर्क इन प्रोग्रेस देखने को मिलता है द मेथड विच इज फॉलोड फॉर इवेलुएशन ऑफ प्रोडक्शन इक्विलोडक्शन प्राइसेज आर फ्लक्चुएटिंग सर अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि जब प्राइसेस बार बार फ्लक्चुएट करते हैं तो एवरेज प्राइस मेथड यूज होता है आंसर विल बी ए हॉस्पिटल का कॉस्ट यूनिट क्या होता है सर पर बेड एफ और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज का कॉस्ट यूनिट होता है किलोवाट आवर्स टॉवर आंसर विल बी बी तो द कॉन्ट्रैक्ट विच प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट प्लस एन एग्रीड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज नॉन एज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग द कॉस्ट यूनिट इज पर कॉन्ट्रैक्ट Abnormal loss is transferred to costing profit and loss account always. Job costing is used in automobile garages. Under job order cost system, each job is assigned when identifying job. It is known as job costing. Cost of normal loss is borne by normal output. Inherent feature of process industry is work in progress. The method which is followed for evaluation of equivalent production. When prices are fluctuating, is average price method. In hospital, the cost unit is per bed, and in electricity companies, the cost unit is kilowatt hours. Next, match the following number 16. Match the following number 16. इन डिफरेंस पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला हमें पता है डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है तो थोड़ी देर पहले ही आया था अगर मैं में देखता हूं तो सर एफ वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो फिक्सड कॉस्ट डिवाइड बाई प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आपको ई e में दिख जाएगा तो सर इसका आंसर होगा ई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कॉन्स्टेंट रहा करती है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कॉन्स्टेंट रहती है बट यहां पे अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टेंट वगैरह तो लिखा हुआ है फिक्सड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है आई इसका आंसर होगा पीवी रेशियो सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन मे सेल्स इन टू हंड्रेड कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन मे सेल्स इन टू हंड्रेड कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन मे सेल्स इन टू हंड्रेड सर जी में लिखा हुआ यह फॉर्मूला जी प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड कहलाता है मार्जिनल कॉस्ट प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड कहलाता है मार्जिनल कॉस्ट सर डी में लिखा हुआ है मार्जिनल कॉस्ट आंसर होगा डी ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको क्वांटिटी में कैलकुलेट करना हो फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन में कॉन्ट्रीब्यूशन सर यूनिट पर यूनिट सर बी में लिखा हुआ है आंसर विल बी बी पॉइंट अगर आपको वैल्यू में कैलकुलेट करना हो तो न्यूमरेटर तो डिफरेंस इन कॉस्ट ही रहता है डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन पी वी रेशियो हो जाता है सर आंसर होगा ए सट डाउन पॉइंट अगर आपको क्वांटिटी में कैलकुलेट करना हो सर क्वांटिटी है क्वांटिटी है तो ऊपर आएगा अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो होगा

पीवी रेशियो का फार्मूला होता है टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में टोटल सेल्स इन टू हंड्रेड प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड कहलाता है मार्जिनल कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन में कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इन डिफरेंस पॉइंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट अपॉन में डिफरेंस इन पीवी रेशियो शटडाउन पॉइंट क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट अपॉन में कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट शटडाउन पॉइंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल अच्छा द मैथिंग है 16, इससे आपके दस फॉर्मूले भी रिवाइज हो गए नेक्स्ट द फॉलोइंग नंबर सेवनटीन डायरेक्ट मटीरियल येरियांस फॉर्मूले की वन है हमें इनके फॉर्मूले बताने हैं डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस रेट मटीरियल प्राइस वेरियंस वेरियांस एनालिसिस डायरेक्ट लेबर यील्ड वेरियंट लेबर एफिशिएंसी वेरियंस मटेरियल का मिक्स वेरियंट गैंग वेरियंट्स गैंग मतलब कंपोजिशन वेरियंट्स आइडियल टाइम वेरियंट्स या आइडल टाइम वेरियंट होता है वैसे आइडियल नहीं होता डायरेक्ट मटेरियल का यूसेज वेरियंट देखो एक एक करके करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस की मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस करते हैं तो हमारे क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला क्या बना सर तो दोनों में ही आप क्या कर रहे हो स्टैंडर्ड प्राइस को मल्टीप्लाई कर रहे हो और स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से माइनस हो रहा है यहां पे quantity, तो तो इसका मतलब यही है दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूसेज जी मटेरियल यूसेज वेरियंस का फॉर्मूला आपका मैच हो रहा है जी में

सर सेकंड में लेबर रेट वेरियंस है तो सर ए जो फॉर्मूला है वो तो होगा सेकंड का इस तरीके से भी डिसाइड किया जा सकता है एक्चुअल आवर्स एट स्टैंडर्ड रेट ऑफ स्टैंडर्ड गैंग माइनस एक्चुअल आवर्स एक्चुअल आवर्स एट स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्चुअल गैंग सर अभी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा छोड़ देते हैं मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन सर वेरियंस एनालिसिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्सेप्शन सी होगा में से आप actual rate minus करके, actual hours से आप करके कर रहे हो सर so, ये फॉर्मूला है लेबर रेट वेरियंस का so, मैंने अभी अभी लेबर रेट वेरियंस का फॉर्मूला यहां पे भी तो देखा स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल माइनस एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल

मैंने स्किप किया हुआ है सी हो गया डी हो गया नेक्स्ट है स्टैंडर्ड रेट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो एक्चुअल आवर्स पेड से और उसमें से माइनस कर रहे हो सर स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स तो कहीं ना कहीं इसमें दोनों में क्या है एक्चुअल आवर्स है और दोनों में ही क्या कर रहे हो आप स्टैंडर्ड रेट अप्लाई कर रहे हो लेकिन ध्यान देना ये है एक्चुअल आवर्स पेड और ये है एक्चुअल आवर्स वर्क एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर्स वर्ल्ड का डिफरेंस होता है आइडल आवर्स और आइडल आवर्स को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कहलाता है आइडल टाइम वेरियंस आइडल टाइम का फॉर्मूला है ये ई e में तो आप आइडल टाइम के साथ लिख सकते हो ई e. E. आगे सर जे देख लू एक बार जहां दिख जाए वहां देख सकता हूं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस सर ये फॉर्मूला होता है मिक्स वेरियंट का वो भी मटेरियल का मटेरियल मिक्स वेरियंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है जे में मटेरियल मिक्स वेरियंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है जे में ठीक है सर ई e हो गया एफ स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी सर ये फॉर्मूला है मटेरियल प्राइस वेरियंस का मटेरियल प्राइस वेरियंस का तीसरा मटेरियल प्राइस वेरियंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है एफ में ये भी हो गया टी टी में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया स्टैंडर्ड प्राइस से माइनस कर रहे हो आप स्टैंडर्ड प्राइस तो सेम है दोनों में स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस लेकिन क्वांटिटी कौन सी ली तो है एक्चुअल तो यह है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस जी सर यह फॉर्मूला है मटीरियल प्राइस वेरिया का मटीरियल प्राइस वेरियां का जो मैं ऑलरेडी मटीरियल यूसेज वेरियांस का जो मैं पहले ही लिख चुका हूँ मटीरियल यूसेज वेरियांस का फॉर्मूला है जो मैं पहले ही लिख चुका स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ठीक है स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल मिक्स माइनस में एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट सर ये फॉर्मूला है मटीरियल यील्ड वेरिएंस का यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा हुआ एच में मटीरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है एच में ठीक है लेबर यील्ड का फॉर्मूला अभी तक दिखाई दिया नहीं है मुझे ये हो गया स्टैंडर्ड यूल्ड फॉर एक्चुअल मिक्स माइनस एक्चुअल यूल्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड यूल्ड प्राइस स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल मेक्स माइनस एक्चुअल यील्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड यील्ड का प्राइस सर ये जो फार्मूला है ये भी आपका यील्ड वेरिएंस का ही फार्मूला है तो ये आप मेंशन करोगे लेबर यील्ड वेरिएंस में आई लेबर यील्ड वेरिएंस में आई ठीक है अब क्या-क्या बच गया आपका

एलिमिनेशन प्रोसेस के साथ भी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ सकता है एग्जाम में अगर हमें किसी फॉर्मूले को लेकर कोई दिक्कत हो डाउट हो या फिर सिलेबस के अकॉर्डिंगली ना दिखाई दे तो अब अगर मैं बात करूं तो सर यू कैन से डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल मिक्स माइनस में एक्चुअल आउटपुट सेकंड डायरेक्ट लेबर रेट वेरियंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाईसियंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल डायरेक्ट लेबर यील्ड वेरियंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल मिक्स माइनस एक्चुअल स्टैंडर्ड यील्ड प्राइस लेबर यील्ड के बाद नेक्स्ट है डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस सर फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस का जो फॉर्मूला है यू कैन मेंशन रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस गैंग वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो तो आप लिख सकते हो एक्चुअल आवर्स एट स्टैंडर्ड रेट ऑफ स्टैंडर्ड गैंग माइनस एक्चुअल आवर्स एट स्टैंडर्ड रेट ऑफ स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्चुअल गैंग नेक्स्ट है आपका आइडल टाइम वेरिएंस सर यू कैन मेंशन आइडल टाइम वेरिएंस का स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स पेड माइनस कर दो स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स होता ये फाइनली आइडल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरियांस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी सिंपली कहूं तो सर ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस होता है नेक्स्ट नेक्स्ट मैच फॉलोइंग नंबर 18 मैच द फॉलोइंग नंबर 18 मैच द फॉलोइंग नंबर एटीन कॉलम वन में लिखा हुआ है मास्टर बजट डिनोट्स द समरी ऑफ फाइनेंशियल मींस स्पेसिफाइड पीरियड फ्लेक्सिबल बजट मास्टर बजट फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल फंक्शनल बजट प्रिंसिपल की फैक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट डिसीजन पैकेज कैश बजट पर चेक करेंगे बाद में डिसाइड करेंगे वैसे अगर मैं कहूं तो अभी तक मास्टर बजट डिनोट द समरी ऑफ फंक्शनल बजट हुआ करता है बट

वो एक्सप्रेस किया जाता है किस टर्म्स में सर फाइनेंशियल मींस में हो सकता है होता भी है स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होता है फ्लेक्सिबल बजट मास्टर बजट दिस वन अभी मेंशन करना सही नहीं होगा विच बजट इज प्रिपेयर फॉर ए लॉन्गर पीरियड तो लॉन्गर पीरियड के लिए बनते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के बजट आप इसमें सिंपली एच मेंशन कर सकते बजट इज जनरली प्रीपेर्ड फॉर हाउ लॉन्ग बजट जो है कितने लॉन्ग पीरियड के लिए बनाए जाते हैं तो सर बजट जो है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए बनाए जाते हैं यू कैन से सर बी विल बी द आंसर दिच बजट इज प्रिपेड फॉर मोर देन वन लेवल ऑफ एक्टिविटी सर फ्लेक्सीबल बजट जो होता है वो एक से ज्यादा लेवल ऑफ एक्टिविटी में बनता है आंसर विल बी सी द समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट इज नॉन एज मास्टर बजट फंक्शनल बजट की जो समरी होती है वो मास्टर बजट में होती है डी तो इसी के साथ यू कैन से सर मास्टर बजट डिनोट द समरी ऑफ फंक्शनल बजट एफ

देखो बजट जो है वो फाइनेंशियल मीन में तो होता है बट क्वांटिटी टर्म्स में भी होता है इस वजह से मैंने इंडिकेशन पहले नहीं दिया बट अब लास्ट में जब आप कुछ बचा ही नहीं तो आप कह सकते हो सिंपली इट इंडिकेट्स इन फाइनेंशियल टर्म्स इस तरीके से आप 18 का आंसर दे सकते हो मास्टर बजट डिनोट्स द समरी ऑफ फंक्शनल बजट ए फ्लेक्सिबल बजट टेक्स इन टू अकाउंट फिक्सड वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट ए बजट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मीन

नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग नंबर 19 कॉलम वन में लिखा हुआ इंप्यूटेड कॉस्ट ठीक है एफ एस एन एनालिसिसके है कैप्टिव पावर प्लांट एक्सपेंसेस ठीक है अब नॉर्मल लॉस इज ट्रांसफर टू ठीक है वेरियांस एनालिसिस सर ये सारे के सारे पॉइंट पहले भी कहीं ना कहीं आए हुए हैं इंप्यूटेड कॉस्ट क्या ये कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक है नो ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसर पावर प्लांट जो खर्चा होता है कैप्टिव पावर प्लांट वो पार्ट ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंस होता है इसका आंसर बी होगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अब नॉर्मल लॉस चला जाता है तो फोर्थ का आंसर सी होगा प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग मटीरियल सर एफ एस एन एनालिसिस जो है वो मटीरियल को क्लासीफाई करता है एफ एस एन एनालिस का आंसर डी होगा डायरेक्ट एलोकेशन नॉट इन्वॉल्विंग कैश आउटले सर इंप्यूटेड कॉस्ट में किसी तरीका का कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता िसनेजमेंट बाई एक्सेप्शन जी तो इंप्यूटेड कॉस्ट नॉट एनालिसिस, प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग मटीरियल पावर प्लांट एक्सपेंसर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंस अब नॉर्मल लॉस इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिस इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन नंबर तो जब वो सिंपल था क्योंकि पहले भी ऑलरेडी ये सब आ चुका है मैच द फॉलोइंग नंबर ट्वेंटी कैश डिस्काउंट अलाउड नॉट इन कॉस्ट शीट में नहीं आता बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है सर इसका आंसर डी होगा एस्केलेशन क्लोज पहले भी आ चुका है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से रिलेट करता है सर एफ होगा पी एस नाइनटीन हमें याद है ज्वाइंट कॉस्ट से रिलेट करता है सर आंसर ए होगा नॉशनल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है तो क्योंकि इसी तरीके की कोई कॉस्ट आउटफ्लो नहीं होता किसी तरह का कैश आउटफ्लो नहीं होता जिसको इंप्यूटेड कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता आंसर बी होगा और जीरो बेस बस्टिंग एक डिसीजन पैकेज है तो तो आंसर जी होगा ये तो एक again, एक अगेन सिंपल मैच द फॉलोइंग था कैश डिस्काउंट अलाउड नॉट शॉन इन कॉस्टीट बट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एस्केलेशन क्लोज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सी एस नाइनटीन ज्वाइंट कॉस्ट है शनल कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज इंप्यूटेड कॉस्ट सीरोस्टिंग इज ए डिसीजन पैकेज नेक्स्ट मैथ द फॉलोविंग नंबर ट्वेंटी वन फॉलम वन सर फार्मा इंडस्ट्री फार्मा इंडस्ट्री में बेच कॉस्टिंग यूज होता है सर आंसर डी होगा मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन वीरियांस एनालिसिस होता है सर आंसर एफ होगा एसेसमेंट ऑफ इंप्लॉई विद रेस्पेक्ट टू ए जॉब देख लेंगे अभी रॉयल्टी सर डायरेक्ट एलोकेशन होता है रॉयल्टी डायरेक्ट एलोकेशन होता है बी सी एस नाइनटीन ज्वाइंट कॉस्ट है सी बच गया एसेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय विद रेस्पेक्ट टू जॉब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है सर आंसर इज नो डायरेक्ट एलोकेशन निकल गया ज्वाइंट कॉस्ट निकल गया बैच कॉस्टिंग निकल गया मैरिट रेटिंग यस फिर एनालिसिस निकल गया जॉब इवेल्यूएशन यस असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉ विद रेस्पेक्ट टू ए जॉब जब हम ये देखते हैं कि भाई ये जॉब किस पर्सन को देनी चाहिए तो इसका जो असेसमेंट किया जाता है दिस इज नॉन एज जॉब इवेल्युएशन सर आंसर होगा जी मेरिट रेटिंग तो एक अगेन मेथड है जॉब इवेल्युएशन का तो बेटर जो आंसर है वो होगा जी क्योंकि असेसमेंट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू तो जॉब इज जॉब इवेल्युएशन फार्मा इंडस्ट्री में बैच कॉस्टिंग अप्लाई होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज रिलेटेड टू वेरिएंस एनालिसिस असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय विद रिस्पेक्ट टू तो ए जॉब इज नॉन एज जॉब इवेल्युए डायरेक्ट एलोकेशन खर्चा है सी एस नाइनटीन होता है जॉइंट कॉस्ट लास्ट मैच फॉलोइंग नंबर ट्वेंटी टू है नॉशनल कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज इंप्यूटेड कॉस्ट एफ लेबर टर्न ओवर लेबर टर्न ओवर सर देखते हैं अभी थोड़ी देर में सी एस टेन डायरेक्ट एक्सपेंस का नाम है डी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कवर्ड होता है एस्केलेन क्लोथ जी CS19 है जॉइंट कॉस्ट का नाम सीएस नाइनटीन चलिए ये भी देखते हैं तो दो बज गए लेबर टर्न ओवर सी एस नाइनटीन लेबर टर्न ओवर रिप्लेसमेंट मैथडर लेबर टर्न ओवर का एक मैथड है रिप्लेसमेंट मैथड ए सीएस नाइनटीन सी एस नाइनटीन तो मुझे यहां पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा रिप्लेसमेंट मैथड लेबर टर्न ओवर में चला गया कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी सी एस नाइनटीन तो नहीं है Production strategy भी नहीं है डायरेक्ट एक्सपेंस सी एस टेन हो गया एस्केलेशन क्लोज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है CS 19 से related तो सर यहां पे कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है टीएस से रिलेटेड यहाँ पे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है अगर मैं फिर भी एक बार चेक कर लूँ कि इन्होंने क्या आंसर दिया हुआ है ट्वेंटी टू का फाइव का तो सी दिया हुआ है सर

क्लोज तो पर ये 22 मैचेस द फॉलोइंग है जिसमें आप देखो कि काफी सारे मैचेस द फॉलोइंग कहीं-कहीं मैच भी करते हैं तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से इसको आधे से एक घंटा देके अच्छे से रिवाइज करें तो काफी सारे कांसेप्ट हैं और इवन मैचेस द फॉलोइंग हमने देखा है बट एग्जाम में इसी चीज को एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रू फॉल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं ये हमें एग्जाम में तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स या कोई भी अदर टाइप ऑफ शॉर्ट ऑफ क्वेश्चन उनको करने में काफी हेल्प करेगा बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट कर रहा हूं फॉल्स फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इज ए यूनिक मेथड ऑफ कॉस्टिंग टू डिटरमाइन कॉस्ट एक्यूरेटली देखो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग जो होता है क्या यूनिफॉर्म कॉस्टिंग आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना बताता है सर आंसर इज नो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग हमें कोई कॉस्ट कैलकुलेट करना नहीं सिखाता यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या है मान लो मेरी एक कंपनी है और मैं पांच फैक्ट्रीज रखता हूं और अगर पांचों फैक्ट्रीज में मैं कॉस्ट कैलकुलेशन का सेम तरीका यूज करता हूं तो मैं कहूंगा मैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग यूज कर रहा हूं मतलब सेम तरीका यूज कर रहा हूं कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग हमें कोई कॉस्ट कैलकुलेट करना नहीं सिखाता ये तो एक सिस्टम है कि अगर कई ऑर्गेनाइजेशन एक ही जैसा तरीका यूज करे कॉस्ट कैलकुलेशन का तो हम कह देते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो हमारा यहाँ पे पोल्स है ये जो स्टेटमेंट है ये तो हमारा यहाँ पे पोल्स हो गया सेकंड सेकंड स्टेटमेंट

इस सिचुएशन में सारा का सारा ही एज ए डायरेक्ट वेज चार्ज होता है ये जो सिचुएशन इन्होंने बताई है एज ए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और कुछ ओवर टाइम प्रीमियम जो है वो फैक्ट्री ओवर चार्ज किया जाता है ये सिचुएशन तब होती है जब एक ऑर्गेनाइजेशन ओवर टाइम इेगुलर बेसिस पे करवाती है इेगुलर बेसिस का मतलब कभी कभी ओवरटाइम करवाया जाए कभी कभी ना करवाया जाए बट यहां पे तो आप जनरल पॉलिसी बना रखते हो कि ओवर टाइम हम करवाएंगे तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट नंबर थ्री इन मार्जिनल एंड ऑब्जॉर्पन कॉस्टिंग वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट कॉस्ट सर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड को क्या आप डायरेक्ट कॉस्ट बोल देते हो मार्जिनल वर्सेस इज कॉस्टिंग में सर आंसर इज नो डायरेक्ट कॉस्ट में तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस ही हम कवर करते हैं तो so, ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो गया फोर्थ ऑपरेशन कॉस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आर इंटरचेंजेबली यूज फॉर द सेम टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग सर ये भी फॉल्स है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है सर्विस कॉस्टिंग जबकि ऑपरेशन कॉस्टिंग होता है प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट तो दोनों सेम तो नहीं है गलत है पॉइंट नंबर फाइव अ स्टैंडर्ड कॉस्ट आर कॉस्ट दैट आर एस्टिमेटेड कॉस्ट That are in the cost में हम कहते है, अगर हम ये काम करेंगे तो ये कॉस्ट इनको दोनों में माइनर सा फर्क लगता है, तो होती है एक तरीके से आइडियल कॉस्ट तो कॉस्ट हम चाहते हैं मतलब इतनी हमारी कॉस्ट होनी चाहिए जैसे मैं कहूँ कि मान लो बीस रुपए में मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना है और मुझे उसमें दो रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो मैं कहता हूँ अट्ठारह रुपए की कॉस्ट होनी चाहिए मेरी ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है लेकिन मैं एस्टिमेशन करूं कि इस प्रोडक्ट को बनाने में दस रुपए का मटीरियल लग जाएगा पांच रुपए की लेबर लग जाएगी चार रुपए का ओवर हेड लग जाएगा तो मैं कहूँ उन्नीस रुपए कॉस्ट आएगी इसको बनाने की तो ये मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट है तो क्या कॉस्ट होनी चाहिए दैट इंडिकेट स्टैंडर्ड कॉस्ट और सर क्या कॉस्ट होगी ट इज एस्टिमेटेड कॉल दोनों अलग अलग है तो आप इसको सेम uh, नहीं कह सकते तो ये भी फॉल्स है पहले आगे कंटिन्यू करेंगे बजट इज वन विच चेंजेस फ्रॉम ईयर टू ईयर कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट वो बजट होता है जो इयर टू ईयर चेंज होता है सर नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्लेक्सिबल बजट वो बजट होता है इसको हम एक से ज्यादा लेवल ऑफ एक्टिविटी बनाते 60 पे बनाते हैं सिक्सटी परसेंट पे प्रोडक्शन करूंगा क्या कॉस्ट आएगी एट्टी परसेंट पे करूंगा क्या कॉस्ट आएगी सर ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है स्टेटमेंट नंबर सेवन बोथ मटीरियल एंड लेबर याद करो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर हम मटीरियल वेरियां भी कैलकुलेट करते हैं और हम लेबर वेरियंसेज भी कैलकुलेट करते हैं तो ऑफकोर्स दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट

कि जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक तरीके से दो वराइटीज ही है जॉब कॉस्टिंग छोटे कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई होता है जबकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्शन तो लाइक कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई होते हैं और स्टेटमेंट नंबर टेन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स शुड बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स सर बिल्कुल गलत है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कैलकुलेट होता है या फिर कई बार वो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल पे भी अप्लाई होता है बट कॉस्ट ऑफ सेल्स के बेसिस पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स कभी भी कैलकुलेट नहीं होता है ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है सिक्स सेवन एट नाइन टेन में मैं बात करूं दो स्टेटमेंट ट्रू पाए गए और तीन स्टेटमेंट फॉल्स पाए गए एक बार आप रीड करके देखिए इनको नेक्स्ट इलेवन नंबर फिक्स्ड बजट इज आल्सो नॉन एज रिजिड बजट बिल्कुल ट्रू है फिक्स्ड कॉस्ट को रिजिड कॉस्ट भी बोल दिया जाता है तो आप फिक्स्ड कॉस्ट को रिजिड बजट भी बोल सकते हो फिक्स्ड इज इक्वल टू रिजिड नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर ट्वेल्व द एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट ऑन बाई प्रोडक्ट अफेक्ट द टोटल प्रॉफिट और लॉस कहते हैं जब हम ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करते हैं बाई प्रोडक्ट्स पे तो वो हमारे प्रॉफिट और लॉस को इंपैक्ट करता है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है बिल्कुल इंपैक्ट करता है कि जब आप जॉइंट कॉस्ट को बाई प्रोडक्ट में भी एलोकेट कर देते हो एक तो मैं कहूं बाई प्रोडक्ट में एलोकेट ना करो क्या, क्या होगा हमारी कॉस्टिंग ज्यादा दिखाई देगी और प्रॉफिट कम होगा लेकिन अगर आप बाई प्रोडक्ट में भी उसको एलोकेट कर दोगे तो जो मेन प्रोडक्ट है वो उस पर जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी अकॉर्डिंगली हमारे प्रॉफिट वहां से ज्यादा दिखाई देंगे तो इसका मतलब बाई प्रोडक्ट पे जब हम अपनी ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करते हैं तो उससे टोटल प्रॉफिट और लॉस पे इंपैक्ट आता है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दिस स्टेटमेंट इज ट्रू नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्टीन जॉब कॉस्टिंग इज अप्लाइड ओनली इन स्मॉल कंसर्न कहते हैं जॉब कॉस्टिंग केवल और केवल स्मॉल कंसर्न में अप्लाई होता है सर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जॉब कॉस्टिंग स्मॉल में अप्लाई होता है लार्ज में अप्लाई होता है जॉब कॉस्टिंग तो सिंपल एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है तो भी ऑर्गेनाइजेशन जॉब बेसिस पे काम करती है उस पर जॉब कॉस्टिंग अप्लाई होता है अब वो ऑर्गेनाइजेशन छोटी भी हो सकती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी भी हो सकती है जॉब बेसिस पे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करे तो वो स्मॉल ही हो ऐसा तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर्टीन फॉर डिसीजन मेकिंग ऑब्जॉर्ब कॉस्टिंग इज मोर सुटेबल

बट कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर तो डायरेक्ट वेजेस भी कवर होती है कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट कवर होता है कन्वर्जन कॉस्ट में ये स्टेटमेंट आपका गलत है नेक्स्ट पॉइंट नंबर कॉस्ट कॉस्ट कंट्रोल एंड एंड रिडक्शन आर वन द सेम आप पहले ही टॉपिक में कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन देखते हो कि कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में क्या डिफरेंस है तो सर दोनों सेम तो है ही नहीं इट विल बी फॉल्स नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेवनटीन एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर एट मिनिमम एंड ऑल्सो इक्वल डेफिनेशन ही यही कहती है एट इकोनॉमिक ऑर्डर ऑर्डर क्वांटिटी साइज हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट का समप और ये दोनों कॉस्ट जो होती है वो इक्वल होती है और समप इसका मिनिमम आपको देखने को मिलता है तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली ट्रू नेक्स्ट पॉइंट नंबर एटीन कॉस्ट ऑफ कंसील्ड आइडल टाइम इज चार्ज टू जॉब हैं जो कंसील्ड आइडल टाइम होता है मतलब वो आइडल टाइम तो हमें पता नहीं चलता उसकी जो कॉस्ट होती है वो जॉब से चार्ज कर लेते हैं सर ये स्टेटमेंट तो ट्रू है क्योंकि वो आइडल टाइम जो हमें पता नहीं चल पाता का मतलब वो नॉर्मल सिचुएशन है कंसील्ड हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की कॉस्ट में कवर हो जाता है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दिस स्टेटमेंट इज ट्रू नेक्स्ट नाइनटीन प्रिलीमिनरी एक्सपेंसेज इन द बैलेंस शीट इज इंक्लूडेडर फिक्स एसेट पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका कॉस्ट काउंटिंग से ऐसे कोई रिलेशन नहीं है देखो कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बैलेंस शीट क्यों आप यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की बात कर रहे हो क्यों बैलेंस शीट की बात कर रहे हो और फिक्स एसेट की क्यों बात कर रहे हो हमें यहाँ पे कोई बैलेंस शीट तो बनानी नहीं होती फिर भी चलो कवरेज कर लेते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इन द बैलेंस शीट इज इंक्लूडेडर फिक्स एसेट सर आंसर इज नो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एसेट साइड में जरूर आता है बट वो फिक्स्ड एसेट्स के अंडर में नहीं इस लेनियस एक्सपेंडिचर की हेडिंग के अंडर में आता है तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है नेक्स्ट पॉइंट नंबर अंडर द एवरेज प्राइस मेथड ऑफ वैल्यूइंग मटेरियल इश्यू जब हम मटेरियल इश्यू करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को और वहां पर अप्लाई करते हैं एवरेज प्राइस मेथड ए न्यू इश्यू प्राइस इज डिटरमाइंड डेटर इच परचेज स्टेटमेंट है क्योंकि वेटेड एवरेज मेथड जो होता है एवरेज प्राइस मेथड जो होता है उसमें जब भी हम नई परचेज करते हैं तो हमें एक नया एवरेज प्राइस फाइंड आउट होता है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अंडर द एवरेज प्राइस मेथड ऑफ वैल्यूइंग मटेरियल इशू ए न्यू इश्यू प्राइस इज आफ्टर ईच परचे नेक्स्ट ट्वेंटी वन पेड फॉर अब नॉर्मल आइडल टाइम आर एडेड टू वेजेस फॉर कैलकुलेटिंग प्राइम कॉस्ट सर अब नॉर्मल आइडल टाइम की वजह से तो भी वेजेस पेड की जाती है इवन मैं सिंपली कहूं कॉस्ट अकाउंटिंग में अब नॉर्मल रीजन की वजह से कोई भी कॉस्ट इनकर होती है वो तो, ट्रांसफर की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो ये स्टेटमेंट आपका गलत ओवरहेड पर यूनिट पर यूनिट रिमेन फिक्सड सर गलत है इनरेस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ आउटपुट फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट नहीं टोटेलिटी में फिक्स रहता है ये स्टेटमेंट गलत है फॉल्स नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसेटेनिंग कॉस्ट सर अगर आप डेफिनेशन ध्यान से पढ़ते हैं तो टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसेटेनिंग कॉस्ट को कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं कॉस्टिंग बोला जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग तो एक प्रोसेस है एलोकेशन अपोर्शनमेंट क्लासिफिकेशन बिल्कुल true है, prime cost में अगर आप वेरिएबल ओवर देते हो तो दिस कॉस्ट इज नॉन एज मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग के टॉपिक में सबसे पहले ही हम जब मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहां पे ये फॉर्मुला भी देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवर इट्स नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल आइडल टाइम इज चार्ज टू द प्रोडक्ट लेबर कॉस्ट सर अगेन वही बात अभी अभी 21 में भी ये लिखा था कि अब नॉर्मल आइडल टाइम जो है वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होने मतलब डायरेक्ट लेबर अब यहां पे भी ये लिखा हुआ अब नॉर्मल आइडल टाइम लेबर कॉस्ट का पार्ट होता है सर फॉल्स है अब नॉर्मल जो है कॉस्टिंग पीएल में जाता है ना प्राइम कॉस्ट का पार्ट है ना वो लेबर कॉस्ट का पार्ट है नेक्स्ट 26 कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट ए ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग तक बिल्कुल ट्रू है कॉस्ट अकाउंटिंग अलग ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग ब्रांच है एक्चुअल में दोनों अकाउंटिंग की ब्रांचेस है कॉस्ट अकाउंटिंग कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ब्रांच नहीं है ट्रू स्टेटमेंट 27 लेबर टर्न ओवर इज द चेंज इन लेबर फोर्स ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम द ट्रू स्टेटमेंट है लेबर टर्न ओवर का मतलब ही होता है चेंज इन लेबर फोर्स ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड नेक्स्ट ट्वेंटी एट पिन कार्ड शोज द क्वांटिटी ऑफ ए मटीरियल एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम द ट्रू है पिन कार्ड एक कार्ड होता है जो कि मटीरियल या प्रोडक्ट के साथ रखा हुआ होता है और कोई भी अगर मूवमेंट होती है मटेरियल की क्वांटिटी को लेकर तो वो उसमें रिकॉर्ड करी हुई होती है एक 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 सिंपल कहूं तो बक्सा सा होता 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 है 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 बॉक्स बॉक्स बिन का मतलब क्या होता है? एक बिन का मतलब मतलब क्या जिसमें हम कूड़ा डालते हैं कूड़ेदान तो इसी तरीके से मटेरियल जहां पे रखते हैं उसको बिन बोल दिया जाता है बिन बॉक्स आप उसको बोल सकते हो उसके साथ एक कार्ड रख दिया जाता है तो ये लिखा हुआ होता है कि इस बॉक्स में कितनी क्वांटिटी रखी हुई है अगर आप उसमें कोई भी क्वांटिटी ऐड करते हो तो बिन कार्ड में ऐड कर दोगे कोई भी क्वांटिटी उसमें से निकालते हो तो माइनस कर दोगे नेक्स्ट ट्वेंटी ऑपरेटिंग साइकिल द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट देखो ऑपरेटिंग साइकिल की अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग साइकिल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कवर होता है कैश जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसको वापस कैश में कन्वर्ट होने में कितना टाइम पीरियड लगता है उसको ऑपरेटिंग साइकिल बोला जाता है फिर भी यहाँ के हिसाब से बात करूं तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है एक यूनिट को बनाने में जो टाइम लगता है सर ये फोल्स है फोल्स स्टेटमेंट है नेक्स्ट थर्टी बाइल वर्किंग आउट द ईओ क्यू जब हम ईओ क्यू कैलकुलेट करते हैं कैरिंग कॉस्ट हैज द एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट बिल्कुल हम कहते हैं कैरिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट कॉस्ट में इंक्लूड होती है ईओ क्यू को कैलकुलेट करते वक्त और ईओ क्यू एक मैथमेटिकल मॉडल है तो कहते हैं इट कैन बी स्टेटेड दैट इंटरेस्ट कॉस्ट कॉस्ट इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ अंडर तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिक्स के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट कॉस्ट मटीरियल कॉस्ट का पार्ट होती है सर तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है हम ईओ क्यू कैल्कुलेट करते वक्त मैथमेटिकल फॉर्मुला अप्लाई करने के लिए ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए तो कैरिंग कॉस्ट कॉस्ट में इंटरेस्ट ले लेते हैं लेकिन जब मैं सी एस सिक्स पढ़ता हूं और वो जब हमें बताते हैं कि मटेरियल की परचेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाए तो उसके अंदर कहीं भी इंटरेस्ट कॉस्ट कवर नहीं होती मटेरियल की जो परचेज कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है उसमें तो कहीं भी किसी तरीके से इंटरेस्ट कॉस्ट कवर नहीं होती इवन सिंपल कहूं तो सी एस सिक्स को हमें

ड in का आप कंसिडर कर सकते हो और कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हो सर बिल्कुल कई जगह मैंने देखा है बेडेट्स को कंसिडर किया जाता है और कई जगह ऑथर का कहना है कि बेडेट्स को कंसिडर नहीं किया जाता बट अगर आप नॉर्मल बेडेट्स की बात करें तो यू कैन कंसिडर इन कैन कंसिडर की जाती है सेलिंग ओवर देना थर्टी टू थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कैरीज एंड कार्टेज एक्सपेंसिस ही हमें फ्रेट इन वर्ड दिखता है हमारे माइंड में क्लिक करता है मटीरियल को लाने का फ्रेट इन वर्ड लेकिन यहां पे क्या लिखा है सेज ऑफ फ्यूल फॉर ए फर्नेश इन एक्ट्री फर्नेश का मतलब होता है भट्टी फैक्ट्री में हम भट्टी जलाते हैं और उस भट्टी के लिए जो फ्यूल की जरूरत होती है उस फ्यूल को लाने के लिए जो कैरीज एंड कार्टेज का खर्चा होता है इज इीटेड एज डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट सर दिस इज कोल्स यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये जो फ्यूल फॉर ए, ए फर्नेशक्ट्री है इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते कैरीज इनवर्ड देख के कहते हैं सर ये ट्रू ट्रू है नहीं ट्रू तब होगा जब कैरीज इनवर्ड की बात करूं कैरीज इनवर्ड अगर कोई डायरेक्ट मटेरियल को लाने के लिए आप पे करते हो जैसे अगर मैं कहूं कि भाई रेमंड कंपनी शर्ट बनाने के लिए कपड़ा लेकर आती है और उस कपड़े को लाने के लिए फ्रेट इनवर्ड लगा दिस इज द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लेकिन अगर फैक्ट्री में भट्टी जलाने के लिए फैक्ट्री में किसी मशीन को चलाने के लिए फ्यूल आ रहा है और उसके लिए कोई कैरीज इनवर्ड आपने पे किया है ज नॉट द पार्ट ऑफ डायरेक्ट मेटीरियल कॉस्ट दिस इज दार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट तो सर यह स्टेटमेंट पोल्स है नेक्स्ट थर्टी थ्री वेन अंडर ऑब्जॉर्ड इज करेक्टेड बाई अप्लाइंग सप्लीमेंट्री रेट हम ओवरहेड के चैप्टर में अंडर ऑब्जॉर्बेशन ऑफ ओवरहेड निकालते हैं कहते हैं अगर अंडर ऑफ ऑब्जॉर्ब ओवरहेड को करेक्ट कर दिया गया कैसे बाई अप्लाइंग सप्लीमेंट्री रेट करंट पीरियड प्रॉफिट ड्यू टू अंडर ऑब्जॉर्ज इट इज करेक्टेड एंड ऑल ओवरियड यह कहते हैं हमने अंडर ऑफ ओवर हमें पता है अंडर ऑब्जॉर्न ऑफ ओवर एड का मतलब होता है कि हमने खर्चा कॉस्ट काउंटिंग में कम लिखा लेकिन अब हम ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ऑब्जॉर्बेशन भी देखते हैं और हम उसके लिए सप्लीमेंट्री रेट निकालते हैं तो कहते हैं सप्लीमेंट्री रेट निकाल के हमने उसको करेक्ट कर दिया तो क्या आप कह सकते हो कि करंट पीरियड के प्रॉफिट पे उसका किसी तरीके का कोई इंपैक्ट नहीं आया स्टेटमेंट तो फॉल्स है फॉल्स फॉल्स क्यों इसलिए है कि अंडर ऑफ़ ओवरहेड आपको करंट पीरियड कंप्लीट होने के बाद पता चलता है आप एक बजटेड ऑब्जॉर्ब रेट कैलकुलेट करते हो पूरे महीने के लिए एग्जाम्पल और जब एक्चुअल में खर्चा इनकर हो जाता है बाद ही तो अंडर ओवर कैलकुलेट करते हो और ये सारी कैलकुलेशन आप कब कर पाओगे नेक्स्ट मंथ अगर आप जनवरी के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो तो सप्लीमेंट्री रेट वगैरह की कैलकुलेशन करके आप करेक्शन करते हो जनवरी में पीछे जाके कैलकुलेशन नहीं हो सकती वो आपको एडजस्टमेंट करनी होती है जनवरी की फरवरी में तो जो जनवरी का प्रॉफिट है वह तो इंपैक्ट आएगा ही आएगा इस वजह से स्टेटमेंट गलत है क्योंकि करंट पीरियड में उसकी एडजस्टमेंट नहीं हो जाती उसकी एडजस्टमेंट नेक्स्ट पीरियड में होती है जिसकी वजह से करंट पीरियड के प्रॉफिट पे नहीं आएगा यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है करंट पीरियड के प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा नेक्स्ट फोर मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कॉन्स्टेंट बिल्कुल ठीक है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कॉन्स्टेंट इेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड विद इन द नॉर्मल आउटपुट लेवल सर बिल्कुल ट्रू है मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट कॉन्स्टेंट रहती है विद इन ए नॉर्मल लेवल ऑफ आउटपुट नेक्स्ट थर्टी फाइव एम लिमिटेड प्रोवाइड फ्री सर्विस फॉर इट्स कार फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ अ परचेज एक कंपनी है एम लिमिटेड जो भी उनकी कार परचेज करता है फर्स्ट ईयर में उनको वो फ्री सर्विसेस देते हैं ठीक है

डिस्ट्रीब्यूशन ओवर है नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट नंबर थर्टी सिक्स डेंजर लेवल ऑफ इन्वेंट्री शुड बी फिक्स बिलो द मिनिमम स्टॉक लेवल और हम थियोरिटिकली जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि डेंजर लेवल जो है वो मिनिमम स्टॉक लेवल से नीचे होना चाहिए यह ट्रू स्टेटमेंट है थर्टी सेवन वेन द आउटपुट लेवल इज मोर देन द एस्टिमेटेड लेवल ए गिवन प्रोडक्शन पीरियड इज एन ओवर ऑब्जॉर्न ऑफ ओवर अगर आपका आउटपुट लेवल एस्टिमेटेड लेवल से ज्यादा होगा तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग में ज्यादा कर लेते हो ओवर ऑब्जॉर्न आ जाता है नेक्स्ट थर्टी एट ए फर्म्स वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री विल नॉट एनी एलिमेंट ऑफ एलोकेटेड एडमिन ओवरहेड एक फॉर्म की डब्लूआई जो इन्वेंट्री होती है उसमें केवल और केवल और डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री ओवर की कैलकुलेशन हो जाती है लेकिन उसमें किसी तरीके का कोई का कोई एडमिन खर्चा नहीं होता है नॉट हैव एनी एलिमेंट तो सर ये ट्रू स्टेटमेंट है थर्टी नाइन इफ ए प्रोजेक्ट एनुअल कैश फ्लो हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस देर विल बी सर्टेनिटी सर्टेनली बी मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो थर्टी नाइन नंबर स्टेटमेंट है इफ ए प्रोजेक्ट एनुअल कैश फ्लो हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस देयर विल बी बी सर्टेनली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट अकाउंटिंग से इसका कोई रिलेशन नहीं है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब हम पढ़ेंगे तो आप देखोगे ये स्टेटमेंट ट्रू है जब कैश फ्लो में कुछ कैश फ्लो पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव होते हैं तो आपको वहां पे मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिल सकते कॉस्ट अकाउंटिंग से कोई रिलेशन नहीं है तो यहां पे ये बताना मेरे लिए मुश्किल है कि ऐसा क्यों होता है क्यों क्योंकि तो अगर मैं आपको कुछ भी बताऊंगा एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अभी भी इस टाइम पे कुछ भी बताना ना तो आपके लिए रेलिवेंसी है और ना ही मैं यहां पे आपका टाइम वेस्ट करना चाहूंगा नेक्स्ट है फोर्टी नंबर रॉयल्टी बेस्ड ऑन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज कंसिडर्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस बिल्कुल ठीक है तो आप रॉयल्टी पे करते हो यूनिट्स प्रोड्यूस पे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होते, है। होते हैं ट्रू स्टेटमेंट दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट नेक्स्ट फोर्टी वन आइडियल स्टैंडर्ड्स आर अचीवेबल इन नॉर्मल कोर्स आइडियल स्टैंडर्ड होते हैं बेस्ट आइडियल स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है बेस्ट स्टैंडर्ड्स अचीव करना और वो नॉर्मल कोर्स में अचीव किए जा सकते उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है जैसे आप नॉर्मली काम करते हो अगर उसी तरीके से काम करती रहेगी ऑर्गेनाइजेशन तो वो स्टैंडर्ड्स अचीव नहीं कर पाती तो आइडियल स्टैंडर्ड्स होते हैं आइडियल स्टैंडर्ड्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्टिविटी वगैरह बढ़ानी पड़ती है थोड़ा सा अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं नॉर्मल कोर्स में नहीं पॉसिबल नेक्स्ट फोर्टी टू अब नॉर्मल कॉस्ट आर अनकंट्रोलेबल सर अब नॉर्मल कॉस्ट को मैनेजमेंट विद एक्शन कंट्रोल कर सकता है तो ये स्टेटमेंट फोल्स है नॉर्मल जो कॉस्ट होती है अब नॉर्मल जो कॉस्ट होती है उसको कंट्रोल किया जा सकता है नॉर्मल जो कॉस्ट होती है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो अब नॉर्मल कॉस्ट आर अनकट्रोलेबल दिस इज ए फोल्स स्टेटमेंट नेक्स्ट फोर्टी थ्री बाई प्रोडक्ट में अंडर गो फर्दर प्रोसेसिंग बिफोर सेल बिल्कुल ट्रू है बाई प्रोडक्ट्स जो होते हैं सेल से पहले उसमें कुछ उस अदर फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद ही उस माल को बेचा जाता है क्योंकि नॉर्मली क्या होते हैं स्क्रैप जनरेट होते हैं और स्क्रैप्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद मार्केट में एज ए बाई प्रोडक्ट सेल किया जाता है तो उस उसपे फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ती है नेक्स्ट फोर्टी फोर मटीरियल विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद द गिवन प्रोडक्ट यूनिट आइडेंटिफाई कर सकते हो

लेबर टर्नओवर का मतलब होता है लेबर छोड़ के जा रही है ज्यादा तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ थोड़ी ना जाएगी उससे तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है यह स्टेटमेंट तो फ़ॉल्स हो गया लेबर टर्न की वजह से एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी कम होती है कॉस्ट बढ़ जाती है और यहां पे बिल्कुल अपोजिट लिखा हुआ है दिस स्टेटमेंट इज फोल्स नेक्स्ट 46, 46, सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन 47. 47. Penalties and fines. Penalties and fines. 46 देख लो पहले, होता क्या है कुछ मटीरियल इस नेचर के होते हैं जब आप उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर लेकर जाते हो उनका वेट कम हो जाता है इवेप्यूरेशन की वजह से वेट लॉस हो जाता है द द प्राइस ऑफ मटीरियल इज इन्फ्लेटेड टू कवर अप द तो हम उन दॉ को कवर करने के लिए क्या करते हैं अपने मटीरियल के रेट को इंक्रीज कर देते हैं एंड दिस इज टोटली ट्रू स्टेटमेंट इन केस ऑफ मटीरियल सफर लॉस इन वेट ड्यू टू इवेपुरेशन एटसेट्रा द दू प्राइस ऑफ द मटीरियल इज इन्फ्लेटेड टू कवर अप द लॉसिज नेक्स्ट वन फोर्टी सेवन पेनल्टीज एंड फाइनस आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट टू डेटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सिंपल सी अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए is, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए पेनल्टीज और फाइन उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं ये जो स्टेटमेंट है ये आपका पोल्स हो जाएगा नेक्स्ट वन फोर्टी एट द सम ऑफ डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवर इट इज नॉन एज कन्वर्जन कॉस्ट सर नहीं कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट वेजेस कवर्ड हो जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस भी आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरइट भी आ जाता है बट डायरेक्ट मटीरियल नहीं आता दिस इज एल स्टेटमेंट सर कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल तो नहीं आता नेक्स्ट वन फोर्टी नाइन कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड थर्टीन इज रिलेटेड टू पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट सर गलत है कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का और पॉल्यूशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 होता है दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट नेक्स्ट 50 अंडर हालसे प्लान देखो तो हालसे के दो प्लान होते हैं एक तो नॉर्मल है हालसे प्लान के नाम से और एक हालसे वियर प्लान के नाम से हालसे प्लान में उन्होंने 50% ऑफ टाइम सेव बोला है हाल सेवर प्लान में उन्होंने थर्टी थ्री वन थर्ड ऑफ टाइम सेव बोला है यहां पे लिखा हुआ है अंडर हाल सेवर प्लान ओनर्स इक्वल्स टू थर्टी थ्री वन थर्ड परसेंट ऑफ वेजेस ऑफ द टाइम एंड दिस इज ट्रू हाल से, 33, of of हाल से में तो थर्टी थ्री वन थर्ड ही है केवल हाल से लिखा जाए नेक्स्ट वन फिफ्टी वन एबीसी इज नॉट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सर ये ए कि एबीसी एनालिसिस तो सिलेक्शन इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ही तो कॉन्सेप्ट है आप ए बी सी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग मटेरियल डालते हो कैटेगरी ए में वो मटेरियल आते हैं जिनकी वैल्यू ज्यादा होती है क्वांटिटी कम होती है कैटेगरी सी में वो आइटम आते हैं जिनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वैल्यू कम होती है और बी में मॉडरेट आ जाते हैं जिसकी ना तो क्वांटिटी वैल्यू ज्यादा होती है ना बहुत ज्यादा कम होती है नेक्स्ट 52 इन इंडिया इफ ए वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन एट आवर्स ऑन एनी डे और फॉर मोर देन फोर्टी आवर्स इन ए वीक ही इज ट्रीटेड टू बी एंगेज इन ओवर टाइम देखो इंडिया में अप्लाई होता है फैक्ट्रीज एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट अगर आप पढ़ते हो लॉ वगैरह में आपके सिलेबस में है भी फैक्ट्रीज एक्ट तो फैक्ट्रीज एक्ट का कॉन्सेप्ट कहता है अगर एक वर्कर एक दिन में नौ घंटे से ज्यादा काम करे और पूरे वीक में 48 एट आवर्स से ज्यादा काम करे तो उसको आवर टाइम कंसिडर किया जाता है तो ये जो स्टेटमेंट यहां पे लिखा हुआ है ये तो फॉल्स है नेक्स्ट वन फिफ्टी थ्री इफ एन एक्सपेंस कैन बी आइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइड विद स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट इट्स इट इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंस बिल्कुल ठीक है अगर किसी एक्सपेंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट से इट इज एज सेक्स्ट वन फिफ्टी फोर सी एस नाइन जो कि पैकिंग मटेरियल का होता है सी एस नाइन इज फॉर डायरेक्ट एक्सपेंस सर गलत है सी एस नाइन होता है पैकिंग मटेरियल का और डायरेक्ट एक्सपेंस का सी एस होता है टेन यहां पे लिखा हुआ सी एस नाइन इज फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसिस एज इश्यूड बाई द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया दिस इज स्टेटमेंट सी एस नाइन याद रखो पैकिंग मटीरियल सी एस टेन होता है डायरेक्ट एक्सपेंस नेक्स्ट फिफ्टी फाइव द प्रिंसिपल बेस्ड यूज फॉर अप्लाइंग फैक्ट्री रेट आर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मटीरियल कॉस्ट डायरेक्ट वेजेज डायरेक्ट लेबर आवर्स

बैलेंसिंग इन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिप्रेजेंट अंडर और ओवर एब्जॉर्न ऑफ ओवर अंडर और ओवर एब्जॉर्ब कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करने के लिए नहीं होता अंडर ऑब्जॉर्ब्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब यह होता है अगर कोई एक्सपेंस आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में कम रिकॉर्ड किया जबकि एक्चुअल में खर्चा ज्यादा हुआ तो दैट इज नॉन एज अंडर एब्जॉर्प्शन अगर कोई एक्सपेंस कॉस्ट काउंटिंग में ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया और एक्सपेंस है कम तो उसको बोला जाता है ओवर ये स्टेटमेंट आपका टोटली totally फॉल्स है। नेक्स्ट 57 एट ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन अवेलेबल इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सर यस ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट फिफ्टी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आर मोर प्रॉफिटेबिलिटी एम्प्लॉयड इन जॉब ऑर्डर इंडस्ट्री देन इन प्रोसेस टाइप इंडस्ट्री सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि जॉब इंडस्ट्री में ज्यादा रेलिवेंट होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और प्रोसेस में कम इट इज ए फोल स्टेटमेंट फिफ्टी नाइन टू अचीव द एंटीसिपेटेड टारगेट प्लानिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कंट्रोल ये सब क्या management के functions है मैनेजमेंट के फंक्शंस है आर द इंपॉर्टेंट मेन टास्क ऑफ मैनेजमेंट Task of management दो, function of management दो एक ही बात है। में क्या होता है सर, पहले planning होती है, है भी होता वहां पे, और बजट के बेसिस पे एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की कोशिश भी होती है फिफ्टी नाइन इज ए ट्रू स्टेटमेंट नेक्स्ट सिक्सटी फ्लेक्सीबल बजट ज द डिफरेंस बिटवीन फिक्सड सेमी वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल फ्लैक्सीबल बजट में वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस किया जाता है एंड इज डिजाइंड टू चेंज इन रिलेशन टू चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी बिल्कुल अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी पे आप वहां पर कॉस्ट में चेंज देख सकते हो क्या कॉस्ट में चेंज है वेरिएबल फिक्स सेमी वेरिएबल में तो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट नेक्स्ट सिक्सटी वन डिफरेंशियल कॉस्ट इज द चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर बिल्कुल नेक्स्ट सिक्सटी टू कॉस्ट यूनिट ऑफ होटल इंडस्ट्री इज स्टूडेंट पर होटल इंडस्ट्री में स्टूडेंट पर कोई मतलब नहीं है एजुकेशन इंडस्ट्री जो है वहां पे स्टूडेंट पर चलता है होटल में तो रूम डे चलता है पर रूम पर डे के बेसिस पे कॉस्टिंग और इसी के बेसिस पे कस्टमर से चार्ज भी किया जाता है आज ही मल्टीपल कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्री बैंकिंग इंडस्ट्री में सर्विस कॉस्टिंग अप्लाई होता है दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट नेक्स्ट 64 डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ ए प्रोडक्ट और ये डायरेक्ट एक्सपेंस की डेफिनेशन है एक तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो प्रोडक्ट की मैन्युफेक्चरिंग से रिलेट करते हैं और जब हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं उससे रिलेट करते हैं दिस इज हंड्रेड परसेंट ट्रू स्टेटमेंट सिक्सटी फाइव प्रॉफिट इज रिजल्ट ऑफ टू वेराइंग फैक्टर सेल एंड वेरिएबल कॉस्ट सर आंसर इज नो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए सेल्स वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ आपको फिक्स्ड कॉस्ट भी कंसीडर करना पड़ता है ये फॉल्स हो गया नेक्स्ट 66 सिक्स परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एनेबल्स मैनेजमेंट टू ए सर्टन स्टॉक एट एनी टाइम विदाउट ए फिजिकल इन्वेंट्री बीइंग टेकन कह सकते हो आप क्यों कि परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जो है कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग चलती रहती है तो ये आपका टू स्टेटमेंट है स्टॉक टेकिंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर टू द दर्पीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम सर परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में होता ही कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग है ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है बिन कार्ड इज ए रिकॉर्ड ऑफ बोथ क्वांटिटी एंड वैल्यू सर बिन कार्ड में केवल क्वांटिटी आती है वैल्यू नहीं आती ये फॉल्स है सिक्सटी नाइन बीई डी एनालिसिस वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल ज यूज प्राइमरीली फॉर कंट्रोल ऑफ स्पेयर पार्टिस के टॉपिक को पढ़ते हैं तो वहां पर आपको लिखा हुआ दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट सेवेंटी सेवेंटी स्टोर लेजर इज में स्टोर डिपार्टमेंट सर गलत है पिन कार्ड स्टोर डिपार्टमेंट में होता है स्टोर लेजर तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है तो ये फॉल्स है स्टोर लेजर जो है वो स्टोर डिपार्टमेंट में नहीं होता वो तो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मेंटेन किया जाता है सेवेंटी वन परचेज रिक्विजिशन इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय द स्टोर कीपर बिल्कुल ठीक है परचेज रिक्विजिशन कौन करेगा सर स्टोर कीपर को पता होता है इस मटेरियल की मेरे पास हो गई है शॉर्टेज तो वो उस सिचुएशन में क्या करेगा परचेज रिक्वेशन बनाकर परचेज डिपार्टमेंट को देगा ताकि परचेज डिपार्टमेंट फर्दर मटेरियल परचेज कर सके ट्रू है इन सेंट्रलाइज परचेजिंग ऑल आर मेड बाय द दर्चेजिंग डिपार्टमेंट ठीक है सेंट्रलाइज परचेजिंग जहां पे होती है वहां पे सारा का सारा जो मटेरियल है परचेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है परचेज डिपार्टमेंट की ट्रू है सेवेंटी थ्री वेटेड एवरेज मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटीरियल इन्वॉल्व एडिंग ऑल द डिफरेंट प्राइसेज एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ सच प्राइसेस सर फॉल्स है में प्राइस कैलकुलेट करने के लिए तो वैल्यू होती है उसका एडिशन किया जाता है और डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ यूनिट से ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये सिंपल एवरेज का लिखा हुआ है ना कि वेटेड एवरेज का तो ये फॉल्स है नेक्स्ट सेवेंटी फोर मटीरियल रिटर्न नोट दैट इज एम आर एन इज प्रिपेयर ऑफ सर मटीरियल टू स्टोर बिल्कुल ठीक है हमारे <laughs> पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई भी मटेरियल सरप्लस में है तो हम उसको स्टोर को रिटर्न कर सकते हैं बाई प्रिपेयरिंग द मटीरियल रिटर्न नोट ट्रू सेवेंटी फाइव अंडर द एवरेज प्राइस मेथड ऑफ वैल्यूइंग मटीरियल इश्यू ए न्यू इश्यू प्राइस इज डिटरमाइंड आफ्टर इज परचेज ये थोड़ी देर पहले भी आया था स्टेटमेंट और ये ट्रू स्टेटमेंट है नेक्स्ट सेवेंटी सिक्स वेस्ट एंड स्क्रैप ऑफ मटीरियल स्मॉल रियलाइजेशन वैल्यू देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि वेस्ट और स्क्रैप की वैल्यू बहुत कम ही हो अगर कोई एक लाख रुपए का आइटम है हो सकता है उसमें अगर थोड़ा सा कोई कमी रह गई सब स्टैंडर्ड आइटम बन गया तो साठ हजार सत्तर हजार रुपए में अगर सेल हो सकता है तो वह वैल्यू कम तो नहीं मानी जाती वेस्ट एंड स्क्रैप ऑफ मटीरियल है मूविंग मटेरियल हाई टर्नओवर नो मटीरियल मूविंग मटेरियल का टर्नओवर ओवर रेशियो लो होता है तो फास्ट मूविंग मटेरियल होते हैं उसका हाई है होता है ये फॉल्स है नेक्स्ट वन सेवेंटी एट बिन कार्ड आर नॉट द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बिल्कुल ठीक है ट्रू है कि बिन कार्ड जो है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं है वो केवल और केवल स्टोर में मेंटेन किया जाता है सेवेंटी नाइन एबीसी एनालिसिस ज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन बिल्कुल ट्रू है कि ए बी सी कैटेगरी में कितनी वैल्यू का माल रखना है किस प्राइस वाला माल रखना है ये टोटली totally मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है नेक्स्ट एटी स्टोर वो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है दिस इज ए पोल्स स्टेटमेंट लास्ट सिक्स स्टेटमेंट्स ऑफ टुडे क्लास 81. टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक्स कैन बी सक्सेसफुली यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग टाइम ऑफ वर्कर्स इन लार्ज अंडरटेकिंग लार्ज अंडरटेकिंग होती है वो टाइम रिकॉर्ड करने के लिए टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक्स यूज कर सकती है कुछ स्टेटमेंट है छोटी ऑर्गेनाइजेशन में रेलिवेंस यूज एस आर दोज कस्टमर प्रेमाइजेज फॉर परफॉर्मिंग वर्क ठीक है आउटवर्कर्स किसको बोला जाता है जो बाहर का काम करते हैं बाहर का काम मतलब कस्टमर के घर पे जाके सर्विस परफॉर्म करते हैं जैसे सिंपल सा एग्जांपल लू हम मार्केट से एसी परचेज करके लाते हैं तो एसी इंस्टॉलेशन के लिए बंदा आता है बाहर से कंपनी का बंदा आता है वो आउटवर्कर कहलाता है कि वो किस पे काम कर रहा है कस्टमर की साइड पे कस्टमर के प्रेमाइज पे काम कर रहा है फैक्ट्री के अंदर जाकर काम नहीं करता तो उसको आउट वर्कर नाम दिया जाता है एटी थ्री आइडल टाइम ओनली तो ये ट्रू था टू आपका आइडल टाइम ओनली वर्कर्स आर पेड ऑन टाइम बेसिस बिल्कुल ठीक है कि सर अगर किसी को आप पीस बेसिस पे काम देते हो उसको तो पेमेंट नंबर ऑफ पीसेस के बेसिस पे देनी है भले ही वो टाइम कम ले ज्यादा ले उससे तो कोई मतलब ही नहीं होता आइडल टाइम केवल तभी अराइज हो सकता है जब आप पेमेंट टाइम बेसिस पे करो 84 फोर पर्सोनल डिपार्टमेंट इज कंसर्न विद प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर पर्सोनल डिपार्टमेंट का काम क्या होता है सर वर्कर को रिक्रूट करना उसको हायर करना उसकी सही जगह पे प्लेसमेंट करना उसको ट्रेनिंग देना दिस इज टोटली स्टेटमेंट एट्टी फाइव वेजेज पेड फॉर अब नॉर्मल आइडल टाइम आर एडिड टू वेजेस फॉर कैलकुलेटिंग प्राइम कॉस्ट सर ये पहले भी आया था और मैंने आपको बताया था अब नॉर्मल है तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं होता वो कॉस्टिंग पीएल में जाता है तो दिस इज स्टेटमेंट और लास्ट 86 इन इंडिया इफ ए वर्कर वर्क फॉर मोर देन एट आवर्स ऑन एनी डे और फॉर मोर देन फोर्टी आवर्स इन ए वीक ही इज ट्रीटेड टू बी एंगेज इन ओवर टाइम सर गलत है कि हमें फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंगली दो घंटे से ऊपर एक दिन में और 48 एट आवर्स से ऊपर वन वीक में अगर हो तो उसको ओवर टाइम ट्रीट किया जाता है आइए बिना टाइम वेस्ट किए 87 नंबर से स्टार्ट करते हैं 87। बेसिस ऑफ वर्क डन जब आप एंप्लॉई कॉस्ट लेबर कॉस्ट का टॉपिक पढ़ते हो तो आप देखते हो या तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वेजेस कैलकुलेट की जाती है वेजेस पे की जाती है या फिर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम की मैं बात करूं तो जो टाइम रेट सिस्टम आप देखते हो वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होता है लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन की मैं बात करूं तो पीस रेट सिस्टम हो गया या फिर जहां पे भी आप बोनस प्लान बोलते हो वो क्या है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन ही होता है तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है तो मैंने इसके आगे लिख दिया है टी टी मतलब ट्रू नेक्स्ट एटी एट द पीस रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट कैन नॉट बी सक्सेसफुली अप्लाइड वेयर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कैन बी मेजर ऑफकोर्स फॉल्स है अगर आप आउटपुट की क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो तो सिंपल सी बात है पीस रेट सिस्टम भी अप्लाई कर सकते हो जबकि ये कह रहा है पीस रेट कैन नॉट बी सक्सेसफुली अप्लाइड तो सर ये तो रॉन्ग है फॉल्स स्टेटमेंट है तो फॉल्स के लिए मैंने एफ इंडिकेट कर दिया नेक्स्ट 89 नाइन ए गुड सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट शुड नॉट इंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कहते एक अच्छा वेज पेमेंट का सिस्टम वो होता है जहां पे हम इक्वल पे के लिए इक्वल वर्क का कॉन्सेप्ट ना फॉलो करें सर क्यों ना फॉलो करें अगर इक्वल वर्क किया है किसी ने तो इक्वल पे भी होना चाहिए तो ये स्टेटमेंट भी आपका ऑफकोर्स है इक्वल पे होना चाहिए फॉर इक्वल वर्क नेक्स्ट नाइंटी इफ एन एक्सपेंस कैन बी आईडेंटिफाइड विद ए स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट इट इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंस बिल्कुल ठीक है सर अगर आप किसी खर्चे को किसी स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट से आइडेंटिफाई कर सकते हो सर आइडेंटिफाई कर सकता हूं दिस इज डायरेक्ट direct इट इज ट्रू स्टेटमेंट नेक्स्ट next 91 ट्रेवलिंग expenses टू साइट इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पढ़ते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस का तो वहां पे स्पेसिफिकली एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस टू साइट इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस तो सर ये टोटली ट्रू स्टेटमेंट एज पर सी एस टेन नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसिस शेड बी बेस्ड ऑन ट्रेशियबिलिटी इन एन इकोनोमिकली फिजिबल मैनर बिल्कुल ठीक है, है हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो जो आइडेंटिफिएबिलिटी है ट्रेशियबिलिटी है वो इकोनॉमिकली फिजिबल मैनर में होनी चाहिए मतलब ऐसा ना हो कि खर्चा तो है दस रुपए का अब वो डायरेक्ट है कि नहीं इसका पता लगाने के लिए मैं उसमें बीस रुपए का खर्चा कर दू तो ऐसा ना हो इकोनॉमिकली फिजिबल मैनर में उसको आइडेंटिफाई कर सकूं तो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट नेक्स्ट नाइन थ्री सी एस नाइन सर पैकिंग मटीरियल फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसिस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड शॉर्ट में सी एस बी ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट एक्सपेंस तो सी एस टेन होता है तो यह फोल्स है नेक्स्ट स कॉस्ट शेल फॉर्म पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसिस क्या फाइनांस कॉस्ट जो होती है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखते हैं प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट इनडायरेक्टली आर कोल्ड सर्विस डिपार्टमेंट कहते हैं वो डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इनडायरेक्टली असिस्ट करते हैं उसको सर्विस डिपार्टमेंट बोलते हैं सर तो बिल्कुल ठीक बात है हम उसको सर्विस डिपार्टमेंट ही बोलते हैं आप जब ओवरहेड का टॉपिक पढ़ते हो तो हम वहां पर स्पेसिफिकली बात भी करते हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट का काम क्या है सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को असिस्ट करना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करना ताकि वो प्रोडक्शन बेटर तरीके से कर सके नेक्स्ट 96 फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट अप्लाइड टू ए जॉब इज यूजुअली बेस्ड ऑन ए प्री डिटरमाइन रेट ये पर डिटरमाइन रेट नहीं है ये प्री डिटरमाइन रेट होता है पी आर ई है ये कहते हैं फैक्ट्री ओवर कॉस्ट जो हम अप्लाई करते हैं किसी जॉब पे उसके लिए रेट जो होता है वो प्री डिटरमाइन रेट होता है बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है जब हम ओवर का चैप्टर पढ़ते हैं और वहां पे अब्जॉर्प्शन रेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन रेट वो रेट होता है जो कि हम अपने फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चों को किसी प्रोडक्ट जॉब से ऑब्जॉर्ब करने के लिए निकालते हैं और ये रेट प्री डिटरमाइंड होता है मतलब पहले से ही डिटरमाइंड कर लिया जाता है कि हम किसी जॉब पे किस रेट से ओवरहेड चार्ज करेंगे तो ट्रू स्टेटमेंट है नेक्स्ट 97 वेरिएबल ओवरहेड वेरी टाइम सर नो वेरिएबल ओवरहेड टाइम के साथ वेरी नहीं करता वेरिएबल ओवरहेड तो प्रोडक्शन के साथ वेरी करता है तो यह आपका स्टेटमेंट फोल्स है गलत है नेक्स्ट 98 एट वेन एक्चुअल ओवर एड आर मोर देन ऑब्जॉर्ब ओवर अगर आप कह रहे हो एक्चुअल ओवरब्ड ओवर एड से ज्यादा है इसका मतलब ऑब्जॉर्ब्ड ओवर एड एक्चुअल ओवर एड से कम है और अगर ऑब्जॉर्ब्शन कम है तो इट इज नॉन एज अंडर ऑब्जॉर्ब्शन इट इज नॉन एज ओवर ऑब्जॉर्ब लिखा हुआ है तो सर ये गलत है हमें ऑब्जॉर्ब्ड फिगर पे कॉन्सिडरेट करना है कि ऑब्जॉर्ब्ड फिगर एक्चुअल से कम है या ज्यादा तो अगर ऑब्जॉर्ब कम है तो अंडर ऑब्जॉर्ब्शन होता है ऑब्जॉर्ब्ड ज्यादा होता है तो ओवर ऑब्जॉर्ब होता है नेक्स्ट 99 कैश डिस्काउंट आर जनरली एक्सक्लूडेड कंप्लीटली फ्रॉम द कॉस्ट कहते हैं कैश डिस्काउंट जो है वो हम कॉस्ट से एक्सक्लूड करते हैं तो सर ये ट्रू स्टेटमेंट है जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो वहां पे कैश डिस्काउंट तो एक्सक्लूड किया जाता है हाँ डिस्काउंट ऑन सेल्स हो गया ट्रेड डिस्काउंट हो गया वो आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कवर कर लेते हो नेक्स्ट हंड्रेड कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल इज अपोर्शन टू वेरियस डिपार्टमेंट कितने जो इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट होती है वो हम वेरियस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर बिल्कुल करते हैं दिस इज ए ट्रू जो इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट होती है वो हम कई डिपार्टमेंट में अपोर्शन करते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नेक्स्ट वन जीरो वन ए ब्लैंकेट ओवर एड रेट इज ए सिंगल ओवर एड रेट कंप्यूटेड फॉर द एंटायर फैक्ट्री सर ब्लैंकेट ओवर एड रेट का मीनिंग यही होता है कि जब पूरी फैक्ट्री के लिए एक सिंगल फैक्ट्री ओवर एड का रेट कैलकुलेट किया जाता है तो उस रेट को ब्लैंकेट ओवर एड रेट बोला जाता है नेक्स्ट वन जीरो टू अंडर ऑब्जॉर्ब ओवर एड मीनस दैट एक्चुअल ओवर एड्स आर मोर देन ऑब्जॉर्ब ओवर एड बिल्कुल ठीक है अगर आप कह रहे हो कि एक्चुअल ओवर ज्यादा है इसका मतलब कम है और अगर कम है तो दिस इज नॉन एज अंडर ऑफ दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट एट दिसमेंट दिसमेंट नेक्स्ट वन जीरो थ्री द प्रिंसिपल बेस्ड यूज फॉर अप्लाइंग फैक्ट्री ओवर एड आर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मटीरियल कॉस्ट डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट लेबर आवर मशीन आवर सर ये प्रिंसिपल्स नहीं है ये मेथड्स है तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये फोर्स है ये यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट वेजेस ये सब क्या है ये मेथड्स हैं द प्रिंसिपल बेस्ड यूज फॉर अप्लाइंग फैक्ट्री ओवर ना सर ये मेथड्स है ना कि प्रिंसिपल नेक्स्ट वन जीरो फोर एलोकेशन फॉर ओवर हेड इंप्लाइज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवर हेड कॉस्ट सेंटर टू दे रिलेट कहते एलोकेशन क्या होता है अगर हम किसी ओवरहेड के खर्चे को किसी डिपार्टमेंट के साथ रिलेट कर पाते हैं तो उसको एलोकेशन बोलते हैं सर तो बिल्कुल ठीक है एलोकेशन का मतलब यही होता है कि किसी इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे को किसी ओवरहेड के खर्चे को अगर हम किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में खर्चा डाल देते हैं जैसे मैं कहूं कि एक सुपरवाइजर है तो केवल और केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में काम करता है तो आप सीधा सीधा उस सुपरवाइजर की सैलरी को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में डाल सकते हो अगर आप उसको कई डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो फिर हम उसको अपोर्शनमेंट बोलते नेक्स्ट 105 टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट ट्रू है अगर आप प्राइम कॉस्ट में बाकी सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब ओवर एड एड कर लोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट बन जाएगी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है नेक्स्ट 106. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस शुड बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट सर ये फॉल्स है क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है उसके अंदर प्राइम कॉस्ट के साथ साथ फैक्ट्री ओवरहेड भी कवर होता है तो आप कह सकते हो कि जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है वो फैक्ट्री कॉस्ट दैट इज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट जो वैल्यू होती है उस उसमें वैल्यू किया जाता है ना कि प्राइम कॉस्ट पे नेक्स्ट वन जीरो सेवन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स शुड बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स सर ये भी फॉल्स है आपको अगर कॉस्ट शीट वगैरह का कॉन्सेप्ट याद हो तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू जो कैलकुलेट की जाती है वो की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना कि कॉस्ट ऑफ सेल्स के बेसिस पे क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इट भी कवर्ड हो जाते हैं जो कि फिनिश स्टॉक का पार्ट नहीं होता नेक्स्ट वन प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड्स ओनली डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन सर गलत प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप फैक्ट्री ओवरहेड वगैरह भी कवर करके चलते हो फॉल्स है नेक्स्ट 109 प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सर ये भी गलत है क्योंकि ये है प्राइमरी पैकिंग और प्राइमरी पैकिंग तो प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट तो नहीं होता डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आप पैकिंग कवर कर सकते हो सेकेंडरी पैकिंग कवर कर सकते हो ना कि प्राइमरी पैकिंग 110 110 नॉशनल इंटरेस्ट ऑन ऑनर्स कैपिटल अपीयर ओनली इन फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर नॉशनल जो है वो केवल कॉस्टिंग में आता है फाइनेंशियल में आता ही नहीं है जबकि यहां लिखा हुआ ये फाइनेंशियल में आता है तो ये आपका कोल्स स्टेटमेंट हो गया नेक्स्ट ट्रिपल वन गुडविल रिटर्न ऑफ अपियस ओनली इन कॉस्ट अकाउंट क्या गुडविल रिटर्न ऑफ केवल कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है सर गुडविल रिटर्न ऑफ केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है तो ये स्टेटमेंट फोल्स है नेक्स्ट आर टेकन ऑन एस्टिमेटेड बेसिस इन फाइनेंशियल अकाउंट क्या फाइनेंशियल अकाउंट में आप ओवरहेड के खर्चों को एस्टिमेटेड बेसिस पे लिखते हो सर फाइनेंशियल अकाउंट में तो एक्चुअल बेसिस पे लिखा जाता है तो ये है आपका फोल्स नेक्स्ट 113. वन थ्री एक्सपेंसिज विच अपियर्स ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट एंड नॉट इन कॉस्ट अकाउंट आर जनरली नॉशनल आइटम कहते हैं वो खर्चे जो हम केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंट में लिखते हैं कॉस्ट में नहीं लिखते वो नॉशनल होते हैं सर ये फॉल्स है जो नॉशनल आइटम होते हैं वो केवल और केवल कॉस्ट में लिखे जाते हैं फाइनेंशियल में नहीं लिखे जाते हैं. नेक्स्ट वन वन फोर नीड फॉर रिकॉन्सिलेशन अराइज इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंट सर इंटीग्रेटेड सिस्टम में तो बुक ऑफ अकाउंट एक ही होती है एक ही प्रॉफिट होता है तो इंटीग्रेटेड सिस्टम में तो रिकॉन्सिलियन की जरूरत होती ही नहीं है ये भी फॉल्स है नॉन इंटीग्रेटेड में होती है नेक्स्ट वन वन फाइव कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट मेक्स द कॉस्ट लेजर सेल्फ बैलेंसिंग कहते हैं कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट जो होता है वो कॉस्ट लेजर को सेल्फ बैलेंसिंग बनाता है सर ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि आप देखते हो कि जब हम कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के काफी सारे अकाउंट जो होते हैं उनको हम इग्नोर करते हैं अकॉर्डिंगली सेल्फ बैलेंसिंग हम वहां पर मेंटेन करते हैं थ्रू द कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट नेक्स्ट वन वन सिक्स टॉक लेजर कंटेन द अकाउंट ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स ठीक है सर स्टॉक लेजर का काम ही क्या है जो हमारे पास स्टॉक वगैरह होगा उनको मेंटेन करना उनको शो करना तो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट नेक्स्ट वन वन सेवन द पर्पज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट इज टू कंट्रोल द कॉस्ट क्या हम कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट इसलिए बनाते हैं कि कॉस्ट को कंट्रोल कर सके सर नहीं कॉस्ट कंट्रोल अकाउंटिंग एक तरीका है कॉस्ट अकाउंटिंग को मेंटेन करने का तो दिस इज ऑनली ए सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इसका कोई पर्पज कॉस्ट को कंट्रोल करना वगैरह तो नहीं होता तो दिस इज ए फोल स्टेटमेंट कॉस्ट कंट्रोल के लिए तो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजटरी कंट्रोल ये टेक्निक्स फॉलो करते हैं नेक्स्ट वन वन एट कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट आर प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ये ठीक है सर कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट जो आप बनाते हो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम अकाउंटिंग जो फॉलो करते हो डबल एंट्री सिस्टम होता है कि नहीं होता सर बिल्कुल डबल एंट्री सिस्टम होता है हम अकाउंटिंग वहां पर डबल एंट्री के बेसिस पे करते हैं नेक्स्ट वन वन नाइन द बैलेंसिंग इन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिप्रेजेंट अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवर क्या कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई बैलेंसिंग फिगर आए तो हम उसको अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं सर आंसर इज नो वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को इंडिकेट करता है तो दिस इज ए फोल स्टेटमेंट नेक्स्ट वन ट्वेंटी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज अप्लाइड एज सर्टन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड में प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हो तो आंसर इज नो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग तो बना ही सर्विस प्रोवाइड करने वालों के लिए है। तो दिस स्टेटमेंट इज ने वन ट्वेंटी वन कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द सर्विस इज एज सर्टेन बाई प्रिपेरिंग जॉब अकाउंट क्या आप किसी सर्विस को ऑपरेट करने की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए अकाउंट बनाते हो सर नो हम उसके लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाते हैं तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है नेक्स्ट 122, ट्वेंटी टू द प्रॉब्लम ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अराइजेज इन केस ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट जो आप देखते हो वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में देखते हो सर आंसर इज नो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट हम प्रोसेस कॉस्टिंग में देखते हैं तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स नेक्स्ट वन ट्वेंटी थ्री फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड आर फॉलोड फॉर इवेल्यूएशन ऑफ प्रोडक्शन इक्विलोड आर फ्लक्चुएटिंग जब प्राइस फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं तो क्या हम फिफो मेथड फॉलो करते हैं सर नो जब प्राइस फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं तो हम वेटेड एवरेज मेथड फॉलो किया करते हैं जब प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं तो हम वेटेड एवरेज मेथड फॉलो किया करते हैं वन so, ट्वेंटी भी आपका फोर्स है नेक्स्ट 124 वर्क इन प्रोग्रेस इज द इनहेरेंट फीचर ऑफ प्रोसेस इंडस्ट्री बिल्कुल प्रोसेस कॉस्टिंग में आप देखते हो कि वर्क इन प्रोग्रेस का हम कॉन्सेप्ट देखते हैं तो जहां पे भी प्रोसेस इंडस्ट्रीज है प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई होता है वहां पे आपको नॉर्मली वर्क इन प्रोग्रेस कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट नेक्स्ट वन ट्वेंटी फाइव कॉस्ट इनकर्ड

कंबाइंड प्रोडक्ट के अंदर आप बाई प्रोडक्ट्स भी कवर कर लेते हो जबकि जॉइंट प्रोडक्ट में हम मेनली केवल और केवल वो प्रोडक्ट कवर करते हैं जो हमारी कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स होते हैं तो दोनों सेम तो नहीं है अलग अलग है तो नो no डिस्टिंक्शन लिखा हुआ है तो सर ये फोल स्टेटमेंट हो जाएगा नेक्स्ट वन ट्वेंटी सेवन कॉन्ट्रेक्ट कॉस्टिंग इज ए वेरियंट ऑफ जॉब कॉस्टिंग यस दिस इज ट्रू क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग सिमिलर ही है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक तरीके से यू कैन से सर जॉब कॉस्टिंग का ही तरीका है बस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेनली कंस्ट्रक्शन पे अप्लाई होता है जबकि जॉब कॉस्टिंग जो है वो अप्लाई होता है छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स पे। कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरीके का जॉब ही होता है जॉब सर ये गलत है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो यूनिट होती है वो पर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो so, सर ये फॉल्स है नेक्स्ट 129 कहता है कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो

इससे पीवी रेशियो की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना पीवी रेशियो की सेहत पर फर्क पड़ेगा या तो सेलिंग प्राइस चेंज होगा या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगी तब तो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट 132 मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो द बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट सर ये भी ट्रू है मार्जिनल कॉस्टिंग बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन फॉलो करता है वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग एनालाइज करता है नेक्स्ट वन थर्टी थ्री एट ब्रेक इवन पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूशन अवेलेबल इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट सर यस हम डेफिनेशन जब देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की तब हम कहते हैं कि हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हो जाता है ब्रेक इवन पॉइंट पे जिसकी वजह से हमें ना तो प्रॉफिट होते हैं ना लॉसेज होते हैं दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट नेक्स्ट 134 थर्टी फोर ब्रेक इन पॉइंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो सर गलत है प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ब्रेक इवन पॉइंट का तो होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो तो ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है नेक्स्ट 135 मार्जिनल कॉस्ट इज एग्रीगेट ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल ठीक है प्राइम कॉस्ट में नहीं ये गलत है क्योंकि इसमें वेरिएबल कॉस्ट लिखा हुआ है मार्जिनल कॉस्ट इज एग्रीगेट ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवर होता है अब वेरिएबल कॉस्ट वगैरह आप वर्ड यूज करोगे तो सर वेरिएबल कॉस्ट के अंदर प्राइम कॉस्ट भी इंक्लूड होती है तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है ध्यान देना इस वर्ड पे कॉस्ट पे अगर यहां पे लिखा होगा वेरिएबल ओवरहेड अगर लिख दिया जाए मार्जिनल कॉस्ट इज एग्रीगेट ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा अगर यहां पे वेरिएबल कॉस्ट लिखा हुआ है तो सर ये गलत हो गया नेक्स्ट 136 वेरिएबल कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड पर यूनिट बिल्कुल ठीक है सर हम काफी जगह देख चुके हैं कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट फिक्स होती है। है 137, गलत सर। sales में से वेरिएबल कॉस्ट करते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है 138, यूनिट इज वेरिएबल गलत है सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो वेरिएबल नहीं होता फिक्स होता है तो दिस इज एस स्टेटमेंट क्स्ट वन थर्टी नाइन एक्सेस ऑफ एक्चुअल बिल्कुल ठीक है अगर आपने सोचा कि कॉस्ट आएगी दस रुपए की लेकिन बारह रुपए की कॉस्ट आ गई मतलब कॉस्ट ज्यादा आ गई तो अगर एक्चुअल में कॉस्ट ज्यादा आ गई इट इज अनफेवरेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन अनफेवरेबल वेरियंस इसको हम एडवर्स वेरियांस भी बोल सकते हैं नेक्स्ट 140 फोर्टी वेरियां आर कैलकुलेटेड फॉर बोथ मटीरियल एंड लेबर सर ये ट्रू मटीरियल के लिए भी वेरियांस कैलकुलेट कर सकते हैं लेबर के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं इवन ओवर एड के लिए भी कैलकुलेट किया जा सकता है नेक्स्ट 141 फोर्टी वन वाइल्ड फिक्सिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल लॉसेज एंड वेस्टेज आर टेकन इन टू अकाउंट सर ट्रू है जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड सेट कर रही होती है तो वो कोई भी नॉर्मल लॉसेज वगैरह एक्सपेक्ट करके चलती है तो पहले से ही उनको कवर कर लेती है अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं तो so, ट्रू है नेक्स्ट 142, फोर्टी टू अंडर ऑफ स्टैंडर्ड एनालिसिस सर फॉल्स है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का काम ही वेरियांस एनालिसिस है बिना उसके काम चल ही नहीं सकता नेक्स्ट 143 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज एन आइडियल नेम टू द एस्टिमेट मेकिंग कहते हैं हम जो एस्टिमेट करते हैं उसको हम एक आइडियल नाम दे देते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सर ऐसा बिल्कुल नहीं है एस्टिमेशन अलग चीज होती है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अलग चीज होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट वंस फिक्सड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बिल्कुल ठीक है देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर आपने एक बार सेट कर दी तो हम उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते क्योंकि बार बार चेंज करोगे तो आप उसको एक्चुअल के इक्वली लेके चले जाओगे फिर तो स्टैंडर्ड कॉस्ट एक बार फिक्स कर दी जाती है देन एक्चुअल होती है उसके अगेंस्ट में उसको कंपेयर किया जा सकता है आप पीरियड टू पीरियड स्टैंडर्ड कॉस्ट आप चेंज कर सकते हो बट उसी स्टैंडर्ड कॉस्ट को जो आपने बनाया है स्टैंडर्ड कॉस्ट आप कहते हो सर दस रुपए कॉस्ट आनी चाहिए उसको बार 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 ऑल्टर नहीं कर सकते नेक्स्ट 145 फोर्टी फाइव प्रीडेटरमाइंड अस्टैंडर्ड इड ए यार्ड स्टे फॉर द मेजरमेंट ऑफ एफिशियंसी ऑर्गेनाइजेशन जब स्टैंडर्ड सेट कर लेती है तो उसके बेसिस पे एफिशियंट मेजर की जा सकती है सर बिल्कुल की जा सकती है अगर मैं स्टैंडर्ड सेट कर दू कि एक घंटे में दस यूनिट बननी चाहिए अब सामने वाले वर्कर ने अगर एक घंटे में दस यूनिट बना दी एफिशियंट है ज्यादा बना दी ज्यादा एफिशियंट है कम बनाता है वह एफिशियंट नहीं है नेक्स्ट वन फोर्टी सिक्स मटीरियल कॉस्ट वेरियंस एंड लेबर कॉस्ट वेरियंस आर ऑलवेज इक्वल सर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मटीरियल कॉस्ट वेरियंस और लेबर कॉस्ट वेरियंस इक्वल होंगे Next, 147. Engineer, है नेक्स्ट फिक्सिंग स्टैंडर्ड्स इज द वर्क ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियर ठीक है और द प्रोडक्शन पीपल एंड नॉट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट कहते हैं स्टैंडर्ड फिक्स करना कॉस्ट अकाउंटेंट का काम नहीं है इंडस्ट्रियल इंजीनियर का काम है सर बिल्कुल ठीक बात है कॉस्ट अकाउंटेंट का काम है वेरिएंसेस कैलकुलेट करना स्टैंडर्ड वगैरह फिक्स करना तो इंडस्ट्रियल इंजीनियर का ही काम होता है तो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट नेक्स्ट 148 फोर्टी एट बजट इज ए मींस एंड बजटरी कंट्रोल इज द एंड रिजल्ट कहते हैं बजट एक माध्यम है और बजटरी कंट्रोल जो है वो एक एंड रिजल्ट है सर ठीक है ट्रू है क्योंकि बजट बनाने के पीछे हमारा एक पर्पज है कि हम अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करें और उस बजट के बेसिस पे कॉस्ट को कंट्रोल करना एक्टिविटीज को कंट्रोल करना ही हमारा एंड रिजल्ट है नेक्स्ट 149 क्योंकि बजटरी कंट्रोल टेक्निक किस चीज की है कॉस्ट कंट्रोल की 149 फोर्टी टू अचीव द एंटीसिपेटेड टारगेट प्लानिंग कॉर्डिनेशन एंड कंट्रोल आर द इंपॉर्टेंट मेन टास्क ऑफ मैनेजमेंट ठीक है दीज आर द मैनेजमेंट फंक्शन अचीव्ड थ्रू बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल ठीक है ट्रू है हम अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए दैट इज मैनेजमेंट अपने टारगेट को अचीव करने के लिए प्लानिंग कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन ये सब फंक्शंस करते हैं और इसके लिए हम टेक्निक यूज कर लेते हैं बजटिंग एंड बजेटरी कंट्रोल बिल्कुल ट्रू है कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट वन ए की फैक्टर और प्रिंसिपल फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द प्रिपरेशन ऑफ जट कहते की फैक्टर या प्रिंसिपल फैक्टर जो होता है वो अदर बजट की प्रिपरेशन को influence नहीं करता। सर बिल्कुल करता है, false statement है अगर कोई फैक्टर की फैक्टर है तो उसी पे तो बाकी सारे के सारे बजट डिपेंड करते हैं तो दिस इज टोटलीक्स्ट वन फिफ्टी वन बजटरी कंट्रोल डॉट फेसिलिटेड इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन कहते हैं बजटरी कंट्रोल जो है वो मैनेजमेंट का काम नहीं है एक तरीके से आप ये कहना चाह रहे हो यहां पे सर बजटरी कंट्रोल मैनेजमेंट का ही तो काम है दिस इज ए फोल स्टेटमेंट बजटरी कंट्रोल मैनेजमेंट बाई फंक्शन है, है। मैनेजमेंट बाई फंक्शन एक्सेप्शन का मतलब होता है क्या ये मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है सर है 152 जनरली बजट्स आर प्रिपेयर्ड टू क्वानसाइड विद द फाइनेंशियल ईयर ट कंपेरिजन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद बजटेड एस्टिमेट वुड फेसिलिटेट बेटर इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग लेकिन अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल तो जरूरी नहीं है क्योंकि बजट जो है वो आप क्वार्टरली मंथली किसी भी बेसिस पे बना सकते हो तो फाइनेंशियल ईयर से तो ऐसे कोई रिलेशन नहीं है तो सर ये कोल्स स्टेटमेंट है नो डाउट एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजटेड से एस्टिमेट आप कर सकते हो फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करने की बात अगर मैं करूं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नेक्स्ट वन फिफ्टी थ्री फ्लेक्सिबल गलत स्टेटमेंट है फ्लेक्सिबल बजट जो है अलग अलग कैपेसिटी लेवल पे बनाया जाता है अलग अलग ईयर होना वहां पे जरूरी नहीं है नेक्स्ट 154 फिफ्टी सेल्स बजट नॉर्मली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट अमंग ओल बजट टू है क्योंकि सेल्स बजट पे काफी सारे बजट डिपेंड करते हैं सेल्स बजट पे ही प्रोडक्शन बजट रो मटेरियल परचेज बजट रो मटेरियल कंजम्पशन बजट कैश बजट ये डिपेंड करते हैं तो सेल्स बजट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट है नेक्स्ट 155, फिफ्टी फाइव द प्रिंसिपल फैक्टर इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस बजट एंड दिस इज ट्रू क्योंकि प्रिंसिपल फैक्टर वो फैक्टर होता है जिसके हमारे पास लिमिटेशन होती है तो हम सबसे पहले जिस चीज की लिमिटेशन होती है उसके अकॉर्डिंगली ही अपने बजट बनाते हैं तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रिंसिपल फैक्टर इज द स्टार्टिंग पॉइंट नेक्स्ट वन फिफ्टी सिक्स मैनुअल इज द समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट नहीं सर मास्टर बजट जो होता है वो समरी होता है ऑल फंक्शनल बजट का बजट मैनुअल तो हमें इंस्ट्रक्शन बताता है तो ये तो फॉल्स हो गया नेक्स्ट 157 फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट अपलाइड टू ए जॉब इज यूजली बेस्ड ऑन प्री डिटर ट्रू है अभी थोड़ी देर पहले हमने ये स्टेटमेंट ऊपर भी देखा था नेक्स्ट सी एस नाइनटीन डील विदिशिपल एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ एक्साइजेबल गुड्स मैन्युफेक्चरिंग कॉस्ट ऑफ एक्साइजेबल गुड्स का सी एस ट्वेंटी टू है और सी एस नाइनटीन जो है वो ज्वाइंट कॉस्ट का है तो यह है फोल्स स्टेटमेंट नेक्स्ट वन फिफ्टी नाइन कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट मेक्स द कॉस्ट लेजर सेल्फ बैलेंसिंग सर ट्रू है अभी थोड़ी देर पहले ही तो ऊपर आया था नेक्स्ट वन सिक्सटी फीफो मेथड इज फॉलोड फॉर इवेल्यूएशन ऑफ प्रोडक्शन वेन प्राइसेज आर फ्लक्चुएटिंग सर फॉल्स है अभी तो ऊपर आया था कि इसके लिए वेटेड एवरेज यूज करते हैं नेक्स्ट वन सिक्सटी वन अ स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड बजटेड कॉस्ट आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट और बजटेड कॉस्ट है जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेट भी करती है और इंटर डिपेंडेंट भी होती है सर दिस इज ए दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट सर स्टैंडर्ड कॉस्ट अलग है बिल्कुल बजटेड कॉस्ट अलग है स्टैंडर्ड कॉस्ट है cost क्या होनी और बजटेड कॉस्ट एक तरीके से एस्टिमेशन होता है कि जो सीनेरियो है उसके हिसाब से क्या कॉस्ट हमारी आएगी 162 मल्टीपल कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री सर पहले भी हम काफी बार बात कर चुके हैं कि बैंकिंग में सर्विस इंडस्ट्री चलता है मल्टीपल कॉस्टिंग की जरूरत नहीं होती दिस इज स्टेटमेंट वन सिक्सटी थ्री देर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन बैच साइज एंड कैरिंग बैच साइज और कैरिंग इनवर्स रिलेशन है सर नो दिस इज ए फोल स्टेटमेंट अगर बैच का साइज छोटा होगा तो कैरिंग कॉस्ट भी कम होती है बैच का साइज बड़ा होगा तो कैरिंग कॉस्ट भी ज्यादा होती है तो इनवर्स रिलेशन तो नहीं है डायरेक्ट रिलेशन है नेक्स्ट वन सिक्सटी फोर मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट सर गलत है मार्जिनल कॉस्टिंग में बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट चलता है 165 बिन कार्ड इज मेंटेन बाय कॉस्टिंग डिपार्टमेंट सर गलत है बिन कार्ड तो स्टोर डिपार्टमेंट मेंटेन करता है स्टोर लेजर जो है वो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है वन सीएस एट डील विद प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द डायरेक्ट सर है जो डायरेक्ट एक्सपेंस के साथ डील करता है दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट वन फॉलोड फॉर इवेल्यूएशन ऑफ इक्वल प्रोडक्शन व्हेन प्राइस आर फ्लक्चुएटिंग सर बार बार एक ही स्टेटमेंट आ रहा है तीन बार तो आज ही आ गया नेक्स्ट फोल्स सही है 168. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी सर यह अभी आया था थोड़ी देर पहले दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट नेक्स्ट वन सिक्सटी नाइन द प्रिपल फैक्ट्री इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ एरियस बजट सर ट्रू है अभी तो आया था वन सेवेंटी ओवर टाइम प्रीमियम इज डायरेक्टली असाइन टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या ओवरटाइम प्रीमियम जो होता है वह हम डायरेक्टली किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट से असाइन कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं कहता हूं ऑन द ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर अगर हम ओवर टाइम कर रहे हैं तो ओवर टाइम प्रीमियम डायरेक्टली उस कस्टमर से चार्ज किया जा सकता है किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए कर रहे हैं तो स्पेसिफिक जॉब से रिलेट किया जा सकता है तो यहां पे आप डायरेक्टली असाइन कर सकते हो कॉस्ट ऑब्जेक्ट से और लास्ट जो है 171 इन रीकॉन्सिलियन स्टेटमेंट एक्सपेंसिज शोन ऑनली इन फाइनेंशियल अकाउंट आर एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट बिल्कुल ठीक है तर अगर आपने कोई खर्चा में दिखाया है तो रिकॉन्सिलियन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस खर्चे को वापिस फाइनेंशियल प्रॉफिट में अगर एड कर दोगे तो योर रिकॉन्सिलियन विल बी कंप्लीट दिस तो इज ऑल अबाउट आवर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन वाई ना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक से प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जैसे ही प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिखाई देता है फाइंड में क्लिक करता है मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो विद इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट और ब्रैकेट में क्लियर किया गया है कि हमें इस ब्लैंक में क्या लिखना है इंडिकेट द नेचर ऑफ चेंज अब चेंज में सिंपल सी बात है या तो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है या नो चेंज हो सकता है तो आप खुद देख लो अगर फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्रीज होता है तो पीवी रेशियो में क्या चेंज होगा सर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इन टू हंड्रेड कॉन्ट्रीब्यूशन और सेल्स जो है दोनों पे ही फिक्स्ड कॉस्ट का कोई इंपैक्ट नहीं आता तो यू कैन से प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज कॉन्स्टेंट विद इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट तो आप कह सकते हो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज कॉन्स्टेंट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा

हमें यहाँ पे वो वैल्यू इंडिकेट करनी है जहां पे अगर क्वांटिटी जीरो हो तो फिर टोटल कॉस्ट लाइन जो है वो कॉस्ट एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी सिंपल सी बात ये है सर जब क्वांटिटी होती है जीरो तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट लाइन वाई एक्सिस पे फिक्सड कॉस्ट लाइन जो होगी फिक्स कॉस्ट की जो वैल्यू होगी वहां पे कट करेगी यहाँ पे आएगा फिक्स्ड कॉस्ट पे आएगा फिक्स्ड कॉस्ट क्वांटिटी जीरो पे आपकी जो टोटल कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होती है तो टोटल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी कट करेगी। थर्ड ए प्रोसेस अकाउंट इज क्रेडिटेड विद वैल्यू फॉर ब्लैंक लॉस व्हेन स्क्रैप वैल्यू इज जीरो इंडिकेट द टाइप ऑफ लॉस कहते प्रोसेस अकाउंट इज क्रेडिटेड ठीक है विद वैल्यू लॉस स्क्रैप वैल्यू इज जीरो द टाइप ऑफ लॉस देखो सिंपल सी बात यह है कि अगर स्क्रैप वैल्यू होती है जीरो तो इस सिचुएशन में जो भी हमारा अब नॉर्मल लॉस होता है तो सारा का सारा एक तरीके से लॉस हो जाता है तो प्रोसेस अकाउंट इज क्रेडिटेड विद वैल्यू फॉर अब नॉर्मल लॉस एन स्क्रैप वैल्यू इज जीरो पॉइंट नंबर फोर वेन स्पेशल मटीरियल इज परचेज फॉर डायरेक्ट यूज इन ए जॉब अगर आपने कोई स्पेशल मटीरियल परचेज किया जो तो कि आप डायरेक्टली किसी जॉब में यूज करने वाले हो ब्लैंक अकाउंट इज डेबिटेड इन द इंटीग्रल अकाउंट सिस्टम इंटीग्रल अकाउंट सिस्टम मतलब इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम मटीरियल अगर आपने जनरल परचेज किया होता है तो वो जाता है स्टोर्स में तो हम एंट्री करते हैं स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट लेकिन अगर मैं यही कहूं कि आपने कोई मटेरियल स्पेसिफिक जॉब के लिए यूज करना है वो सीधा सीधा उसी जॉब से चार्ज कर लिया जाता है डब्ल्यू अकाउंट से चार्ज कर लिया जाता है यहां पे आएगा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डब्ल्यू अकाउंट एंड स्पेशल मटीरियल इज परचेज फॉर डायरेक्ट यूज इन ए जॉब डब्लू अकाउंट इज डेबिटेड इन द इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम एंट्री होगी डब्ल्यू कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स या कैश तो भी आपका ट्रांजेक्शन होक्स्ट पॉइंट नंबर फाइव वीईडी वाइटल डिजायरेबल मटीरियल के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं वीईडी एनालिसिस इज प्राइमरली यूज फॉर कंट्रोल ऑफ फ्लैंक दट इज इंडिकेट टाइप ऑफ मटीरियल हमें यहां पर इंडिकेट करना है वीईडी एनालिसिस इज प्राइमरली यूज फॉर कंट्रोल ऑफ स्पेयर पार्ट तो स्पेयर पार्ट्स होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए पीईडी एनालिसिस यूज किया जाता है ये तो हमने पीछे फ़ॉल्स वगैरह में भी डिस्कस किया था नेक्स्ट पॉइंट नंबर सिक्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर यूजुअली ऑब्जॉर्ब एज ए परसेंटेज ऑफ आप याद करो कि एडमिन ओवरहेड हम एज ए परसेंटेज ऑफ किसका परसेंटेज देकर ऑब्जॉर्ब किया करते हैं आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में फैक्ट्री कॉस्ट का एक परसेंटेज होता है कि एडमिन ओवरहेड हमें 20 परसेंट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट लेना है यहां पे आ जाएगा वर्क्स कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट एडमिन ओवरहेड जनरली वर्क्स कॉस्ट का एक परसेंटेज कंसीडर करके ऑब्जॉर्व किया जाता है पॉइंट नंबर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज फिक्स तो हम काफी जगह फिलिंग वो ट्रू फॉल्स में भी डिस्कस कर चुके हैं एमसीक्यूज वगैरह में भी आया था मैच द फॉलोइंग में भी आया था तो ये बार बार क्वेश्चन हमको देखने को मिल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहती है फिक्स रहती है नेक्स्ट पॉइंट नंबर एट बिन कार्ड शोज लेंथ डिटेल ऑफ मटीरियल हमें पता है कि बिन कार्ड में केवल और केवल क्वांटिटी ऑफ मटीरियल शो की जाती है बिन कार्ड शोज क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ मटीरियल आप यहाँ पे लिख सकते हो क्वांटिटेटिव इसके अंदर वैल्यू कभी भी नहीं आती केवल क्वांटिटी शो की जाती है नेक्स्ट 1. नंबर 9 सम ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टॉपिक पढ़ते हैं तो हम वहां पे बात करते हैं कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस नेक्स्ट 10th कंट्रीब्यूशन एंड ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू लैंक ऑफ द फॉर्म हम कहते हैं कि ब्रेक इवन सेल्स जो होती है कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न फिक्सड कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न ऑन ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट ऑफ द फॉर्म अकॉर्डिंगली देर विल बी नो प्रॉफिट और नो लॉसेस टू द ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट वन इलेवन प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो ये फॉर्मूला किसका है सर प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेक्स्ट वन ट्वेल्थ बजट इज ए क्वांटिटेटिव एंड और ए एलैंक स्टेटमेंट तो आप कह सकते हो बजट जो है वो क्वान्टिटी में भी बनता है और जो बजट है वो मॉनेटरी टर्म्स में भी इंडिकेट किया जा सकता है बजट इज ए क्वांटिटेटिव एंड और ए मॉनेटरी स्टेटमेंट आप कह सकते हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कह सकते हो। मॉनेटरी टर्म में भी बनता है तो आप मॉनेटरी या मॉनेटरी वर्ड को फाइनेंशियल वर्ड से भी इंडिकेट कर सकते हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लिख सकते नेक्स्ट वन थर्टीन फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट लैंक वेरीज विद द नंबर ऑफ यूनिट देखो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट और नंबर ऑफ यूनिट वेरी तो करती है किस तरीके से सर इनवर्स रिलेशन होता है इनका इनवर्सली आप यहां पे लिख सकते हो इनवर्सली कि होता क्या है जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ती है वैसे वैसे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम होती है जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट कम होती है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती है आप कह सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इनवर्सली वेरी विद द नंबर ऑफ नंबर ऑफ यूनिट के इनवर्स अपोजिट में वो वेरी करती है नेक्स्ट फोर्टीन एन एक्टिविटी लेवल ऑफ वन थाउजेंड आवर्स कॉस्ट इज टेन थाउजेंड एंड एन एक्टिविटी लेवल फॉर टू थाउजेंड आवर्स द टोटल कॉस्ट इज सिक्सटीन थाउजेंड एक हजार घंटे काम करें तो दस हजार की कॉस्ट आती है दो हजार घंटे काम करें तो सोलह की कॉस्ट आती है द कॉस्ट एट थाउजेंड आवर्स ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी आपको पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी होता है change in cost. तो मेरी सोलह हजार हो रही है मतलब की बढ़ रही है डिवाइड बाई चेंज इन आवर्स एक हजार से दो हजार मतलब एक हजार घंटे बढ़ रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी छह रुपए पर आवर है अगर वेरिएबल कॉस्ट छह रुपए पर आवर है तो अगर मैं एक हजार घंटे काम करूंगा तो एक हजार इंटू मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी जबकि टोटल लिखा हुआ है दस हजार चार हजार रुपए आपकी सिचुएशन में फिक्स कॉस्ट है क्वेश्चन जानना चाह रहे हैं तीन हजार के लेवल पे क्या होगा तो तीन हजार के लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट होगी तीन हजार इंटू छ हजार और चार हजार होगी फिक्स कॉस्ट तो अट्ठारह हजार प्लस चार हजार बाईस हजार रुपए आपकी टोटल कॉस्ट देखने को मिलेगी आंसर विल बी ट्वेंटी टू थाउजेंड हजार के लेवल पे आपको ट्वेंटी टू थाउजेंड की कॉस्ट देखने को मिलेगी वेरिएबल कॉस्ट होगी तीन हजार इंटू सिक्स थाउजेंड और फिक्स टोटेलिटी में कॉन्स्टेंट रहती ही है फर्म कंपेरिजन अगर आपको एक फर्म का दूसरे फर्म के साथ कंपेरिजन करना है तो इसके लिए क्या जरूरी है सर तो इसके लिए यूनिफॉर्म कॉस्टिंग होना जरूरी है अगर दो फॉर्म अलग अलग तरीके की कॉस्टिंग फॉलो कर रही होगी तो इंटर फॉर्म कंपेरिजन पॉसिबल नहीं हो सकता सेम तरीके की कॉस्टिंग फॉलो करेगी तभी तो इंटर फॉर्म कंपेरिजन पॉसिबल हो सकता है यू कैन से यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इज मस्ट फॉर मीनिंगफुल इंटरफॉर्म कंपेरिजन नेक्स्ट सिक्सटीन कॉस्ट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है उन एडिशन कहलाता है प्राइम कॉस्ट जितने भी डायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट अदर एक्सपेंस उन सबका एडिशन कहलाता है प्राइम कॉस्ट नेक्स्ट सेवेंटीन स्टोर लेजर इज कॉस्टिंग डिपार्टमेंट स्टोर लेजर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है नेक्स्ट एटीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल आइटम ऑफ ओवरहेड टू प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट इज नॉन एज जब हम ओवरहेड के खर्चों को प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है सर उसको अपोर्शनमेंट बोला जाता इसको अपोर्शनमेंट बोला जाता नेक्स्ट नाइनटीन द ओवर टाइम वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट वेजेस अगर कस्टमर की रिक्वेस्ट पे ओवर टाइम हो रहा है तो जो भी ओवर टाइम का खर्चा है वो सारा का सारा एज ए डायरेक्ट वेजेस उस जॉब में खर्चा लिखा जाता है नेक्स्ट ट्वेंटी द एक्सेस ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल ओवर द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट

तो भी प्रोडक्शन कॉस्ट तक बीच में कॉस्टिंग आती है दैट इट इज नॉन एज कन्वर्जन कॉस्ट नेक्स्ट ट्वेंटी वन चार्जिंग ऑफ आइडेंटिफिएबल आइटम ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर इज नॉन एज डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं अगर हम किसी भी आइडेंटिफिएबल आइटम को किसी कॉस्ट सेंटर डिपार्टमेंट से चार्ज कर पा रहे हैं ऑफ कोर्स वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस होगा नेक्स्ट ट्वेंटी टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेज इंसेंटिव इज टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर को इंसेंटिव क्यों देती है सर प्रोडक्टिविटी बढ़ाए ये देती है नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री पिन कार्ड इज मेंटेन बाई ब्लैंक डिपार्टमेंट पिन कार्ड जो होता है वो तो स्टोर डिपार्टमेंट ही मेंटेन कर लेता है पिन कार्ड इज मेंटेन बाई स्टोर्स डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंट में ही मेंटेन कर लिया जाता है नेक्स्ट ट्वेंटी फोर दिन सारे के सारे इनडायरेक्ट नेचर के जो खर्चे होते हैं तो मिला के क्या बोला जाता है ओवरहेड बोला जाता है नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव द अब नॉर्मल आइडल टाइम कॉस्ट इज चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने काफी बार बोला सर अगर अब नॉर्मल रीजन की वजह से कोई भी कॉस्ट इनकर हो रही है दैट शुड बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेक्स्ट अ स्टोर्स लेजर इज मेंटेन सर अभी तो आया था कि स्टोर लेजर जो है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है नेक्स्ट 27 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एग्जांपल फॉर नॉशनल कॉस्ट जब हम रिकॉन्सिलेशन पढ़ते हैं हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो केवल कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है वो भी ऑप्शनल बेसिस नेक्स्ट ट्वेंटी एट वेरिएबल ओवरहेड आर ऑब्जॉर्ब बाई प्रोडक्ट बेस्ड ऑन लेंथ लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक्चुअल लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वेरिएबल ओवरहेड जो है वेरिएबल ओवरहेड हम स बेसिस पे ऑब्जॉर्व करते हैं सर जितना भी एक्चुअल प्रोडक्शन होता है एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी वर्क होता है उसके बेसिस पे वेरिएबल का खर्चा बुक किया जाता है जबकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे बुक किया जाता है इट इज मेड इन टू टेक्सटाइल तो ये जो कॉस्ट ऑफ स्टार्च है तो क्या बोला जाए कहते हैं एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में यान जो है, धागा जो है उसको हम यूज करते हैं तो ये जो, इस और इट इस क्या बोला जाए तर ये एक तरीके का डायरेक्ट मटीरियल होता है डायरेक्ट मटीरियल है तो हम ज्ञान को टेक्सटाइल में के लिए या कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं

मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड थोड़ी कम होने की वजह से सेल्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो केवल 10000 यूनिट है मतलब सेल की एक्सपेक्टेशन कम है जबकि प्रैक्टिकल कैपेसिटी साढ़े ग्यारह है ये जो 1500 यूनिट की कैपेसिटी फालतू बच गई इसको आप बोल सकते हो आइडल कैपेसिटी तो 1500 यूनिट की कैपेसिटी आपके पास फालतू होगी मतलब आइडल आपके पास देखने को मिलेगी नेक्स्ट 31 he is an exporter who relinquishes his right to a receivable due at a future date in exchange for immediate cash payment at an agreed discount passing on all the risk and responsibilities for collecting the debt to be and this arrangement is called आप कहोगे सर ये क्या पढ़ रही है आपने ऐसा तो हमने पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में कहीं नहीं देखा बेटा ये जो थर्टी वन है ये एक्चुअल में कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है ही नहीं ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक, एक, एक फिल इन द ब्लैंक है तो तो गलती से आपके यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग में दे दिया है है इसका हालांकि मैं आंसर की बात करूं, तो ये एक डेफिनेशन फोर फिटिंग की जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर पढ़ेंगे वहां पे एक डेफिनेशन पढ़ेंगे आप फोर फिट फोर फिटिंग तो उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको इससे कोई मतलब नहीं है आप इसको स्किप कर सकते नेक्स्ट थर्टी इन ए सर्टन फैक्ट्री नॉर्मल कैपेसिटी है पचास हजार यूनिट्स की एक्चुअल कैपेसिटी आप कर रहे हो यूज फिफ्टी टू देना यहां पे वो रेयर केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि नॉर्मल कैपेसिटी जो है वो कम हो और एक्चुअल कैपेसिटी हमने ज्यादा यूज कर लिया हो फिक्सड प्रोडक्शन ओवरहेड शुड बी ऑब्जॉर्व बेस्ड ऑन यहाँ पे कई बार बच्चे क्या है गलती कर जाते हैं और नॉर्मल कैपेसिटी लिख जाते हैं इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जब भी फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड ओवर की बात आती है हम हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी नॉर्मल कैपेसिटी बोल देते हैं क्यों कि 99.99% .99 जगह हमें क्या देखने को मिलता है कि नॉर्मल कैपेसिटी जो है वो हमारी ज्यादा होती है और एक्चुअल कैपेसिटी जो है वो हम कम यूज कर रहे होते हैं 99.99% .99 क्वेश्चन में ऐसा ही देखने को मिलता है लेकिन यहां पे आप देखोगे एक्चुअल कैपेसिटी ज्यादा है एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये होता है फिक्सड प्रोडक्शन ओवरहेड हम ऑब्जॉर्ब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी एवर इज हायर रियल जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है फिक्स्ड ओवरहेड ऑब्जॉर्ब किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी विच एवर इज हायर लेकिन आपको ये कहीं कॉन्सेप्ट देखने को मिलता नहीं प्रैक्टिकल जब हम क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि हमेशा क्या होता है नॉर्मल कैपेसिटी आपके पास ज्यादा गिवन होती है और एक्चुअल कैपेसिटी कम होती है तो ध्यान देना फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे अगर नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी गिवन है तो नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी इज हायर अप्लाई होगा और यहां पे अगर एक्चुअल कैपेसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे एक्चुअल कैपेसिटी आएगा ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि आपके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को भी कहीं ना कहीं क्लियर कर रहा है कि बाई चांस एग्जाम में किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ऐसा हो जाए तो देना आपने नेक्स्ट थ्री एक्स फैक्ट्री आउटसोर्स इज द मैन्युफैक्चर ऑफ ए मेजर कंपोनेंट ए कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री है एक्स फैक्ट्री जो कि अपने जो मेजर कंपोनेंट है वो आउटसोर्स बनवाती है द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एक्स फैक्ट्री प्रिमाइजेस इज बोर्न बाई एक्स अब जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है वो एक्स फैक्ट्री खुद बियर करती है इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी ट्रीटेड एज लैंक कॉस्ट हमें यहां पे गिव द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट देना है तो सिंपल सी मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं कैरीज एक वर्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा और अगर मटीरियल से रिलेटेड कंपोनेंट से रिलेटेड अगर आप ये पे करते हुए चल रहे हो तो ये डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट ही कहलाएगी डायरेक्ट कॉस्ट ही कहलाएगी ये डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट का पार्ट होगा हम जब मटेरियल का चैप्टर पढ़ते हैं तो हम वहां पे जब लास्ट में परचेज कॉस्ट कैलकुलेशन की बात करते हैं तो हम कहते भी हैं कैरीज इनवर्ड जो है वो मटेरियल की कॉस्ट का ही पार्ट होता है मटेरियल की कॉस्ट में ही हम ऐड भी कर लेते हैं जब हम स्टोर लेजर वगैरह के क्वेश्चन करते हैं वहां पर भी अगर कोई कैरीज इनवर्ड का खर्चा गिवन होता है परचेज कॉस्ट में ही वो ऐड कर लिया जाता है मेजर कंपोनेंट कंपोनेंट की जो कॉस्ट होगी उसी में ऐड कर लिया जाएगा मटेरियल की कॉस्ट में ही ऐड कर लिया जाएगा फोर ब्लैंक मेथड ऑफ प्राइसिंग मटीरियल इश्यूज वेयर द प्राइस आर फॉलिंग, प्रॉफिट विल राइज। कहते वो कौन सा मेथड है मटीरियल इश्यू का जहां पे अगर प्राइस फॉल करेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा सिंपल सी मैं बात करूं सर ये लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड होगा कैसे अगर प्राइस फॉल कर रहा है मतलब मटेरियल का प्राइस गिर रहा है और आप लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो करेंगे तो मतलब जो गिरता हुआ प्राइस है वो आप कंसीडर करेंगे जब आप प्राइस कम कंसीडर करेंगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो तो क्या कैलकुलेट होके आएगा ज्यादा कैलकुलेट होके आएगा इन द लीफो मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इश्यूज वेयर द प्राइसेस आर फॉलिंग प्रॉफिट आपको राइज होते हुए दिखाई देंगे नेक्स्ट थर्टी इन इंडिया कॉमर्शियल पेपर्स कैन बी इश्यूड इन मल्टीपल ऑफ रुपी सर ये जो थर्टी फाइव है ये भी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कॉमर्शियल पेपर को लेकर फिर भी इसका आंसर मैं बात करूं पांच लाख रुपए का एक कॉमर्शियल पेपर होता है एक कॉमर्शियल पेपर पांच लाख रुपए का होता है नेक्स्ट थर्टी सिक्स वेन रॉ मटीरियल इज अकाउंटेड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट सेज ड्यू टू नॉर्मल रीजन विल बी ट्रीटेड एज लैंक कॉस्ट हमें यहां पर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बताना है कहते हैं अगर रो मटेरियल को हम स्टैंडर्ड कॉस्ट पे शो कर रहे हैं तो जिसकी वजह से वेरियांजो है वो कैलकुलेट होके आते हैं और वो भी नॉर्मल रीजन आप मान के चलो तो हम जो भी वेरियांस आते हैं उसको किस तरीके से ट्रीट करते हुए चले सर आप बता रहे हो कि नॉर्मल रीजन है नॉर्मल तो हम प्रोडक्ट की कॉस्ट से ही चार्ज करेंगे आप मटेरियल की बात कर रहे हो तो ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ही होगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो भी वेरिएंस है वो आप एज ए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ही शो करते हुए चलेंगे नेक्स्ट थर्टी सेवन कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम फॉर्मूला आइडल आवर्स इनटू आवरली रेट इनकर्ड बाय ए वर्कर डायरेक्टली वर्किंग ऑन ए प्रोडक्ट ज ट्रीटेड एज फैक्ट्री प्रोडक्शन ओवर सर आइडल टाइम जो है आइडल टाइम हमेशा एज ए फैक्ट्री ओवर एड शो किया जाता है कभी भी डायरेक्ट वेजेज तो शो किया ही नहीं जाता आइडल टाइम भले ही डायरेक्टली आप वर्किंग करो किसी प्रोडक्ट पे इनडायरेक्टली वर्किंग करो वो पार्ट तो फैक्ट्री ओवर का ही होता है नेक्स्ट थर्टी एट रॉयल्टी पेबल बेस्ड ऑन द राइट टू सेल ज ट्रीटेड एज हमें यहाँ पे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट शो करना है रॉयल्टी पेबल है किसके बेसिस पे राइट टू सेल मतलब आपने किसी को राइट टू सेल दिया और या फिर आपने राइट टू सेल लिया है और उसके बदले में आप रॉयल्टी पे कर रहे हो सिंपल सी बात है तो उस रॉयल्टी को हम किस खर्चे में शो करें यह राइट टू सेल है तो आप इसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर शो कर सकते अगर आपको कोई राइट टू सेल मिला है और उसके बदले में आप अगर रॉयल्टी पे कर रहे हो दैट विल बी द पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इट नेक्स्ट टाइम सेव्ड इज़ इक्वल टू टाइम टेकन देन अर्निंग्स ऑफ ए वर्कर अंडर हालसे प्लान एंड रोवान प्लान आर थ्रू इसको देख भी सकते हो अगर टाइम सेव्ड और टाइम टेकन अगर दोनों सेम होंगे तो आप देखोगे हमेशा हादसे और रोवान दोनों में जो वेजेस कैलकुलेट होके आएगी वो सेम कैलकुलेट होकर आएगी आप कोई भी डेटा कंसिडर करके कंसिडर कर सकते हो मान लो मैं कहता हूँ भाई दस घंटे आपको काम करने के लिए दिए लेकिन आपने पांच घंटे में वो काम कर दिया क्या मतलब पांच घंटे लिए हैं काम करने के लिए पांच घंटे आपने टाइम सेव कर दिया कोई भी रेट कंसिडर कर लो से एग्जाम्पल फिफ्टी रुपी पर आवर कैलकुलेशन करके देखोगे आपकी वेजेस सेम आएगी नेक्स्ट फोर्टी द डिफरेंस बिट्वीन एक्चुअल एंड ऑब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवर हेड इज कोल्ड एक्चुअल और ऑब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवर हेड के बीच में जो डिफरेंस होता है सर अंडर या ओवर ऑब्जॉर्ब्शन कहलाता है इज कोल्ड अंडर या ओवर ऑब्जॉर्प्शन डिफ्रेंस किस साइड में वो तो बताया नहीं तो वो अंडर ऑब्जॉर्प्शन भी हो सकता है ओवर तो ऑब्जॉर्प्शन भी हो सकता है नेक्स्ट फॉर्टी वन अंडर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लैंक रिजल्ट इन हायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कहते हैं अंडर ऑफ ओवरहेड्स अगर ओवरहेड का अंडर ऑब्जॉर्शन है अंडर ऑब्जॉर्प्शन का मतलब होता है ओवरहेड की कॉस्ट कम शो करना तो इससे प्रॉफिट ज्यादा देखने को मिलेगा नेक्स्ट फॉर्टी टू डायरेक्ट एक्सपेंसिस इनकर्ड फॉर ब्रॉट आउट रिसोर्सेज सिंपल सी बात यह है अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस इनकर हुआ है इस वजह से ब्रोट आउट रिसोर्स बाहर से आपने कोई कंपोनेंट वगैरह खरीदे हैं और उसकी वजह से कोई डायरेक्ट नेचर का खर्चा हुआ है ठीक है आपने बाहर से अगर कुछ खरीदा है तो उसका इन्वॉइस भी मिला होगा तो उस इनवाइस में जो कॉस्टी प्राइस लिखा हुआ है वही कॉस्ट आप कॉस्ट शीट में शो करते हुए चल सकते नेक्स्ट फोर्टी थ्री टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो क्या बनता है सर सेल्स वैल्यू बनती है नेक्स्ट फोर्टी फोर इन ब्लैंक सिस्टम बेसिस ऑफ वेजेस पेमेंट इज द क्वांटिटी ऑफ वर्क कौन सा ऐसा सिस्टम होता है जिसमें वर्क की क्वांटिटी के बेसिस पे वेजेस पे की जाती है सर पीस रेट सिस्टम होता है इन पीस रेट सिस्टम बेसिस ऑफ वेजेस पेमेंट इज द क्वांटिटी ऑफ वर्क जितना काम करोगे उसके हिसाब से आपको वेजेस पे की जाती है नेक्स्ट करंट 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 रेशियो रेशियो इज द ऑफ एसेट्स टू अगेन मैं कहूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग में एज सच अगेन इसका कोई रिलेशन नहीं है बट एक जनरल क्वेश्चन है है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही क्योंकि एफएम में हमारे रेशियो एनालिसिस का टॉपिक है बट फिर भी नॉलेज हम सबको होती है कि करंट रेशियो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी होता है बट फिर भी सिलेबस का पार्ट नहीं है नेक्स्ट इन स्टैंडर्ड कॉस्ट नॉर्म इज अप्लाइड एज ए स्केल ऑफ रेफरेंस फॉर एसेसिंग एक्चुअल कॉस्ट टू सर्व एज ए बेसिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल तो इन स्टैंडर्ड कॉस्ट प्री डिटरमाइंड नॉर्म पहले से नॉर्म से डिसाइडेड होते हैं उसको कंपेयर किया जाता है एक्चुअल के साथ ताकि हम कॉस्ट पे कंट्रोल कर सके इन स्टैंडर्ड कॉस्ट प्री डिटरमाइंड नॉर्म इज अप्लाइड एज ए स्केल ऑफ रेफरेंस फॉर एसेसिंग एक्चुअल कॉस्ट सर्व एज ए बेसिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल नेक्स्ट वन फोर्टी सेवन ट्रांसफर नोट इज ए ब्लैंक फॉर ट्रांसफरिंग द मटीरियल फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब तो मटीरियल ट्रांसफर नोट एक डॉक्यूमेंट होता है तो यूज किया जाता है जब हम एक जॉब से दूसरी जॉब पे कोई भी मटेरियल ट्रांसफर करते हैं उसके लिए रैंक में आएगा डॉक्यूमेंट नेक्स्ट फोर्टी एट वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ ओवर टाइम वर्किंग इज इनकरिंग एक्सेस लेबर कॉस्ट ओवर टाइम का नुकसान क्या है सर ओवरटाइम में आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो ज्यादा आती है एक्सेस लेबर कॉस्ट आती है यही नुकसान है नेक्स्ट फोर्टी नाइन

हम बार बार ये बोलते भी हैं जब हम चैप्टर पढ़ते हैं अगर आप नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो वहां पे आपको दो अलग अलग प्रॉफिट देखने को मिलेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट तो आपने उन दोनों को रिकनसाइल करना पड़ेगा एज देयर आर डिफरेंस इन द प्रॉफिट ऑफ टू सेट्स ऑफ बुक्स नेक्स्ट फिफ्टी वन मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट पीरियड सर तो ये मैक्सिमम लेवल का है इसको हमें कंप्लीट करना था ब्लैंक तो में री ऑर्डर लेवल आएगा प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ यूटिलिटी कॉस्ट कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीजी कॉस्ट का कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज का नेक्स्ट फिफ्टी थ्री लेजर इज कैप्ट एंड मेंटेन इन कॉस्टिंग डिपार्टमेंट सर ये तीसरी बार आ रहा है Fill in the blanks में. टोर लेजर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है नेक्स्ट फिफ्टी फोर इन ए कंपनी देअ ट्वेल्व हंड्रेड एम्प्लॉज ऑन द रोल एट द बिगिनिंग ऑफ ए ईयर एंड इलेवन एट्टी एट द एंड अगर बारह सो बिगिनिंग में है 11 एंड है सर एवरेज आ जाएगा ग्यारह सौ नब्बे ड्यूरिंग दर वन एंड ट्वेंटी सर्विसमेंट वर मेड नाइनटी सिक्स नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट है क्वेश्चन जानना चाह रहे हैं लेबर टर्न ओवर फ्लक्स मैथड के अकॉर्डिंगली क्या होगा फ्लक्स मैथड के अकॉर्डिंगली लेबर टर्न ओवर का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट 120 ट्वेंटी प्लस नाइन्टी इसका हाफ 108 जीरो एट डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉज बारह सो प्लस ग्यारह सो अस्सी डिवाइड बाई टू ग्यारह नब्बे परसेंटेज में होता है तो मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड भी होता है सर एक सौ आठ डिवाइडेड बाई ग्यारह सौ नब्बे आ जाएगा नाइन पॉइंट जीरो एट परसेंट नाइन पॉइंट जीरो एट परसेंट विल बी योर आंसर लिए तो आपको लेबर टर्न ओवर का फॉर्मूला पता होना चाहिए फ्लक्स मेथड में क्या होता है नेक्स्ट 55 आइडियल टाइम ये आइडियल नहीं आइडल टाइम होता है आइडियल तो अच्छा होता है अपने आइडियल नहीं आइडल होता है आइडल टाइम अराइजेज ओनली वेन वर्कर्स आर पेड ऑन टाइम बेसिस देखो वेजेस के दो सिस्टम होते हैं या तो टाइम बेसिस या फिर पेमेंट बाई रिजल्ट दैट इज ऑन पीस बेसिस अगर पीस बेसिस पे है आइडल टाइम का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि उसमें तो आप नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस के बेसिस पे वेजेस पे करते हो हां टाइम बेसिस पे अगर एक वर्कर काम कर रहा है उसका टाइम वेस्ट हो सकता है आइडल टाइम आपको देखो मिल सकता है नेक्स्ट 56 नॉर्मल आइडल टाइम कॉस्ट शुड बी चार्ज्ड टू प्रोडक्ट व्हाइल दैट ड्यू टू अबनॉर्मल रीजन शुड बी चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप कह सकते हो नॉर्मल आइडल टाइम कॉस्ट जो है शुड बी चार्ज टू प्रोडक्ट कॉस्ट और जो अब नॉर्मल है दैट शुड बी टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये तो कॉमन चीज है पूरे कॉस्ट अकाउंट नेक्स्ट 57 डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड और ब्रॉट आउट रिसोर्सेज शेल बी डिटरमाइंड प्राइस अभी तो आया था ये थोड़ी देर पहले क्स्ट फिफ्टी एट डायरेक्ट एक्सपेंस इनकर हुआ है तो क्या किया जाए तो उसको अमोर्टाइज किया जाता है जैसे डेप्रिशिएट किया जाता है चीजों को बिल्कुल वैसे ही आप अमोर्टाइज करते हुए चल सकते हो तो कि अगर लमसम में कोई खर्चा हुआ है जैसे अगर मैं कहूं मैं रॉयल्टी आप लमसम में पे करते हुए चल रहे हो ऐसा नहीं है कि वो लमसम रॉयल्टी आप सारी की सारी एक ही साल के खर्चों में डाल दोगे नहीं आप उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते पे चल सकते। Next, 59, overhead incurred है जबकि है जबकि तो आप देख सकते हो ऑब्जॉर्प्शन कम है कितना सात सौ रुपए से तो यहाँ पे अंडर ऑब्जॉर्प्शन आएगा सात सौ रुपए सात सौ रुपए का अंडर ऑब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा नेक्स्ट सिक्सटी अंडर इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम द अकाउंटिंग एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ वेजेज इज टू डेबिट एंड टू क्रेडिट कैश अगर मैं बात करूं इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में वेजिज पेमेंट की एंट्री की तो सर एंट्री होती है वेजिज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश यहां पर होगा डेबिट क्या होगा वेजिस कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा वेजिस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट क्या आपका कैश होगा ही नेक्स्ट सिक्सटी वन टू प्रिंसिपल मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आर ब्लैंक एंड ब्लैंक याद करो प्रोसेस कॉस्टिंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन सर दो मेथड होते हैं वहां पे एक होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और एक होता है एवरेज कॉस्ट मेथड सेल्स है तीस हजार रुपए की तीन लाख रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है एक लाख अस्सी हजार तो सर कंट्रीब्यूशन हो जाएगा cost, का. क्या होगा सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल एक लाख बीस हजार डिवाइड बाई तीन लाख करोगे चालीस परसेंट आपका पीवी रेशियो आ जाएगा फोर्टी परसेंट विल बी आंसर नेक्स्ट सिक्सटी थ्री फूड्स रिसीव्ड नोट इज प्रिपेयर बाई द फूड रिसीव्ड नोट कौन प्रिपेयर करता है सर so, जो डिपार्टमेंट मटीरियल को रिसीव करता है वो जी आर एन बनाता है फूड रिसीव नोट इज प्रिपेयर या रिसीविंग डिपार्टमेंट तो रिसीव करेगा वो जी आर एन बनाएगा नेक्स्ट सिक्सटी फोर ट्रांसफर ऑफ सरप्लस मटीरियल फ्रॉम वन जॉब और वर्क ऑर्डर रिकॉर्डेड इन अगर आप एक जॉब से किसी दूसरी जगह मटीरियल को सरप्लस मटीरियल को ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट होता है मटीरियल ट्रांसफर नोट मटीरियल ट्रांसफर नोट के थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह मटीरियल सरप्लस जो है वो ट्रांसफर कर सकते नेक्स्ट सिक्सटी फाइव डिस्काउंट अलाउड टू द बल्क परचेजर तो बल्क परचेजर होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में आपसे मटेरियल खरीदता है उसको आप कौन सा डिस्काउंट देते हो तो सर उसको दिया जाता है क्वांटिटी डिस्काउंट क्वांटिटी डिस्काउंट और डिस्काउंट है तो बल्क परचेजर को दिया जाता है नेक्स्ट सिक्सटी सिक्स लैंक इज ए डॉक्यूमेंट विच रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ अन यूज अगर आपके पास कोई मटेरियल अनयूज रह गया और उसको हम ट्रांसफर नहीं कर रहे दूसरी जगह हम उसको रिटर्न कर रहे हैं तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट होता है सर उसको बोला जाता है एम आर एन मटीरियल रिटर्न बोला जाता है ट्रांसफर करते हैं तो मटीरियल ट्रांसफर नोट होता है और अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो उसके लिए मटीरियल नोट होता है एम आर एन जिसको शॉर्ट में बोल सकते नेक्स्ट सिक्सटी सेवन इन ब्लैंक सिस्टम टू पीस रेट आर सेट फॉर ईच जॉब याद करो कि इज एम्प्लॉई कॉस्ट के टॉपिक में टू पीस रेट कहां पे थे सर टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम था जहां पे वो हमें दो रेट सजेस्ट करते थे इन टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम इन टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पे दो पीस रेट आपको बताए जाते नेक्स्ट द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग वेजेस अंडर टाइम टाइम रेट रेट इज के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपने देखा हुआ है सर जो जितने घंटे काम करता है उसके अकॉर्डिंगली उसको वेजेस दी जाती है आवर्स वर्कड मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर हमने फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है एम्प्लॉ कॉस्ट के टॉपिक में बिल्कुल बेसिक है। Next, 69. In HALSE plan, a worker gets bonus equal to 50% of time saved. HALSE may 50% of time saved bonus the other. Next, 70. Under Gantt task and bonus plan, no bonus is payable to a worker if his efficiency is less than 100%. अगर गांट टास्क एंड बोनस प्लान आप जाके रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे वर्कर को बोनस केवल केवल और के वल, तो या उससे ऊपर पे ही मिलता है। अगर उसकी सौ तो परसेंट से कम है तो उसको कोई भी बोनस नहीं दिया जाता डिपार्टमेंट वेजेज शीट कौन बनाता है सर वेजेज शीट को पेरोल शीट भी बोलते हैं क्योंकि इसको पेरोल डिपार्टमेंट बनाता है नेक्स्ट सेवेंटी डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेट टू प्रोडक्ट और सर्विस डायरेक्ट एक्सपेंस इज रिलेट टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट और रेंडरिंग ऑफ सर्विस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट या रेंडरिंग ऑफ सर्विस से रिलेट कर सकते हैं सेवेंटी थ्री पेनल्टीज और डेमेजेज पेड टू स्टेटरी ऑथोरिटी लैंक बी फॉर्म पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस सर पेनल्टी और डेमेजेस जो होते हैं वो cost में आते ही नहीं है यू कैन से पेनल्टी और डेमेजेसरी ऑथोरिटी शेल नॉट बी पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसल नॉट बी पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस इवन शेल नॉट बी पार्ट ऑफ कॉस्ट कॉस्ट में ही हम उसको कवर नहीं करते नेक्स्ट सेवेंटी फोर डायरेक्ट एक्सपेंस इज रिलेट टू एंक पार्ट ऑफ द प्राइम कॉस्ट इट डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेट टू ए प्रोडक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट क्योंकि प्राइम कॉस्ट में केवल वही डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा जो किसी प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेट करेगा नेक्स्ट सेवेंटी फाइव लास्ट वन ऑफ टूडे क्लास ओवर एड्स आर एन एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटीरियल एंड इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस ओवर क्या होते हैं किसका एग्रीगेशन होता है सर एग्रीगेशन ऑफ इनडायरेक्ट मटीरियल इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस इज नॉन एज ओवर ये हम बिल्कुल बेसिक में स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया करते हैं 76 से स्टार्ट करते हैं 76 एग्जांपल ऑफ आफ्टर सेल्स सर्विसेज आर जब एक ऑर्गेनाइजेशन सेल कर देती है उसके बाद भी वो कुछ सर्विसेज वगैरह देती है हमें उसके कुछ एग्जांपल हमें बताने हैं सिंपल सी बात है मान लो मैंने एक वॉशिंग मशीन परचेस करी और परचेस करने के बाद उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई कंपनी कोई भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस की जरूरत होगी तो वो हमें प्रोवाइड करेगी अगर उसमें कोई पार्ट वगैरह खराब हो गया तो वो उस पार्ट को रिप्लेस भी करेगी तो एग्जाम्पल ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज आप कह सकते हो सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक आफ्टर सेल सर्विस है जो कंपनी देती है हमें अलावा एंड कोई भी पार्ट कोई भी कंपोनेंट वगैरह रिप्लेसमेंट वगैरह की जरूरत होगी तो वो भी कंपनी करेगी रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट एटसेट्रा ये क्या है आफ्टर सेल्स सर्विसेज के एग्जाम्पल्स नेक्स्ट 77। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर यूजुअली यूजॉर्ब एज ए परसेंटेज ऑफ वर्क फैक्ट्री कॉस्ट लास्ट क्लास में भी आया था नेक्स्ट सेवेंटी एट द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड ऑब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवर हेड इज कॉल्ड एक्चुअल ओवरहेड और ऑब्जॉर्ब ओवरहेड के बीच में जो डिफरेंस होता है तो हम क्या बोलते हैं अंडर या ओवर ऑब्जॉर्ब ओवरहेड ये भी लास्ट क्लास में आया था अंडर ओर ओवर ऑब्जॉर्ब ओवरहेड नेक्स्ट सेवेंटी नाइन द टर्म यूज फॉर चार्जिंग ऑफ ओवरहेड कॉस्ट यूनिट इज नॉन एज कॉस्ट यूनिट मतलब प्रोडक्ट से ओवर को प्रोडक्ट से करने की जो टर्म है तो हम हम क्या बोलते हैं हैं तो सर उसके लिए रेट निकालते हैं, तो बोला जाता है absorption. यही अगर कॉस्ट सेंटर वर्ड यूज किया जाएगा तो अपोर्शनमेंट और अगर यूज किया गया है कॉस्ट यूनिट तो हम यहां पे लिखेंगे क्योंकि कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है डिपार्टमेंट में बांटना तो हम अपोर्शनमेंट बोलते हैं और कॉस्ट यूनिट से चार्ज करने का मतलब है प्रोडक्ट से चार्ज करने को अब्जॉर्प्शन बोला जाता है नेक्स्ट एटी द डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल कैपेसिटी एंड द कैपेसिटी बेस्ड ऑन सेल्स एक्सपेक्टेंसी इज नॉन एज आइडल कैपेसिटी ये भी लास्ट क्लास में आया था एक तो होती है प्रैक्टिकल कैपेसिटी एक हम एक्सपेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट विल बी योर आइडल कैपेसिटी नेक्स्ट एटी वन द ब्लैंक रेट इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द ओवरहेड्स बाय द एग्रीगेट ऑफ द प्रोडक्टिव आवर्स ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स जब हम ओवर से डिवाइड करते हैं जो कि रेट निकालने के लिए यूज किया जाता है उस रेट को क्या बोला जाता है तो सर जब हम आवर्स से डिवाइड करते हैं वो भी वर्कर्स के तो हम उसको तो लेबर आवर रेट बोलते हैं लेबर आवर यहाँ पे आ जाएगा लेबर आवर

आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट 83 थ्री ओवरहेड इन हुए हैं सोलह हजार जबकि ऑब्जॉर्ब है पंद्रह तीन सौ तो अब्जॉर्प्शन कम है कि आपको अंडर ऑब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा कितना डिफरेंस है सात सौ देर इज अंडर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ सेवन हंड्रेड ये सिमिलर क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी देखा था हमने नेक्स्ट 84 इन कॉस्टिंग कॉस्टिंग कॉस्ट इज एडेड टू में हमनेट्री तो का वैल्यूएशन किया जाता है तो उसमें फिक्स कॉस्ट भी होती है इन ऑब्जॉर्न कॉस्टिंग फिक्सड कॉस्ट इज एडेड टू इन्वेंट नेक्स्ट प्राइम कॉस्ट में अगर ओवरहेड एड कर लिया जाए सर तो प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट खर्चे हो गए ओवर में इनडायरेक्ट अगर सारे के सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चों का एडिशन कर दोगे तो वो कहलाएगी आपकी टोटल कॉस्ट कॉस्ट प्लस ओवर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट नेक्स्ट वन एटी सिक्स ब्लैंक प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल अगर आप टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट एड कर दोगे तो वो सेल्स बन जाती नेक्स्ट एटी सेवन डायरेक्ट मटीरियल प्लस ब्लैंक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसिस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस इनका जो एडिशन होता है दैट इज एज प्राइम कॉस्ट में आ जाएगा डायरेक्ट लेबर नेक्स्ट एटी एट सैलरी पेड टू फैक्ट्री मैनेजर इज एन आइटम ऑफ फैक्ट्री ओवर एट अगर आप फैक्ट्री के मैनेजर को सैलरी पे कर रहे हो तो ये फैक्ट्री ओवर एट का पार्ट है नेक्स्ट एटी नाइन रिकॉन्सिलियन स्टेटमेंट्स इनकम शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंटियल अकाउंट्स में कोई इनकम आपने शो करी हुई है तो रिकॉन्सिलियन स्टेटमेंट में क्या करना है तो इसका देखो दो तरीके से आंसर दिया जा सकता है या तो आप कह सकते हो सर इनकम जो है वो फाइनेंशियल प्रॉफिट में से माइनस कर लो या फिर आप कह सकते हो कॉस्टिंग के प्रॉफिट में इस इनकम को ऐड कर लो कि देखो रिकॉन्सिलियेशन दो तरीके से बन सकता है टॉप पे आप प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट कंसिडर करके कर सकते हो या टॉप पे आप प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट लेकर कंसिडर कर सकते हो अगर आप टॉप पे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट लेते हो तो ये माइनस हो जाएगा अगर आप टॉप पे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट लेते हो तो फिर उस सिचुएशन में ये क्या हो जाना चाहिए एड होना जाना चाहिए लेकिन जैसा कि मैं जब रिकॉन्सिलियेशन करवाता हूँ और मैं आपको कहा करता हूँ कि अगर क्वेश्चन में कुछ टेंशन ना हो तो हम हमेशा टॉप पे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग लेते हैं तो उसी चीज को मैं यहां पे भी एज्यूम करते हुए आप इसका आंसर लिख सकते हो कम ओनली इन आग, इन फाइनेंशियल अकाउंट आर कॉस्टिंग प्रॉफिट कॉस्टिंग के प्रॉफिट में आप इसको ऐड कर लो बाकी अगर आप यहां पे डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉफिट लिखोगे तो भी एग्जामिनर गलत नहीं कर सकते नेक्स्ट नाइनटी रिकॉन्सिलियशन स्टेटमेंट एक्सपेंसिजोन ओनली इन कॉस्ट अकाउंट कोई एक्सपेंस आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में दिखाया तो उसकी वजह से आपके कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम हो गया उसको वापिस एड बैक कर लोन रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक्सपेंसिवली इन कॉस्ट अकाउंट आर एडेड बैक इन कॉस्टिंग प्रॉफिट एडेड बैक इन कॉस्टिंग प्रॉफिट कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हो गया तो उसको बढ़ाओ पढ़ाने के लिए कॉस्टिंग के प्रॉफिट में आप उसको वापस एड बैक कर लो लोशनल खर्चे होते हैं जो केवल कॉस्ट बैक कर लिया करते हैं Next, 91. Over अगर में आपने खर्चा ज्यादा दिखा दिया खर्चा ज्यादा दिखा दिया मतलब प्रॉफिट हो गया कम आर एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट आप वापिस उसको एड कर लो एडेड इन कॉस्टिंग प्रॉफिट आपने खर्चा दिखा दिया है वो आप वापिस एडबैक कर लोग तो रिकॉन्सिलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा नाइनटी टू कहते हैं ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट कम अंडर रिकवर्ड का मतलब खर्चा कम दिखाना कॉस्टिंग में और कॉस्टिंग में अगर खर्चा कम दिखाया है तो आपका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है ज्यादा आ रहा है तो उसको कम करो तो डिडक्टेड इन कॉस्टिंग प्रॉफिट डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्टिंग प्रॉफिट डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्टिंग प्रॉफिट जितना भी अंडर अब्ज है उतना कॉस्टिंग के प्रॉफिट में से आप लेस कर दो नेक्स्ट 93, थ्री कॉशनल टू ऑनर इज एक्सपेंस डेबिट ओनली इन कॉस्ट अकाउंटिंग दैट इज कॉस्टिंग पीएल अकाउंट खर्चा है नॉशनल केवल और केवल आप कॉस्ट अकाउंटिंग में शो करते हो नॉशनल रेमेशन टू तो ऑनर इज एक्सपेंसि डेबिटेड अकाउंट की बात चल रही है तो अकाउंट का नाम क्या लिखना पड़ेगा कॉस्टिंग अकाउंट नेक्स्ट ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू आर रिकॉर्डेड थ्रू आप जब नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग देखते हो तो आप देखते हो कि मटेरियल के सारे के सारे ट्रांजेक्शन फोर लेजर कंट्रोल अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं हाँ पे आ जाएगा स्टोर्स लेजर पूरा लिखना हो तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट तो केवल स्टोर लेजर भी लिखोगे तो भी एग्जामिनर गलत नहीं करेगा नेक्स्ट नाइनटी फाइव द नेट बैलेंस ऑफ लैंक रिप्रेजेंट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस द नेट बैलेंस ऑफ कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है दैट विल इंडिकेट या तो नेट प्रॉफिट या फिनेट लॉस नेक्स्ट नाइंटी सिक्स डब्लू आई पी लेजर कंटेन्स द अकाउंट ऑफ ऑल द ब्लैंक विच आर अंडर विच आर अंडर ब्लैंक कहते हैं डब्ल्यू आई पी लेजर अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं और वो कहां पर शो किए जाते हैं सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो डब्ल्यू आई पी लेजर में हम सारे के सारे प्रोडक्शन रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं वो शो करते हैं और जो कि वर्क इन प्रोग्रेस में होते हैं मतलब एक्जीक्यूशन चल रहे होते हैं जब काम चल रहा होता है वो हम इसमें शो किया करते हैं तो आप यहां पे लिख सकते हो डब्ल्यू लेजर कंटेन्स द अकाउंट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट या जॉब विच आर अंडर प्रोसेस या फिर एग्जीक्यूशन नेक्स्ट 97 सेवन द टू ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट आर द ब्लैंक एंड कहते हैं दो ट्रेडिशनल सिस्टम कौन से होते हैं ऑफ अकाउंटिंग फॉर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंटीग्रेशन करते हैं ऐसे दो कौन से सिस्टम होते हैं देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक तो होता है डबल एंट्री सिस्टम तो आप प्रैक्टिकली इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में देखते भी हो एक और सिस्टम होता है जिसको थर्ड एंट्री सिस्टम भी बोला जाता है एक्चुअल में थर्ड एंट्री सिस्टम क्या होता है थर्ड एंट्री सिस्टम ये कहता है तो कॉस्ट अकाउंटिंग एंट्री आप अलग कर लो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंट्री आप अलग कर लो और उन दोनों को रिकनसाइल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उन दोनों को मैच करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरी एंट्री पास करके आप उस फिगर को एडजस्ट करते हुए चल सकते जैसे कि अगर मैं कहूं तो एक जगह आपने खर्चा दिखा दिया एक हजार जगह दो हजार है तो यहां दोनों तो एंट्री आपने करी करी होगी एक हजार बुक करने के लिए एंट्री करी होगी दो हजार के लिए की होगी अब इन दोनों को रिकनसाइल करने के लिए आप एक तीसरी एंट्री पास करके यहाँ पे हजार रुपए का खर्चा और रिकॉर्ड कर दो बोला जाता है थर्ड एंट्री सिस्टम हालांकि प्रैक्टिकली हमें ये अपने सिलेबस में कहीं भी नहीं देखने को मिलता बट थ्योरिटिकली ये चीज होती है यू कैन से डबल एंट्री सिस्टम और थर्ड एंट्री सिस्टम आप यहां पे लिख सकते हो थियोरिटिकली नेक्स्ट 98 अंडर इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम द अकाउंटिंग एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस इज टू डेबिट लैंक एंड टू क्रेडिट कैश पेमेंट ऑफ वेजेस की एंट्री होती है सर वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश डेबिट क्या होगा डेबिट होगा वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा वेजेस कंट्रोल अकाउंट ये लास्ट क्लास में भी आया था नेक्स्ट नाइनटी नाइन कॉस्ट ऑफ ब्लैंक लॉस इज नॉट बोर्न बाय गुड यूनिट दो तरीके के लॉस होते हैं नॉर्मल और अब नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस होता है जो कि हम गुड यूनिट से बोर्न नहीं करते नॉर्मल लॉस जो है वो तो हम गुड यूनिट्स में डाल देते हैं यहां पे आ जाएगा अब नॉर्मल कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल लॉस जो है इज नॉट बॉन्ड बाई गुड यूनिट नेक्स्ट वन हंड्रेड इफ द एक्चुअल लॉस इन ए प्रोसेस इज लेस देन द नॉर्मल लॉस कहते अगर एक्चुअल लॉस आपका कम है नॉर्मल से तो डिफरेंस इज नॉन एज प्रोसेस कॉस्टिंग में हम यही तो कहते हैं सर मान लो अगर हमने सोचा कि सौ यूनिट खराब होगी लेकिन एक्चुअल में अस्सी ही यूनिट खराब हुई तीस यूनिट का हमें गेन होगा

क्स्ट वन जीरो टू द ब्लैंक प्रोडक्ट जनरली हैज ए ग्रेटर सेल वैल्यून बाई प्रोडक्ट सोइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में दो तरीके के मेनली प्रोडक्ट होते हैं एक होते हैं मेन प्रोडक्ट एक होते हैं बाई प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिनकी सेल वैल्यू इन कंपेरिजन विद बाई प्रोडक्ट ज्यादा होती है मेन प्रोडक्ट ब्लैंक में आएगा आपका मेन दिन प्रोडक्ट जनरली हैज ए ग्रेटर सेल वैल्यून बाई प्रोडक्ट नेक्स्ट वन जीरो थ्री स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इक्वेल एंट प्रोडक्शन द पर यूनिट कॉस्ट एलिमेंटवाइज एलिमेंटवाइज स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट जब हम इक्वेल प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में बनाते हैं तो आप वहां पे देखते हो मटीरियल कॉस्ट पर यूनिट लेबर कॉस्ट पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट में अलग अलग शो की जाती है तो आप कह सकते हो सर पर यूनिट कॉस्ट एलिमेंट वाइज वहां पे शो की जाती है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट अलग लेबर कॉस्ट पर यूनिट अलग ओवर कॉस्ट पर यूनिट अलग नेक्स्ट वन जीरो फोर हॉस्पिटल द कॉस्ट यूनिट इज हॉस्पिटल में देखो बेड के बेसिस पे या फिर पेशेंट डेज के बेसिस पे कॉस्ट यूनिट कैलकुलेट की जाती है कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट की जाती है तो आप कह सकते हैं हॉस्पिटल द कॉस्ट यूनिट इज या तो पेशेंट डेज आप बैड डेज भी इसको बोल सकते नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी द कॉस्ट यूनिट इज किलोवाट आवर्स पावर इंडस्ट्री में चलता है किलोवाट आवर्स नेक्स्ट वन जीरो सिक्स द मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज इन अंडरटेकिंग लाइक गैस कंपनीज सिनेमा हाउसेज हॉस्पिटल एटसेट्रा इज नॉन एज तीनों के तीनों एग्जाम्पल है सर्विस इंडस्ट्री के और सर्विस इंडस्ट्री में कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग अप्लाई होता है सर सर्विस इंडस्ट्री में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अप्लाई होता है आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग लिख सकते हो आप सर्विस कॉस्टिंग में पे मेंशन कर सकते हो एक ही बात है नेक्स्ट 107 इन मोटर ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग टू एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट आर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शीट आप बनाते हो हमें फिक्स्ड कॉस्ट के तो एग्जांपल बताने हैं तो आप कह सकते हो सर एक तो इंश्योरेंस का खर्चा होता है जो तो कि नॉर्मली फिक्स्ड होता है इसके अलावा जो है वो फिक्स भी होता है वेरिएबल भी होता है लेकिन फिक्स भी तो होता ही है अपने को तो फिक्स के एग्जाम्पल लिखने हैं इसके अलावा भी आप लिख सकते हो ड्राइवर सैलरी वगैरह ये खर्चे भी आप मैं एग्जाम्पल तो काफी सारे होते हैं क्स्ट वन जीरो एट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज फिक्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स रहती है मार्जिनल कॉस्ट इज दल्स ओवर कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग वेरिएबल कॉस्ट तो मार्जिनल कॉस्ट इज द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉन्ट्रीब्यूशन अगर मैं सेल्स में से कंट्रीब्यूशन माइनस कर देता हूं तो वो क्या बच जाता है मार्जिनल कॉस्ट बच जाता है नेक्स्ट 110 टीवी रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेंथ टू सेल्स कंट्रीब्यूशन टू सेल्स टीवी रेशियो क्या है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल मतलब कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो है नेक्स्ट 111 इफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल रेशियो इज 60% अगर वेरिएबल कॉस्ट साठ परसेंट है बचा हुआ पार्ट हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन जिसको हम क्या बोलते हैं पीवी रेशियो सर पीवी रेशियो कितना बच फोर्टी परसेंट पीवी रेशियो कितना बच ओवरहेड इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट सर मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट नेक्स्ट वन वन थ्री वेन सेल्स अगर तीन लाख रुपए है वेरिएबल कॉस्ट अगर एक लाख अस्सी हजार है तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा तो एक लाख बीस हजार कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा और पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन मे सेल्स एक लाख बीस हजार डिवाइड बाई तीन लाख चालीस परसेंट आपका पीवी रेशियो आएगा सेम क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी हमने किया था नेक्स्ट वन वन फोर वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट पर यूनिट Variable cost remains fixed per unit. Per unit ये फिक्स रहता है. पर आया? Next, 115. Margin of safety is, margin of safety क्या होता है सर एक्चुअल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल माइनस करते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स ओवर ब्रेक इवन सेल। लिखने का तरीका अलग अलग है ब्लैंक है। आंसर ठीक होना चाहिए बाकी वर्डिंग्स अलग अलग हो सकती है नेक्स्ट वन वन सिक्स ब्रेक पॉइंट इज ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई बीवी रेशियो कोई बच्चा इसको फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी लिख सकता है सर वो भी ब्रेक इवन पॉइंट है क्या ब्रेक इवन पॉइंट इज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन भी है तो विल इन द ब्लैंक्स से आपका माइंड जिस तरीके से वर्क करे वैसे लिखना है तो आप लिखो वो सही होना चाहिए बस नेक्स्ट 117 कंट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट एट ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होता है या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी ठीक है नेक्स्ट वन वन एट स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ए ब्लैंक कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ए प्री डिटरमाइंड कॉस्ट पहले से डिटरमाइंड होती है नेक्स्ट वन स्टैंडर्ड कॉस्ट व्हेन फिक्स्ड इज रिकॉर्डेड ऑन ब्लैंक कार्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड जब स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स हो जाती है कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट ये होनी चाहिए तो उसको किस पे रिकॉर्ड कर लिया जाता है कार्ड पे और उस कार्ड को नाम दिया जाता है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ये वर्डिंग नहीं नहीं है जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं तो वहां पे भी स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड वर्डिंग आपको देखने को मिलती है मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है तब हम कार्ड पे एक यूनिट की कॉस्ट लिख लेते हैं स्टैंडर्ड बेसिस पे कार्ड को स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बोला जाता है एक यूनिट का डाटा उस पे लिखा हुआ होता है नेक्स्ट 120 हिस्टोरिकल कॉस्टिंग यूजेस पोस्ट पीरियड कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में क्या होता है जब कॉस्ट इनकर हो जाती है उसके बाद लिखा जाता है व्हाइल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूजेस प्री डिटरमाइंड कॉस्ट जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये कॉस्ट पहले लिखी जाती है जब एक्चुअल हो जाता है उसके बाद तो उसको कंपेयर किया जाता है नेक्स्ट सर एक होता है बेसिक स्टैंडर्ड एक होता है करंट स्टैंडर्ड और अगर तीसरा भी लिखना हो तो नॉर्मल स्टैंडर्ड अगर आपसे केवल दो पूछे जाए उस सिचुएशन में आपको बेसिक और करंट लिखना है अगर तो तीन पूछ लिए जाए तो फिर बेसिक करंट और नॉर्मल ये तीन तरीके के स्टैंडर्ड्स होते हैं नेक्स्ट 122 ट्वेंटी टू द ब्लैंक इज यूजली द कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्टैंडर्ड कमेटी स्टैंडर्ड कॉस्ट की जो कमेटी होती है उसका कोऑर्डिनेटर होता है कौन सर कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट होता है वो कोऑर्डिनेट करता है कोऑर्डिनेटर होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट कमेटी का नेक्स्ट वन ट्वेंटी थ्री स्टैंडर्ड कॉस्ट वेन रिकॉर्डेड ऑन अभी अभी तो आया तो standard cost card पे record किया जाता है Next, 124, basically, there are two type of standards, तो ये तीन होते हैं लेकिन बेसिकली बात करोगे तो दो तरीके के एक है बेसिक स्टैंडर्ड और दूसरा अगर आपको लिखना हो तो करंट स्टैंडर्ड में तीन तरीके के होते हैं लेकिन जैसे कि मैंने कहा दो की बात करें तो बेसिक और करंट तीन की बात करें तो आप नॉर्मल भी उसमें लिख स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर आपकी एक्चुअल कॉस्ट आई है कम मैं कहता हूं कॉस्ट दस रुपए आनी चाहिए लेकिन नो ही आई अच्छी बात है फेवरेबल है तो इट इज नॉन एज ब्लैंक इज नॉन एज फेवरेबल वेरियां अगर आपकी कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम आई है तो उसको बोला जाता है फेवरेबल वेरिएंस उसको बोला जाता है फेवरेबल वेरिएंस 126 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वन ऑफ द ब्लैंक टेक्निक कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक्स होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजट सेंट बजटरी कंट्रोल ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज वन ऑफ द कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक है पहले स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं Then उनको कंपेयर किया जाता है विद एक्चुअल्स और जो भी एक्शन लेने की जरूरत हो एक्शन लिए जाते हैं नेक्स्ट वन ट्राइटेरिया और डिफरेंस बिटवीन टू टू डिटरमाइन द डिफरेंस लिख सकते हो आप टेक्निकल लैंग्वेज यूज करना चाहो तो आप वेरियां वर्ड यूज कर सकते स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है एक क्राइटेरिया एक यार्ड स्टिक है के अगेंस्ट में एक्चुअल एक्टिविटी को कंपेयर करके हम स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में वेरिएंस या डिफरेंस कैलकुलेट करने की डिटरमाइन करने की करते हैं नेक्स्ट 128 बजट्स आर ब्लैंक प्लान बजट्स क्या होते हैं बजट एक्शन प्लान्स होते हैं बजट बनाने के बाद हमें उनके अकॉर्डिंगली एक्शन लेने होते हैं बजट्स आर एक्शन प्लान्स नेक्स्ट 129 the key factor in a budget does not remain the same every year zaruri nahi hai ki kisi budget mein key factor agar is saal raw material hai to agle saal bhi key factor raw material hi ho key factor har saal budgets mein alag alag change ho sakta hai key factor in a budget does not remain the same every year next 130 cash budget is a part of blank budget tar cash budget जो है वो एक तरीके से financial budget का part होता है. राइट इंशियल बजट कैश बजट इज ए पार्ट ऑफ फाइनशियल बजट नेक्स्ट बजट आर सब्सिडरी टू मास्टर बजट के सारे जो फंक्शनल बजट होते हैं मिलाकर मास्टर बजट बनाया जाता है तो यू कैन से फंक्शनल बजट आर सब्सिडरी टू मास्टर बजट नेक्स्ट वन थर्टी टू लैंक लीड्स टू जटिंग एंड बजटिंग लीड्स टू बजटरी कंट्रोल लैंक लीड्स टू बजटिंग सर फॉरकास्टिंग बजटिंग में हम फॉर करते हैं थ्री लैंक कंट्रोल इनवॉल्व टैकिंग एंड इवेल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस सर बजटरी कंट्रोल बजटरी कंट्रोल में हम क्या करते हैं परफॉर्मेंस को करते हैं एक्चुअल के साथ बजट ये है देन हमें इसके अकॉर्डिंगली एक्शन प्लान लेकर एक्चुअल में क्या अचीव किया वो हम क्या करते हैं कंपेयर आप कर सकते हो नेक्स्ट वन थर्टी फोर बजट इज ए थैंक टू मैनेजमेंट तो एक बजट क्या है एक बजट मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल होता है ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस को मेजर कर सके तो ए बजट इज ए Add to management मतलब तो एक बजट हेल्प करता है मैनेजमेंट की इस पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस वगैरह मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ़ तो आप लिख सकते हो ब्लैंक में एड टू मैनेजमेंट नेक्स्ट वन थर्टी फाइव द प्रिंसिपल बजट फैक्टर और कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चर इज नॉर्मली तो कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उसके लिए प्रिंसिपल बजट फैक्टर क्या हो सकता है एक कंज्यूमर गुड्स कंपनी के लिए प्रिंसिपल बजट फैक्टर होता है मार्केट में डिमांड प्रोडक्ट की सेल्स डिमांड आप कह सकते कि मार्केट में डिमांड अगर कम होगी तो वो उसके अकॉर्डिंगली कम प्रोडक्शन करेगा ज्यादा होगी तो ज्यादा करेगा तो कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चर के लिए मार्केट में सेल डिमांड जो है वो एक प्रिंसिपल फैक्टर होता है उसी के अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्शन करता है नेक्स्ट 136 ए बजट इज ए प्रोजेक्टेड प्लान ऑफ एक्शन इन बजट इज ए प्रोजेक्टेड प्लान ऑफ एक्शन इन तो बजट जो होता है वो प्रोजेक्टेड प्लान तो होता ही है इन की मैं बात करूं तो वो या तो यूनिट्स फॉर्मेट में बनाया जा सकता है क्वांटिटी टर्म्स में या फिर वो मॉनिटरी टर्म्स में बनाया जा सकता है यू कैन राइट हेयर ए बजट इज ए प्रोजेक्टेड प्लान ऑफ एक्शन इन क्वांटिटेटिव एंड मॉनिटरी टर्म्स क्वांटिटेटिव एंड मॉनिटरी टर्म्स आप क्वांटिटेटिव को यूनिट्स फॉर्म में लिख दो यूनिटरी टर्म मॉनिट्री को आप फाइनेंशियल टर्म लिख दो एक ही बात है नेक्स्ट 137, 137 लेंथ इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द एक्शन एज टू कीप द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट विद इन द सेट पैरामीटर सर ये डेफिनेशन लिखी हुई है कॉस्ट कंट्रोल की कॉस्ट कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द एक्शन एज टू कीप द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट विद इन द पैरामीटर के अंदर हम अपनी कॉस्ट को रखने की कोशिश करते हैं इसके थ्रू कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर के थ्रू नेक्स्ट वन थर्टी एट सी एस ब्लैंक स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर सर्विस कॉस्ट सेंटर जो है उसका सी एस नंबर है थर्टीन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्टीन है कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर नेक्स्ट वन थर्टी नाइन एट ब्लैंक कॉन्ट्रीब्यूशन एवेलेबल इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट सर कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल फिक्स कॉस्ट के इक्वल होता है कब ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या आ जाएगाबल इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट नेक्स्ट वन फोर्टी द डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब्स द बजटिंग ऑर्गेनाइजेशन बजटिंग प्रोसीजर एटसेट्रा इज नॉन एज सर बजट मैनुअल एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बजट से रिलेटेड सारी प्रोसीजर लिखी हुई होती है कौन से बजट के लिए कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा कौन सा बजट कब तक बन जाना है कौन सा बजट किसको रिप्रेजेंट करना है सारी प्रोसीजर उसमें लिखी हुई होती है नेक्स्ट 141 फोर्टी वन लैंक इज डिस्काउंट अलाउड टू द बल्क परचेजर लास्ट क्लास में भी ये आया था कि बल्क परचेजर को क्वांटिटी डिस्काउंट दिया जाता है डिस्काउंट लिख दो ट्रेड डिस्काउंट लिख दो एक ही बात है का होता है एट लास्ट क्लास में भी ये आया था नेक्स्ट 143 फोर्टी थ्री द एक्चुअल लॉस इन ए प्रोसेस इज लेस देन नॉर्मल लॉस द डिफरेंस इज नॉन एज अब गेन अभी थोड़ी देर पहले तो सर ये क्वेश्चन पर आया था काफी सारे क्वेश्चन रिपीटेड यहाँ पे रिपीट किए गए नेक्स्ट वन प्रिंसिपल बजट फैक्टर फॉर कंज्यूमर गुड्स सेल्स डिमांड अभी तो आया ऊपर नेक्स्ट वन चेंज इन कॉस्ट डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है cost में change, किस वजह से? ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी जब हम अपने एक्टिविटी लेवल में चेंज करते हैं उसकी वजह से जो टोटल कॉस्ट में चेंज दिखता है उसको डिफरेंशियल कॉस्ट बोला जाता है अगर आप कहते हो सर 100 यूनिट बना रहा हूं 10,000 की कॉस्ट है 200 यूनिट बना रहा हूं 16,000 की कॉस्ट है तो 10,000 से 20,000 यूनिट पे जाने के लिए क्या जो भी मैंने यूनिट कंसिडर की उस उससे चेंज करने की वजह से जो आपकी कॉस्टिंग में चेंज हुआ दैट इज डिफरेंशियल कॉस्ट नेक्स्ट वन इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग द कॉस्ट यूनिट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हर कॉन्ट्रैक्ट एक कॉस्ट यूनिट होता है हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है कॉस्ट यूनिट होता है पर कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट 147 फोर्टी सेवन कॉस्ट आर हिस्टोरिकल कॉस्ट विच आर इनकर्ड इन द पास्ट सर दास्ट कॉस्ट होती है जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है जो पास्ट में इनकर होती है डिसीजन मेकिंग में उसके लिए कोई रिलेवेंसी नहीं होती नेक्स्ट 148 फोर्टी एस टू डी विद कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन लेंक डिटर्मिनेशन कैपेसिटी डिटर्मिनेशन सर सी एस टू कैपेसिटी डिटर्मिनेशन का है नेक्स्ट वन फोर्टी नाइन लेंक इज द समरी ऑफ ओल फंक्शनल बजट सारे के सारे फंक्शनल बजट को जब समराइज फॉर्म में लिखा जाता है तो सर उसको बोला जाता है मास्टर बजट मास्टर बजट इज ए समरी ऑफ ओल फंक्शनल बजट Last question है, है अभी तो आया था कहीं ना कहीं आप देखोगे काफी थे actual में ये नहीं थे एक्चुअल में ये हमारे लिए हो गए और उसके पीछे reason क्या रहा हम ऑलरेडी एमसीक्यू ट्रू फॉल्स कर चुके थे और कहीं ना कहीं 50 टू 60 परसेंट ये फिल इन द ब्लैंक्स उन्हीं स्टेटमेंट पे बने हुए हैं जिसकी वजह से जैसे हम आगे से आगे जा रहे हैं वैसे-वैसे हमारे लिए चीजें इजी होती गई दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग पिट क्वेश्चन बुकलेट इसमें चार कैटेगरीज क्वेश्चंस की गिवन है एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स मैच द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स कि आपके एग्जाम में अगर मैं बात करूं नो no डाउट हमारे एग्जाम का पैटर्न चेंज होता रहता है बट फिर भी अगर मैं बात करूं कैन एक्सपेक्ट ट्वेंटी टू फोर्टी मार्क्स वेटेज आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते ऐसा कैसे अगर कोई भी एमसी क्यू क्वेश्चन आया मैच द द आया true, false आया ट्रू फॉल्स फिल इन ब्लैंक्स आया आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते तो कि कम से कम मैं बात करू ट्वेंटी हमारे पेपर में रहते हैं इसके अलावा अगर कोई छोटी मोटी डेफिनेशंस भी आपसे पूछी जाती है शॉर्ट नोट लाइक भी पूछा जाता है तो भी इस डिस्कशन में इसमें काफी सारा थ्योरी पोर्शन कवर हुआ है तो यहां से आप इजीली किसी भी थियोरिटिकल शॉर्ट नोट डेफिनेशन लाइक क्वेश्चन भी आता है तो वो भी यहां से आप अटेम्प्ट कर पाओगे यू कैन एक्सपेक्ट सर मिनिमम ट्वेंटी और मैक्सिमम फोर्टी मार्क्स तक की वेटेज आप इस बुकलेट में से एक्सपेक्ट करते हुए चल सकते हो और इसके अलावा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनकी हमने एक रोड और वाइड रेंज कवर करी हुई है कैन एक्सपेक्ट सर हमारी जो वीडियो क्लासेज हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थियोटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एनसी क्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बुकलेट है ये अगर आप करके जाते होता हूँ नाइनटी फाइव प्लस मार्क्स का पेपर हमने जो वीडियो क्लासेज में डिस्कस किया है आपको देखने को मिलेगा दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडे क्लास थैंक यू ऑल द बेस्ट